श्राद्ध कर्म के लिए कौन से पुष्प उपयोगी रहते हैं? ये अच्छा सवाल है। श्राद्ध कर्म के लिए आप जहां तक हो सके सफेद रंग के पुष्पों का ही इस्तेमाल करें। सफेद रंग के पुष्प पितरों को बहुत प्रिय होते हैं। सफेद रंग में जैसे मोगरे का पुष्प है, उसके अलावा आप तुलसी और उसके अलावा भृंगराज और अनार के पुष्पों का भी उपयोग कर सकते हैं। हाँ, बैंगनी रंग के पुष्पों का उपयोग आप कभी भी नहीं करें। एक मेरे से अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि श्राद्ध क्रम में वर्जित अन्न कौन से हैं? इन 16 दिनों के अंदर हमें कौन से ऐसे अन्न हैं जो हमें नहीं बनाने चाहिए? ये अच्छा प्रश्न है। श्राद्ध पक्ष के अंदर आप कभी भी गाजर, लहसुन, प्याज, राजमा, मसूर की दाल, अरहर की दाल और कह सकते हैं अपने कोला, जिनका वो पेठा बनता है, आगरे का जैसे पेठा बनता है वो, ये और ये फूल लौकी, ऐसी चीजों को आप श्राद्ध क्रम में उपयोग में नहीं लेवे। यह इससे पितर रुष्ट हो जाते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। श्राद्ध क्रम के अंदर ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन से पात्र काम में लेवे? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। आप सोने के बर्तन बहुत मुश्किल है आज के युग में, आप चांदी के बर्तन वह भी मुश्किल है, आप सोना ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि आप सोने के चांदी के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, पीतल के बर्तन का भी, कांसे के बर्तन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे आजकल स्टील के बर्तन चल रहे हैं, लोहे के बर्तन हैं, इनका उपयोग करने से बचे। लेकिन एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि आप श्राद्ध क्रम में मिट्टी के बर्तन का उपयोग भूल कर भी ना करें। मिट्टी के बर्तन के उपयोग से पितर हमारे रुष्ट हो जाते हैं। एक और आता है प्रश्न कि हम हमारे पितरों की मृत जो तिथि है वो हमें ज्ञात नहीं है, तो हम क्या करें? इसके साथ ही जुड़ा हुआ प्रश्न आता है कि तिथि के अनुरूप हमारे मृतकों का श्राद्ध करें या जिस दिनांक को मृत्यु हुई है उस दिनांक को उनका श्राद्ध करें। तो ये शास्त्रों में भी स्पष्ट वर्णन है इस बात का कि जिस तिथि को आपके मृतक स्वर्गवासी हुए हैं आप उसी तिथि को ही श्राद्ध कीजिए। यदि आपको तिथि ज्ञात नहीं है तो सर्व पितृ कार्य अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के निर्मित श्राद्ध कर्म कीजिए। इसी प्रकार यह भी आता है कि पितरों के निर्मित भोजन के अंदर उन्हें सबसे प्रिय क्या चीज है? ये अच्छा प्रश्न है। पितरों को तिल, काले तिल सबसे अधिक प्रिय है, लेकिन सफेद तिलों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। पितृ पक्ष जो चल रहा है इन 16 दिनों में, जब हम पितृ कर्म करते हैं, जैसे श्राद्ध, पिंडी श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, तिलांजलि देते हैं, पार्वण श्राद्ध करते हैं, इन सब चीजों के दौरान हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या धारण करना चाहिए। हमें सोने की पवित्री, यदि सोना हम धारण नहीं कर सकते हैं तो हम पवित्री धारण कर सकते हैं। जो कुशा का आसन, हम जिस आसन पे बैठते हैं उस आसन की पवित्री बना के आप अंगुली के अंदर धारण कर सकते हैं। एक प्रश्न इसके साथ जुड़ा होता है कि हम कौन सा आसन उपयोग में लेवे। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप कुशा का आसन उपयोग लेवे, उसके बाद यदि आपको लगे तो आप ऊनी आसन भी उपयोग ले सकते हैं। एक बात और, एक प्रश्न और खड़ा होता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान क्या हम नवीन सामग्री या कुछ नई वस्तु खरीद सकते हैं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि श्राद्ध पक्ष के दौरान आप कभी भी नवीन वस्तु का उपयोग या नवीन वस्तु की खरीदारी कभी नहीं करें। देखिए, श्राद्ध पक्ष के जस्ट उसके बाद ही नवरात्रा, दीपावली और दशहरा, ये सारे तिथियां, ये सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो व्यक्ति ये सोचता है कि बच्चे की शादी है, लड़के की शादी है, हम खरीदारी कर ले उनके कपड़े, जेवर, रत्न और बर्तन, ये खरीदारी पहले से करके रखें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आप वो खरीदारी भी कभी भी ना करें, उससे एक बार आप बचें, जितना आप बचेंगे उतना फायदा रहता है। इस प्रकार देखिए कि मैंने आपको खूब सारे बताए कि
एक प्रश्न और पूछते हैं आमतौर पर, यदि ब्राह्मण नहीं मिल रहा है श्राद्ध कर्म के दौरान भोजन के लिए तो आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो आपका भांजा है या वह व्यक्ति जो आपसे दक्षिणा प्राप्त करने का योग्य है, आप उस व्यक्ति को भी श्राद्ध कर्म के निमित्त भोजन इत्यादि करवा सकते हैं। इस प्रकार मैंने आज आपको बहुत सारे ये ऐसे बताए हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। मैं मेरे आने वाले वीडियो में भी आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा। आप ये मेरा वीडियो दोस्तों को, अपने परिवार को और सभी लोगों को शेयर कीजिए। जो नीचे ये बटन शेयर, ये सब्सक्राइब करने का जो बटन है, प्लीज आप इसको जरूर देखिए। दोस्तों मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, यदि आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, ये जो बटन है इस पे आप सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरे को आने वाले जो वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश व्यास पुनः आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आज पहला क्वेश्चन ये होता है, मुझसे अनेक लोग पूछते हैं कि ये श्राद्ध कर्म किस समय करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया उत्तम समय 11:30 से 12:30 के बीच में है, ऐसा शास्त्रों में वर्ण। मैं शास्त्र सम्मत ही सारी बात बता रहा हूं जो मैंने स्वयं पढ़ी है। नमस्कार, हम चर्चा कर रहे थे श्राद्ध पक्ष के बारे में। श्राद्ध पक्ष के बारे में ये लगातार मेरा दूसरा वीडियो है। इस दूसरे वीडियो को देखिए, आप पहले वीडियो को आप देख के बहुत कुछ समझ गए होंगे कि श्राद्ध पक्ष हमारे लिए कितना जरूरी है और हमें श्राद्ध पक्ष में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो श्राद्ध पक्ष का महत्व मैंने आपको बताया कि कितना श्राद्ध पक्ष का महत्व है। देखिए, भगवान राम ने भी पिंडदान किया था गया जी में, और गया तीर्थ की तो इतनी महत्व है कि हम यदि ये सोचते हैं कि हम हमारे पितरों के लिए गया तीर्थ में हम पिंडदान करें तो इतना सोचने मात्र से ही हमें पुण्य मिलता है। आज जो ये वीडियो, इसमें भी मैं आपको खूब सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। अक्सर ये एक बात पूछी जाती है कि चार भाई है, चार भाइयों में हम कौन सा भाई जो है वो श्राद्ध करें। देखिए, सबसे पहले श्राद्ध कर्म करने का जो विधान है उसमें सबसे बड़े भाई को है। वैसे शास्त्रों में ये कहा गया है कि यदि चारों भाई अलग अलग रहते हैं और अलग अलग रहने के बावजूद भी उन्हें अलग अलग श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि वह साथ में रहते हैं और बड़ा भाई यदि श्राद्ध कर्म कर रहा है तो आप उसमें अपना अंशदान जरूर देवे। जितना भी अंशदान है आप उसमें अपना अंशदान जरूर देवे। यदि बड़ा भाई आर्थिक रूप से कमजोर है, वह कर नहीं सकता या कुछ अन्य कई भी कारण हो सकते हैं पारिवारिक, यदि वह नहीं कर रहा है तो मंझला जो बेटा है वो भी श्राद्ध कर्म कर सकता है, सबसे छोटा पुत्र भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। तो इस प्रकार श्राद्ध कर्म के लिए मैंने क्रम बताया शास्त्रों सम्मत कि कैसे श्राद्ध कर्म भाइयों द्वारा किया जाता है या पुत्रों के द्वारा किया जाता है। एक बात मैं और आपको बताता हूं, क्या किसी के पुत्र नहीं है तो क्या कोई स्त्री श्राद्ध कर्म कर सकती है? देखिए, यह स्पष्ट विधान है कि यदि पुत्री आपके यदि है और पुत्र नहीं है, तो आजकल तो पुत्र और पुत्री में कोई भी विभेद नहीं है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्री का पुत्र अर्थात दोहिता, और यदि मृत आत्मा का भाई है और बड़ा कोई और बड़ा है उससे और उसके कोई संबंधी है तो वह श्राद्ध कर्म सबसे पहले करे। यदि वह नहीं है या वह किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी पुत्री भी श्राद्ध कर्म कर सकती है। एक प्रश्न और खड़ा होता है कि यदि किसी आपके परिवार के सदस्य की अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु क्या मतलब है, जहर खाने से, फांसी खाने से, या आत्महत्या करने से, या कोई गंभीर बीमारी के अंदर छोटी उम्र में ही एक्सपायर हो गया है, या कोई और भी दूसरे कारण अकाल मृत्यु के, युद्ध के अंदर भी अकाल मृत्यु होती है, तो ऐसे कारण आपके परिवार का कोई सदस्य स्वर्गवासी हो गया, उसकी अकाल मृत्यु होगी, तो उसका श्राद्ध कब किया जाए? तो उसका श्राद्ध करने का विधान आपको चतुर्दशी के दिन आप उसका श्राद्ध कर
कर सकते हैं। अमावस्या से पहले जो चतुर्दशी आती है उसमें अकाल मृत्यु से गए हुए मृत आत्माओं का श्राद्ध किया जाता है। एक चीज और कि आप कौन कैसे तिलक का उपयोग करेंगे और तिलक लगाने के लिए कौन सी अंगुली का उपयोग करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋषि देव और पितृ उन सभी के लिए अपने अपने अलग अलग विधान होते हैं, तो पितरों के लिए आप तर्जनी अंगुली पे तिलक का इस्तेमाल कीजिए और सीधा खड़ा तिलक जो है वह खड़ा तिलक लगाइए, गोल तिलक नहीं लगाना चाहिए। त्रिकोण यदि आप लगाते हैं तो मृतात्मा के मृत्यु के 40 दिन तक आप त्रिकोण लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप तिलक के लिए मैंने आपको विधि बताई। मैं ये कहता हूं आप ये 16 दिन अपने पितरों के नाम, अपने मृत आत्माओं के नाम उत्सव के रूप में मनाइए। गया जी में पितृ पक्ष मेला लगता है, तो आप अपने पितरों के शुभ आगमन के लिए सकारात्मक रहिए। वो किसी भी रूप में जलचर, नवचर, हवा, तृण, पशु किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं, अन्न ले सकते हैं। यदि वह पशु के रूप में है तो तृण ले सकते हैं, जीव के रूप में है तो वह पानी के रूप में है तो पानी के रूप में ले सकते हैं। तो आप हर रूप में, हवा के रूप में, श्वास के रूप में पितृ इन 16 दिनों में आपके घर के आसपास, आपके घर के पास रहेंगे। उन्हें नाराज मत कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए और पितृ ऋण से भी मुक्ति पाने का मैंने पहले भी कहा था ये 16 दिन सुनहरे हैं। आप सभी लोग मेरा ये कहना मानिए, आपको मेरा ये वीडियो पसंद जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप मेरे परिवार के सदस्य हैं तो ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसको सबसे पहले मेरे नए वीडियो को लाइक करें और सबसे पहले देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि माँ और पिताजी इनका श्राद्ध एक ही दिन या एक ही तिथि को आ रहा है तो पहले श्राद्ध किसका करेंगे, इसमें अक्सर लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शास्त्र सम्मत में आपको ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि आप सबसे पहले अपने पिता का श्राद्ध कीजिए, पिता के बाद में आप अपने माता का श्राद्ध कीजिए, तो यह शास्त्र सम्मत और विधि सम्मत होगा। यदि आप एक दीपक आपको जलाना पड़ेगा, श्राद्ध पक्ष कर रहे हैं तो अग्नि आपको दिखानी पड़ेगी, तो दीपक का मुख भी आप दक्षिण दिशा की ओर रखिए। पितरों का स्थान दक्षिण दिशा की ओर होता है, इसलिए पितरों के लिए यदि आप दीपक दर्शिया में कर रहे हैं, दीपक उनको दिखा रहे हैं, तो आप दक्षिण दिशा की ओर रखिए। यदि आप पिंडदान कर रहे हैं तो पिंड का विसर्जन, यदि आप घर पे पिंडदान कर रहे हैं, तीर्थ पे तो पिंडदान करेंगे तो नदी के अंदर उसको प्रवाहित कर देंगे। यदि आप घर में पिंडदान कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यदि आप घर में पिंडदान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पिंड को अग्नि को समर्पित कीजिए, अग्नि के बाद आप गाय को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, फिर आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो आप पवित्र नदी में भी पिंड का विसर्जन कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, पितृ की शांति के लिए, पितरों की अच्छे समर्पण के लिए हम कौन से मंत्र का जाप करें, तो पितरों के लिए ऐसा बताया गया है कि आप पितृ गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो गया जी जाके आ गए तो क्या अब हमें श्राद्ध करने की हमें जरूरत नहीं है, हमने तो गया जी में पिंड दान कर दिया, तो क्या गया जी में पिंड दान करने के बाद में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यह एकदम भ्रांति है, इस भ्रांति को आप दूर कर लीजिए। यदि आप गया जी भी जाके आते हैं तो भी आप अपने घर में, आप अपने मृत आत्माओं के लिए निश्चित रूप से उनके श्रद्धा और के लिए आप श्राद्ध जरूर कीजिए। देखिए आप यदि ये देखते हैं मद भागवत पुराण आप पढ़ते हैं तो उसमें जो अध्याय आता है उसमें वो धुंधकारी का कहते हैं कि धुंधकारी ने कितने पाप किए थे, उसने कहा यदि आप 100 बार गया जी में भी पिंड दान करेंगे तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि गया जी में जाने से, आपके पिंड दान करने से आपके पितरों को कोई मोक्ष नहीं मिलता है,
उनको सदगति मिलती है। मोक्ष तो व्यक्ति को अपने कर्मों से ही मिलता है। प्रारब्ध पहले बना, ये बाद बनता है शरीर। तो मोक्ष की प्राप्ति ऐसे नहीं मिलती, वो ईश्वर की इच्छा से और हमारे कर्मों की गति से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सदगति जरूर मिलती है और ये सदगति लगातार मिलती रहे, उनको सदगति मिलेगी तो वो हमें भी आशीर्वाद देंगे। इसलिए गया जी जैसे तीर्थ स्थान पर, यदि आप गया जी में तीर्थ स्थान पर आप पिंडदान करते हैं तो उससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो एक बार आप अपने जीवन काल में आप अपने पितरों के लिए गया जी में जरूर पिंडदान करें। ब्रह्म कपाल जो कि अपने बद्री विशाल में है, तो वहां पर भी गया जी के बाद में वहां पर भी आप ये पिंडदान करें। ब्रह्मा जी का वहां पे सिर गिरा था, इसकी एक कथा है, वो कभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया था और उस वहां पर किस प्रकार से पिंडदान की विधि है और कैसे करते हैं, ये कभी अपने विस्तृत में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रह्म कपाल में भी आप कर सकते हैं और इसके इससे भी आपके पितरों को सदगति मिलती है। उसके अलावा ब्रह्मा जी का सरोवर हमारे राजस्थान पुष्कर में है, आप वहां कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर भी आप कर सकते हैं और प्रयागराज इलाहाबाद वहां पर तीन नदियों का संगम है, तो वहां पे भी आप पिंडदान और श्राद्ध कर्म तर्पण ऐसा आप सब कुछ वहां कर सकते हैं। उसके बाद में गंगा नदी के तट पर हरिद्वार और ऋषिकेश, ऐसे गंगा नदी शुभ किनारे जो है, शुभ नदियों के किनारे पे भी आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण कीजिए। इस प्रकार आप यदि ये सब कुछ करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है श्राद्ध कर्म के लिए, ये इसके अंदर यदि मैं 10 वीडियो भी बनाऊंगा ना तो वो कम पड़ जाएंगे। तो मैं बहुत सारांश में आपको बता रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ। थोड़े वीडियो लंबे हो जाते हैं लेकिन आप इसको पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। मेरा देखो ये पसंदीदा सब्जेक्ट पितरों के लिए हमेशा रहा है, मैं तो कितने लगभग 96 से मैं लगातार तर्पण और इस पे हर व्यक्तियों को प्रोत्साहन करता हूँ कि आप अपने पितरों के लिए तर्पण कीजिए और उनको पिंडदान कीजिए, उनके लिए आप ब्राह्मण को भोजन करवाइए। और एक प्रश्न बहुत बार बार पूछते हैं कि सबसे पहला भोग किसके लगाएं, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप अपने घर में श्राद्ध के निर्मित भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले आप अग्नि को भोजन लगाइए, अग्नि के बाद में आप गाय को भोजन लगाइए, फिर पितरों को भोजन लगाइए। मैं ये कहता हूँ आप ये 16 दिन अपने पितरों के नाम, अपने मृत आत्माओं के नाम उत्सव के रूप में बनाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको सबसे पहले मेरे नए वीडियो को लाइक करिए और सबसे पहले देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे, नए वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। मैं राजेश व्यास आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मुझे बहुत स्नेह देते हैं। थैंक यू। नमस्कार, हम चर्चा कर रहे थे श्राद्ध पक्ष के बारे में। श्राद्ध पक्ष के बारे में ये लगातार मेरा दूसरा वीडियो है। इस दूसरे वीडियो को देखिए, आप पहले वीडियो को आप देख के बहुत कुछ समझ गए होंगे कि श्राद्ध पक्ष हमारे लिए कितना जरूरी है और हमें श्राद्ध पक्ष में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो श्राद्ध पक्ष का महत्व मैंने आपको बताया कि कितना श्राद्ध पक्ष का महत्व है। देखिए, भगवान राम ने भी पिंडदान किया था गया जी में, और गया तीर्थ की तो इतनी महत्व है कि हम यदि ये सोचते हैं कि हम हमारे पितरों के लिए गया तीर्थ में हम पिंडदान करें तो इतना सोचने मात्र से ही हमें पुण्य मिलता है। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि यदि हम गया तीर्थ पर जाएं और वहां पर हम पार्वण श्राद्ध करें, वहां पर हम पिंडदान करें, तो हमारे पितरों को सदगति मिलती है। मेरा तो बहुत खुद का इतना अच्छा अनुभव है कि मुझे 17-18 दिन गया जी में जाने का मौका मिला, वहां पर पार्वण श्राद्ध करने का मौका मिला। सच पूछिए, वो इतने अच्छे और इतने सुनहरे दिल लगे जिसका वर्णन तो मैं शब्दों में भी नहीं कर सकता। श्राद्ध पक्ष का महत्व बहुत ज्यादा है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के बारे में हमारे खूब सारे प्रश्न अभी और बाकी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको खूब सारे ढेर सारे प्रश्नों का जवाब दिया,
आज जो ये वीडियो, इसमें भी मैं आपको खूब सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। अक्सर ये एक बात पूछी जाती है कि चार भाई है, चार भाइयों में हम कौन सा भाई जो है वो श्राद्ध करें। देखिए, सबसे पहले श्राद्ध करने का, श्राद्ध कर्म करने का जो विधान है उसमें सबसे बड़े भाई को है। वैसे शास्त्रों में ये कहा गया है कि यदि चारों भाई अलग अलग रहते हैं और अलग अलग रहने के बावजूद भी उन्हें अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। यदि वह साथ में रहते हैं और बड़ा भाई यदि श्राद्ध कर्म कर रहा है तो आप उसमें अपना अंशदान जरूर देवे। जितना भी अंशदान है आप उसमें अपना अंशदान जरूर देवे। यदि बड़ा भाई आर्थिक रूप से कमजोर है, वह कर नहीं सकता या कुछ अन्य कई भी कारण हो सकते हैं पारिवारिक, यदि वह नहीं कर रहा है तो मंझला जो बेटा है वो भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। सबसे छोटा पुत्र भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। तो इस प्रकार श्राद्ध कर्म के लिए मैंने क्रम बताया शास्त्रों सम्मत कि कैसे श्राद्ध कर्म भाइयों द्वारा किया जाता है या पुत्रों के द्वारा किया जाता है। एक बात मैं और आपको बताता हूं, क्या किसी के पुत्र नहीं है तो क्या कोई स्त्री श्राद्ध कर्म कर सकती है? देखिए, यह स्पष्ट विधान है कि यदि पुत्री आपके यदि है और पुत्र नहीं है, तो आजकल तो पुत्र और पुत्री में कोई भी विभेद नहीं है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्री का पुत्र अर्थात दोहिता, और यदि मृत आत्मा का भाई है और बड़ा कोई और बड़ा है उससे और उसके कोई संबंधी है तो वह श्राद्ध कर्म सबसे पहले करे। यदि वह नहीं है या वह किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी पुत्री भी श्राद्ध कर्म कर सकती है। एक प्रश्न और खड़ा होता है कि यदि किसी आपके परिवार के सदस्य की अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु का मतलब है जहर खाने से, फांसी खाने से या आत्महत्या करने से या कोई गंभीर बीमारी के अंदर छोटी उम्र में ही एक्सपायर हो गया है या कोई और भी दूसरे कारण अकाल मृत्यु के युद्ध के अंदर भी अकाल मृत्यु होती है, तो ऐसे कारण आपके परिवार का कोई सदस्य स्वर्गवासी हो गया, उसकी अकाल मृत्यु होगी, तो उसका श्राद्ध कब किया जाए? तो उसका श्राद्ध करने का विधान आपको चतुर्दशी के दिन आप उसका श्राद्ध कर सकते हैं। अमावस्या से पहले जो चतुर्दशी आती है उसमें अकाल मृत्यु से गए हुए मृत आत्माओं का श्राद्ध किया जाता है। एक चीज और कि आप कौन कैसे तिलक का उपयोग करेंगे और तिलक लगाने के लिए कौन सी अंगुली का उपयोग करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋषि देव और पितृ उन सभी के लिए अपने अपने अलग अलग विधान होते हैं, तो पितरों के लिए आप तर्जनी अंगुली पे तिलक का इस्तेमाल कीजिए और सीधा खड़ा तिलक जो है वह खड़ा तिलक लगाइए, गोल तिलक नहीं लगाना चाहिए। त्रिपुंड यदि आप लगाते हैं तो मृतात्मा के मृत्यु के 40 दिन तक आप त्रिपुंड लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप तिलक के लिए मैंने आपको विधि बताई है। हाँ, एक बात और कि यदि माँ और पिताजी इनका श्राद्ध एक ही दिन या एक ही तिथि को आ रहा है तो पहले श्राद्ध किसका करेंगे? इसमें अक्सर लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो शास्त्र सम्मत में आपको एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि आप सबसे पहले अपने पिता का श्राद्ध कीजिए, पिता के बाद में आप अपने माता का श्राद्ध कीजिए। तो यह शास्त्र सम्मत और विधि सम्मत होगा। यदि आप एक दीपक, दीपक आपको जलाना पड़ेगा, श्राद्ध पक्ष कर रहे हैं तो अग्नि आपको दिखानी पड़ेगी, तो दीपक का मुख भी आप दक्षिण दिशा की ओर रखिए। पितरों का स्थान दक्षिण दिशा की ओर होता है, इसलिए पितरों के लिए यदि आप दीपक दीपक दर्शिया में कर रहे हैं, दीपक उनको दिखा रहे हैं तो आप दक्षिण दिशा की ओर रखिए। यदि आप पिंडदान कर रहे हैं तो पिंड का विसर्जन, यदि आप घर पे पिंडदान कर रहे हैं, तीर्थ पे तो पिंडदान करेंगे तो नदी के अंदर उसको प्रवाहित कर देंगे। यदि आप घर में पिंडदान कर रहे हैं तो क्या करेंगे? यदि आप घर में पिंडदान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पिंड को अग्नि को समर्पित कीजिए।
अग्नि के बाद आप गाय को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, फिर आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो आप पवित्र नदी में भी पिंड का विसर्जन कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, पितर की शांति के लिए, पितरों की अच्छे समर्पण के लिए हम कौन से मंत्र का जाप करें? तो पितरों के लिए ऐसा बताया गया है कि आप पितृ गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पितृ गायत्री मंत्र आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि आप इस प्रकार से पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें तो भी यह ठीक है। एक बात और कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो गया जी जाके आ गए, तो क्या अब हमें श्राद्ध करने की हमें जरूरत नहीं है, हमने तो गया जी में पिंड दान कर दिया, तो क्या गया जी में पिंड दान करने के बाद में श्राद्ध नहीं करना चाहिए? यह एकदम भ्रांति है। इस भ्रांति को आप दूर कर लीजिए। यदि आप गया जी भी जाके आते हैं तो भी आप अपने घर में आप अपने मृत आत्माओं के लिए निश्चित रूप से उनके श्रद्धा और के लिए आप श्राद्ध जरूर कीजिए। देखिए, आप यदि ये देखते हैं महा अपने ये मद भागवत पुराण आप पढ़ते हैं तो उसमें जो अध्याय आता है उसमें वो धुंधकारी का कहते हैं कि धुंधकारी ने कितने पाप किए थे। उसने कहा यदि आप 100 बार गया जी में भी पिंड दान करेंगे तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि गया जी में जाने से, आपके पिंड दान करने से आपके पितरों को कोई मोक्ष नहीं मिलता है, उनको सदगति मिलती है। मोक्ष तो व्यक्ति को अपने कर्मों से ही मिलता है। प्रारब्ध पहले बना ये बाद बनता है शरीर, तो मोक्ष की प्राप्ति ऐसे नहीं मिलती, वो ईश्वर की इच्छा से और हमारे कर्मों की गति से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सदगति जरूर मिलती है और ये सदगति लगातार मिलती रहे, उनको सदगति मिलेगी तो वो हमें भी आशीर्वाद देंगे। इसलिए गया जी जैसे तीर्थ स्थान पर, यदि आप गया जी में तीर्थ स्थान पर आप पिंड दान करते हैं तो उससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो एक बार आप अपने जीवन काल में आप अपने पितरों के लिए गया जी में जरूर पिंडदान करें। ब्रह्म कपाल जो कि अपने बद्री विशाल में है, तो वहां पर भी गया जी के बाद में वहां पर भी आप ये पिंडदान करें। ब्रह्मा जी का वहां पे सिर गिरा था, इसकी एक कथा है, वो कभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया था और उस वहां पर किस प्रकार से पिंडदान की विधि है और कैसे करते हैं, ये कभी अपने विस्तृत में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रह्म कपाल में भी आप कर सकते हैं और इससे भी आपके पितरों को सदगति मिलती है। उसके अलावा ब्रह्मा जी का सरोवर हमारे राजस्थान पुष्कर में है, आप वहां कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर भी आप कर सकते हैं और प्रयागराज इलाहाबाद वहां पर 3 नदियों का संगम है तो वहां पे भी आप पिंडदान और श्राद्ध कर्म तर्पण ऐसा आप सब कुछ वहां कर सकते हैं। उसके बाद में गंगा नदी के तट पर हरिद्वार और ऋषिकेश, ऐसे गंगा नदी शुभ किनारे जो है, शुभ नदियों के किनारे पे भी आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण कीजिए। इस प्रकार आप यदि ये सब कुछ करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है श्राद्ध कर्म के लिए, ये इसके अंदर यदि मैं 10 वीडियो भी बनाऊंगा ना तो वो कम पड़ जाएंगे। तो मैं बहुत सारांश में आपको बता रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ, थोड़े वीडियो लंबे हो जाते हैं लेकिन आप इसको पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। मेरा देखो ये पसंदीदा सब्जेक्ट पितरों के लिए हमेशा रहा है, तो मैं तो कितने लगभग 96 से मैं लगातार तर्पण और इस पे हर व्यक्ति को प्रोत्साहन करता हूँ कि आप अपने पितरों के लिए तर्पण कीजिए और उनको पिंडदान कीजिए, उनके लिए आप ब्राह्मण को भोजन करवाइए। और एक प्रश्न बहुत बार बार पूछते हैं कि सबसे पहला भोग किसके लगाएं, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप अपने घर में श्राद्ध के निर्मित भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले आप अग्नि को भोजन लगाइए, अग्नि के बाद में आप गाय को भोजन लगाइए, फिर पितरों को भोजन लगाइए। मैं ये कहता हूं आप ये 16 दिन अपने पितरों के नाम, अपने मृत आत्माओं के नाम उत्सव के रूप में मनाइए। गया जी में पितृपक्ष मेला लगता है तो आप अपने पितरों के शुभ आगमन के लिए सकारात्मक रहिए। वो किसी भी रूप में
जलचर, नभचर, हवा, तृण, पशु किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं, अन्न ले सकते हैं। यदि वह पशु के रूप में तो तृण ले सकते हैं, जीव के रूप में है तो वह पानी के रूप में है तो पानी के रूप में ले सकते हैं। तो आप हर रूप में, हवा के रूप में, श्वास के रूप में, पितृ इन 16 दिनों में आपके घर के आसपास, आपके घर के पास रहेंगे। उन्हें नाराज मत कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए और पितृ ऋण से भी मुक्ति पाने का, मैंने पहले भी कहा था, ये 16 दिन सुनहरे हैं। आप सभी लोग मेरा ये कहना मानिए, आपको मेरा ये वीडियो पसंद जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको सबसे पहले मेरे नए वीडियो को लाइक करिए और सबसे पहले देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, मैं वास्तु के मेरे वीडियो चैनल खूब सारे डालता हूँ और आप बहुत पसंद कर रहे हैं। आज का विषय जो हमारा है, ये वास्तु से संबंधित नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही, मेरे लिए तो बहुत ही पवित्र सब्जेक्ट है और रोचक सब्जेक्ट है, और ये आपके लिए भी बहुत रोचक सब्जेक्ट होगा। और ये एक ऐसे, आज का जो श्राद्ध पक्ष के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आज का सब्जेक्ट शुरू करते हैं। मैं राजेश व्यास, वास्तुविद, आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को बहुत पसंद करते हैं, आप मुझे बहुत लाइक करते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक होता है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों का हमें चुकारा करना पड़ता है। हमारे पूर्वजों की सदगति के लिए, उनके मन की शांति के लिए हमें ये तीनों ऋणों का जो भुगतान करना ही पड़ेगा। तो जो श्राद्ध पक्ष है, ये श्राद्ध पक्ष, ये ऐसे 16 सुनहरे दिन होते हैं जिससे हमारे पितर हमसे खुश हो सकते हैं, वो हमसे तृप्त हो सकते हैं। आपने महाभारत की कथा जो कर्ण की है और चित्रगुप्त की है, वो सुनी होगी कि जब मृत्यु के पश्चात कर्ण जो है मोक्ष के लिए चित्रगुप्त जी के पास गए, तो चित्रगुप्त जी ने उन्हें वापस भेज दिया। वापस भेज दिया तो कर्ण ने कहा कि भाई, मैंने तो इतना दान पुण्य सब कुछ किया है, लेकिन उसके बाद भी मुझे मोक्ष क्यों नहीं, तो इसका क्या कारण है? तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, आपने अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों के लिए वो श्राद्ध कर्म, तर्पण, और उनके लिए कोई कुछ कार्य नहीं किया, तो इसलिए आपको वह कार्य करना आवश्यक है। तो कर्ण वापस आए, उन्होंने देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ऐसा करके, और अपने पितरों को जो तिलांजलि देते हैं उसके द्वारा तृप्त किया। इस प्रकार कर्ण को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये जो ऋण अपने होते हैं, और जो इनके द्वारा यदि हम अपने पितरों को संतुष्ट रखते हैं, तो घर में बहुत खुशियां, संपन्नता और वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। पितरों के रुष्ट होने से, या कहते हैं पितृ दोष उत्पन्न होने से, परिवार में अशांति का माहौल रहता है, बच्चों का विवाह विलंब से होता है, हर कार्य में बाधा रहती है। तो आप ये समझिए कि आपके घर के अंदर कोई गंभीर, किसी को बीमारी हो गई है, कलह हो गई है, आपसे तनाव ज्यादा रहता है, तो आप ये समझ लीजिए ये आपके घर में पितृ दोष भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। इन सब दोषों की मुक्ति के लिए आपको इन 16 दिनों में अपने पितरों के लिए, पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण, यह सब कुछ करना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना करें। प्रश्न खड़ा होता है कि इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यह कैसे होता है, यह कब करना चाहिए, इसकी यदि तिथि क्या होती है, क्या क्या इसमें करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ये जो आज का जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपके खूब सारे प्रश्नों का हल और उसका समाधान आपको मिलेगा। ये जो जिज्ञासाएं होती है, ये जिज्ञासाएं जब हम अपने पितरों के लिए कुछ करते हैं,
तो आप खुद मानेंगे कि आपको अपने मन में बहुत शांति प्राप्त होगी। पितृऋण के लिए, पितृऋण की मुक्ति के लिए गया तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, ब्रह्म कपाल, प्रयागराज, कुरुक्षेत्र, और अपने बद्री विशाल में जैसे मैंने बताया था ब्रह्म कपाल और गंगा नदी का किनारा, ये बहुत ही बढ़िया होता है। आप वहां जाकर अपने पितरों के निमित्त पिंड दान करिए, पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। ये जो अश्विनी माह के जो 16 दिन होते हैं, यह पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृ दोष के निवारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं। आज देखिए, ये एक मेरा जो जो ये वीडियो है, ये अनवरत चलेगा, इसके खूब 2-3 पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा मैटर है, बहुत लंबे इसके मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा इसमें आप लोगों को। तो इसमें आपको इसको पूरी वीडियो को आपको पूरा सुनना पड़ेगा। जब तक आप पूरा नहीं इस वीडियो को देखेंगे, तब तक आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो आमतौर पर जो क्वेश्चन खड़ा होता है, कि सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, मैं आपको आज 7 या 8 क्वेश्चन लेते हैं अपने। तो आज पहला क्वेश्चन ये होता है, मुझसे अनेक लोग पूछते हैं कि ये श्राद्ध कर्म किस समय करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया उत्तम समय 11:30 से 12:30 के बीच में है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन। मैं शास्त्र सम्मत ही सारी बात बता रहा हूं जो मैंने स्वयं पढ़ी है। विभिन्न पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है, और कई जगह तो अलग अलग खंड के अंदर, गीता जी के अंदर भी आप यदि पढ़ेंगे तो आपको खूब सारा मिल जाएगा, और आप यदि मद भागवत गीता पढ़ेंगे तो भी उसमें ये खूब सारे अलग अलग जगहों पे इसके वर्णन मिल जाएंगे। तो पहला अपना प्रश्न यह है कि श्राद्ध कर्म किस समय करें। मैंने आपको बताया 11:30 से 12:30 बजे तक का समय जो है श्राद्ध कर्म के लिए उचित रहता है। दूसरा प्रश्न है, क्या गर्भवती स्त्रियां भी, क्या उसका पति भी श्राद्ध कर्म के भोजन को कर सकता है? जी हाँ, गर्भवती स्त्रियां और उसका पति भी श्राद्ध कर्म के भोजन को कर सकता है, जब तक गर्भिणी 7 माह की गर्भिणी है, 7 माह के बाद उसका श्राद्ध कर्म का किया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। यह इस बात का पति और पत्नी दोनों को ही ध्यान रखना चाहिए। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं, तो क्या किराए के मकान में आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं? नहीं, आप किराए के मकान में श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते। यदि आपका स्वयं का मकान नहीं है और आपने अज्ञानतावश भी यदि श्राद्ध कर्म कर लिया है, तो इसका उपचार यह है कि मकान मालिक को, भूमि के मालिक को किराए के अतिरिक्त किसी प्रकार का मूल्य देकर आप वह श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। देखिए, हर जगह का अपना वास्तु पुरुष होता है, हर जगह के अपने प्रधान देवता होते हैं, और हर स्थान के अपने पितर होते हैं। यदि आप श्राद्ध कर्म करेंगे तो यह उन्हें चला जाएगा, इसलिए आप उन्हें कुछ मूल्य चुकाकर आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए कौन से पुष्प उपयोगी रहते हैं? ये अच्छा सवाल है। श्राद्ध कर्म के लिए आप जहां तक हो सके सफेद रंग के पुष्पों का ही इस्तेमाल करें। सफेद रंग के पुष्प पितरों को बहुत प्रिय होते हैं। सफेद रंग में जैसे मोगरे का पुष्प है, उसके अलावा आप तुलसी, और उसके अलावा भृंगराज और अनार के पुष्पों का भी उपयोग कर सकते हैं। हाँ, बैंगनी रंग के पुष्पों का उपयोग आप कभी भी नहीं करें। एक मेरे से अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि श्राद्ध क्रम में वर्जित अन्न कौन से हैं? इन 16 दिनों के अंदर हमें कौन से ऐसे अन्न हैं जो हमें नहीं बनाने चाहिए? ये अच्छा प्रश्न है। श्राद्ध पक्ष के अंदर आप कभी भी गाजर, लहसुन, प्याज, राजमा, मसूर की दाल, अरहर की दाल, और कह सकते हैं अपने कोला, जिनका वो पेठा बनता है, आगरे का जैसे पेठा बनता है वो, ये और ये फूल लौकी, ऐसी चीजों को आप श्राद्ध कर्म में उपयोग में नहीं लेवे। यह इससे पितर रुष्ट हो जाते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। श्राद्ध कर्म के अंदर
ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन से पात्र का मिले हुए है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। आप सोने के बर्तन बहुत मुश्किल है आज के युग में, आप चांदी के बर्तन वह भी मुश्किल है, आप सोना ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि आप सोने के चांदी के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, पीतल के बर्तन का भी, कांसे के बर्तन का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे आजकल स्टील के बर्तन चल रहे हैं, लोहे के बर्तन हैं, इनका उपयोग करने से बचे। लेकिन एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि आप श्राद्ध क्रम में मिट्टी के बर्तन का उपयोग भूल कर भी ना करें। मिट्टी के बर्तन के उपयोग से पितर हमारे रुष्ट हो जाते हैं। एक और आता है प्रश्न कि हम हमारे पितरों की मृत जो तिथि है वो हमें ज्ञात नहीं है, तो हम क्या करें? इसके साथ ही जुड़ा हुआ प्रश्न आता है कि तिथि के अनुरूप हमारे मृतकों का श्राद्ध करें या जिस दिनांक को मृत्यु हुई है उस दिनांक को उनका श्राद्ध करें। तो ये शास्त्रों में भी स्पष्ट वर्णन है इस बात का कि जिस तिथि को आपके मृतक स्वर्गवासी हुए हैं आप उसी तिथि को ही श्राद्ध कीजिए। यदि आपको तिथि ज्ञात नहीं है तो सर्व पितृ कार्य अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म कीजिए। इसी प्रकार यह भी आता है कि पितरों के निर्मित भोजन के अंदर उन्हें सबसे प्रिय क्या चीज है? ये अच्छा प्रश्न है। पितरों को तिल, काले तिल सबसे अधिक प्रिय है, लेकिन सफेद तिलों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। पितृ पक्ष जो चल रहा है इन 16 दिनों में जब हम पितृ कर्म करते हैं, जैसे श्राद्ध, पिंडी श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, तिलांजलि देते हैं, पार्वण श्राद्ध करते हैं, इन सब चीजों के दौरान हमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या धारण करना चाहिए? हमें सोने की पवित्री, यदि सोना हम धारण नहीं कर सकते हैं तो हम पवित्री धारण कर सकते हैं। जो कुशा का आसन, हम जिस आसन पे बैठते हैं उस आसन की पवित्री बना के आप अंगुली के अंदर धारण कर सकते हैं। एक प्रश्न इसके साथ जुड़ा होता है कि हम कौन सा आसन उपयोग में लेवे। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप कुशा का आसन उपयोग लेवे, उसके बाद यदि आपको लगे तो आप ऊनी आसन भी उपयोग ले सकते हैं। एक बात और, एक प्रश्न और खड़ा होता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान क्या हम नवीन सामग्री या कुछ नई वस्तु खरीद सकते हैं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि श्राद्ध पक्ष के दौरान आप कभी भी नवीन वस्तु का उपयोग या नवीन वस्तु की खरीदारी कभी नहीं करें। देखिए, श्राद्ध पक्ष के जस्ट उसके बाद ही नवरात्रा, दीपावली और दशहरा, ये सारे तिथियां, ये सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो व्यक्ति ये सोचता है कि बच्चे की शादी है, लड़के की शादी है, हम खरीदारी कर ले उनके कपड़े, जेवर, रत्न और बर्तन, ये खरीदारी पहले से करके रखें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आप वो खरीदारी भी कभी भी ना करें, उससे एक बार आप बचें, जितना आप बचेंगे उतना फायदा रहता है। इस प्रकार देखिए कि मैंने आपको खूब सारे बताए। एक प्रश्न और पूछते हैं आमतौर पर, यदि ब्राह्मण नहीं मिल रहा है श्राद्ध कर्म के दौरान भोजन के लिए तो आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो आपका भांजा है या वह व्यक्ति जो आपसे दक्षिणा प्राप्त करने का योग्य है, आप उस व्यक्ति को भी श्राद्ध कर्म के निमित्त भोजन इत्यादि करवा सकते हैं। इस प्रकार मैंने आज आपको बहुत सारे ये ऐसे बताए हैं कि आपको क्या-क्या सावधानियां रखना चाहिए। मैं मेरे आने वाले वीडियो में भी आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा। आप ये मेरा वीडियो दोस्तों को, अपने परिवार को और सभी लोगों को शेयर कीजिए। जो नीचे ये बटन शेयर, ये सब्सक्राइब करने का जो बटन है, प्लीज आप इसको जरूर देखिए। दोस्तों मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ यदि आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, ये जो बटन है इस पे आप सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरे को आने वाले जो वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश व्यास पुनः आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। एक होता है देवऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों का हमें चुकारा करना पड़ता है। हमारे पूर्व जो की सदगति के लिए
उनके मन की शांति के लिए हमें ये तीनों ऋणों का जो भुगतान करना ही पड़ेगा। तो जो श्राद्ध पक्ष है, ये श्राद्ध पक्ष ये ऐसे 16 सुनहरे दिन होते हैं जिससे हमारे पितर हमसे खुश हो सकते हैं, वो हमसे तृप्त हो सकते हैं। आपने महाभारत की कथा जो कर्ण की है और चित्रगुप्त की है वो सुनी होगी कि जब मृत्यु के पश्चात कर्ण जो है मोक्ष के लिए चित्रगुप्त जी के पास गए तो चित्रगुप्त जी ने उन्हें वापस भेज दिया। तो कर्ण ने कहा कि मैंने तो इतना दान पुण्य सब कुछ किया है लेकिन उसके बाद भी मुझे मोक्ष क्यों नहीं, तो इसका क्या कारण है? तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, आपने अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों के लिए वो श्राद्ध कर्म तर्पण और उनके लिए कोई कुछ कार्य नहीं किया, तो इसलिए आपको वह कार्य करना आवश्यक है। तो कर्ण वापस आए, उन्होंने देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, श्राद्ध तर्पण पिंडदान ऐसा करके अपने पितरों को जो तिलांजलि देते हैं उसके द्वारा तृप्त किया। इस प्रकार कर्ण को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये जो ऋण अपने होते हैं और जो इनके द्वारा यदि हम अपने पितरों को संतुष्ट रखते हैं तो घर में बहुत खुशियां, संपन्नता और वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। पितरों के रुष्ट होने से या कहते हैं पितृ दोष उत्पन्न होने से परिवार में अशांति का माहौल रहता है, बच्चों का विवाह विलंब से होता है, हर कार्य में बाधा रहती है। तो आप ये समझिए कि आपके घर के अंदर कोई गंभीर किसी को बीमारी हो गई है, कलह हो गई है, आपसे तनाव ज्यादा रहता है, तो आप ये समझ लीजिए ये आपके घर में पितृ दोष भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। इन सब दोषों की मुक्ति के लिए आपको इन 16 दिनों में अपने पितरों के लिए पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण यह सब कुछ करना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना करें। प्रश्न खड़ा होता है कि इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यह कैसे होता है, यह कब करना चाहिए, इसकी यदि तिथि क्या होती है, क्या क्या इसमें करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ये जो आज का जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपके खूब सारे प्रश्नों का हल और उसका समाधान आपको मिलेगा। ये जो जिज्ञासाएं होती है, ये जिज्ञासाएं जब हम अपने पितरों के लिए कुछ करते हैं तो आप खुद मानेंगे कि आपको अपने मन में बहुत शांति प्राप्त होगी। पितृ ऋण के लिए, पितृ ऋण की मुक्ति के लिए गया तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, ब्रह्म कपाल, प्रयागराज, कुरुक्षेत्र और अपने बद्री विशाल में जैसे मैंने बताया था ब्रह्म कपाल और गंगा नदी का किनारा, ये बहुत ही बढ़िया होता है। अब वहां जाकर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करिए, पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। ये जो अश्विनी माह के जो 16 दिन होते हैं यह पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृ दोष के निवारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैं मेरे आने वाले वीडियो में भी आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा। आप ये मेरा वीडियो दोस्तों को, अपने परिवार को और सभी लोगों को शेयर कीजिए। जो नीचे ये बटन शेयर ये सब्सक्राइब करने का जो बटन है, प्लीज आप इसको जरूर देखिए। दोस्तों, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ यदि आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, ये जो बटन है इस पे आप सब्सक्राइब कीजिए और ताकि मेरे को आने वाले जो वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश व्यास पुनः आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। राजेश व्यास के साथ आप जुड़े हैं, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ एक निर्माणाधीन मकान 30x64 का है, पश्चिम दिशा का मकान है। ये देखिए इसका मुख्य द्वार, यहाँ पे कार की पार्किंग रख ली है और यहाँ ये सीढ़ियाँ, निर्माणाधीन मकान है। आप यहाँ ये सीढ़ियाँ और तो क्या प्लान आपको बता रहा हूँ मैं, और फिर ये यहाँ गैलरी डाली है। हालांकि हम चाहते थे तो इस गैलरी को हटा सकते थे, इस कमरे को बड़ा कर सकते थे, पर
पर कैंडिडेट ने कहा कि जो हमारे जाते थे उन्होंने कहा कि नहीं हमें गैलरी चाहिए। भाई मैं आपको अब ये दिखा रहा हूँ गैलरी के हॉल, एक अच्छा सा हॉल दिया हुआ है और मैं आपको रेंज का पीछे का ऐसा दिखाते हुए चल रहा हूँ। ये आप देखिए यहाँ पर ये मंदिर बना है, ये मंदिर है ईशान कोण के अंदर, ये एक अच्छा शुद्ध प्लॉट है और उत्तर और पूर्व के अंदर ये मंदिर बना है और ये मंदिर पे ही एक ऐसा OTS डाल दिया है। ये आप OTS देखिए, ये इस कमरे को आपको पूरा वेंटिलेशन देगा साथ में। ये यहाँ एक अच्छा सा बच्चों के लिए पढ़ने का एक अच्छा है, यहाँ पर आएगा किचन, यहाँ पे आएगा किचन, ये किचन का स्थान है, ये आग्नेय कोण है, इसको दक्षिण और पूर्व का स्थान कहते हैं और यहाँ पर ये किचन के बाहर भी एक OTS दिया हुआ है, ये इससे ऊपर छत से खुला रहेगा और छत से खुला रहने के बाद यहाँ वेंटिलेशन पूरा रहेगा। तो ईशान कोण के अंदर भी हमने पूरा वेंटिलेशन दिया है, इस रूम के अंदर भी, यहाँ मंदिर भी हो जाएगा, बच्चों का रूम भी हो जाएगा, तो इसमें हमने पूरा ये एक सेगमेंट दिया है। ये आपका हॉल है, यहाँ पर पूरा ये हॉल, ये हॉल छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए यहाँ देखते हैं। ये देखिए आपको बता रहे हैं हम, यहाँ पानी की एक टैंक दिया है, काफ़ी गहरा टैंक है, तो ये नॉर्थ की ओर पानी का टैंक है, नॉर्थ की ओर पानी का टैंक सरमदी लेके आता है, खुशियाँ लेके आता है। ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ मास्टर बेडरूम में, ये मास्टर बेडरूम, ये आप देखिए मास्टर बेडरूम है। तो हम इस मास्टर, अभी ये छत बन रही है, हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, रिस्क हो सकता है, और यहाँ पे हम इसके साथ ही अटैच लेट बाथ भी देंगे मास्टर बेडरूम के साथ। यहाँ एक लेट बाथ और प्रोजेक्ट में है, एक लेट बाथ यहाँ पे भी आएगा, एक लेट बाथ यहाँ भी प्रोजेक्ट में है, वो दक्षिण और पश्चिम की ओर हो जाएगा, यहाँ कोई OTS नहीं है। ये एक रूम है मेहमानों के लिए, चूँकि हमारे जो ये जो घर बना रहे हैं ये डॉक्टर है, तो उनके चैम्बर के रूप में भी काम आएगा ये, और ये एक अच्छे घर के रूप में भी काम आएगा। तो ये देखिए मैंने आपको ये पूरा इनका एजुकेशन आपको बाहर तक मैं लेके जा रहा हूँ, बाहर कितना सुंदर एलिवेशन और कितना सुंदर ये मकान लगेगा आपको। मैं राजेश व्यास, ऐसे ही मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, आप मेरे से लगातार यदि जुड़े हुए रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं राजेश व्यास आपको फिर दोबारा सब सब प्रणाम करता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं राजेश व्यास आज आपके लिए लेके आया हूँ, आज एक वास्तु का एक ऐसा आपको स्वरूप बता रहा हूँ जो आपको देखने के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। दोस्तों आज हम जो ढांचा देख रहे हैं वृंदा एनक्लेव बीकानेर के अंदर स्थित है, यह 30x65 ये इसका एक प्लॉट है, आप देखिए इसका हम कैसे रोपण करते हैं। देखिए ये मकान जो है वो चीफ मैनेजर SBI में मिस्टर वसंत पुरोहित का है, पहले हमने इसका भूमि परीक्षण किया, उसके बाद में हमने इसकी नींव की पूजा करवाई, नींव पूजा के बाद में ये नींव पूजा में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए मैं इसका आपको अलग से वीडियो बताऊंगा। यहाँ पर आराम से दो गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है, ये इतनी चीज है। इसका नक्शा भी मैं आपको, ईशान कोण के अंदर भूमिगत टैंक का निर्माण कराया गया है, जो भूमिगत टैंक है ईशान कोण में होना चाहिए, उत्तर और पूर्व में ये जो भूमिगत टैंक है ये बहुत सर्वोदयशाली होता है, ये बच्चों के लिए भविष्य, बच्चों के घर के लिए, पूरे कैरियर के लिए बहुत अच्छा शानदार काम है। इस मकान में आप देखिए ये कमरा दिया हुआ है जो ड्राइंग रूम भी हम कह सकते हैं, ये ड्राइंग रूम बच्चों की ड्राइंग रूम के काम ले सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काम में ले सकते हैं। छत की हाइट देखिए आपको बहुत अच्छी लगेगी, सर्दी और गर्मी दोनों के अंदर ये हाइट बहुत अच्छा काम करती है। लाइट फिटिंग के लिए मैं हमेशा कहता हूँ आप ध्यान रखिए अच्छे से अच्छे केबल का उपयोग कीजिए, केबल जो आपकी है जब भी आप लाइट फिटिंग कराएं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो भी आपकी जो केबल है, जो भी आपकी लाइट की फिटिंग है, इसकी एक वीडियोग्राफी बना के रख लें, कभी भी यदि आपके घर में कोई दिक्कत हो तो ये वीडियोग्राफी आपके काम आ सकती है।
ये देखिए हॉल है, अंदर इस ड्राइंग रूम से बाहर आते हैं तो ये हॉल है। अभी शाम का समय है, सूर्य डूबने को है, आप फिर भी देखिए इसमें कितना मतलब रोशनी है। आमतौर पर इस दिशा के अंदर रोशनी वैसे ज़्यादा रहती है, लेकिन जब सूर्य डूबता है पश्चिम दिशा की ओर, जब सूर्य डूबता है तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हमने कुशल वास्तु संयोजन किया हुआ है। ये इसकी गैलरी है जो बाहर निकलने के लिए, ये देखिए प्रवेश गैलरी है। इस प्रवेश गैलरी को आप देखिए, ये बाहर से सीधे की ओर आते हैं आंगन के अंदर, फिर ये आपको रसोई घर दिखाई दे रहे हैं। ये जो रसोई घर है इसका वास्तु संयोजन मैंने कई बार आपको बता रखा है कि रसोई घर का वास्तु संयोजन कैसा होगा, इसमें हम वॉश बेसिन और जो सिंक है कैसे रखेंगे। अब मैं मंदिर दिखा रहा हूँ और मंदिर हम बहुत ही अच्छा बनाएंगे। मंदिर के डिजाइन में बताऊँगा आपको बाद में कैसे हो सकता जब इसका इंटीरियर करेंगे। और ये आप ऊपर देखिए वेंटिलेशन रखा है मंदिर के पास ही, चूँकि ये उत्तर पूर्व को लगता हुआ है, ये उत्तर दिशा को हमने थोड़ा सा OTS देके खुला स्थान रखा है। ये नीचे की ओर एक स्टोर बनाया है जो कि सीधा सीधा बाथरूम से लगता है। ये देखिए आपको बाथरूम दिखा रहा हूँ मैं, ये जो बाथरूम है ये बाथरूम, इसके अंदर भी हमने एक स्टोर दिया हुआ है। स्टोर कह सकते हैं आप, वार्डरोब कह सकते हैं, अपने कपड़े अपने रख सकते हैं आप सब कुछ। इसके साथ ये लगता है वायव्य दिशा का, ये उत्तर और पश्चिम की दिशा को वायव्य कहते हैं। वायु में एक रूम दिया हुआ है, इसमें विवाह योग्य कन्याएं जो है वो आराम से इसमें सुलाइए, जल्दी विवाह होगा। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको वेंटिलेशन की रोशनी की व्यवस्था बता रहा हूँ। देखिए ऊपर हमने एक OTS रखा है, ये खुला स्थान है, इससे ये हवा रोशनी ये सारा इसका संयोजन किया हुआ है। ये दोनों और काम आएगा, ये मास्टर बेडरूम की ओर भी काम आएगा और ये आपके आपके इस कमरे के अंदर भी काम आएगा जो उत्तर पश्चिम का है। तो हमने पूरी गैलरी नहीं रखी, हाफ OTS रख दिया। और इसके साथ ही ये आप देखिए नृत्य कोण का मास्टर बेडरूम, यह मालिक के सोने का स्थान है। आप यहाँ पर देखिए एक अलमारी रख सकते हैं, हमने एक अलमारी दी है और अटैच लाइट बाथ भी साथ में दी। अभी आंगन में आ गए हम, इसकी आप छत को देखिए, छत को कितना ऊपर हमने ये आप कह सकते हैं डुप्लेक्स की ओर दिया हुआ है, खुला खुला ही आपका आंगन लगेगा। और इसके साथ ही ये देखिए सीढ़ियों का कितना अच्छा संयोजन है, वास्तु के अनुसार हमने सीढ़ियाँ बनाई हैं, वास्तु के अनुसार सीढ़ियों में हमने ट्रेड, ये आप देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको ट्रेड और रेज, ये ट्रेड और रेज का हमने अच्छा संयोजन किया है। सीढ़ियों का वास्तु का जो वीडियो है आप पूरा देखिए, आपको उसकी पूर्ण जानकारी मिलेगी। सीढ़ियाँ वास्तु के अनुरूप ही बनी हुई है, एकम संख्या में बनी हुई है। अब देखिए मैं आपको सीधा हॉल में लेके आ गया हूँ, ये है ऊपर का हॉल, ये बहुत ही अच्छा हॉल है। इस हॉल के साथ ही लगता हुआ ये बच्चों का रूम है। बाहर की ओर देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, इस छत दिखाइए आप, इसकी छत देखिए कितनी ऊपर और खुली खुली छत है ये। और ये जो आपको पूरा हॉल, इसकी जो छत, ये देखिए कितना बड़ा बच्चों का रूम है, खुला खुला बच्चों का बड़े ही मन लगेगा। ये इसके पास ही दक्षिण और पूर्व आग्नेय कोण में ऊपर की बालकनी रखी है, इसमें आप आराम से चाय पी सकते हैं, झूला लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगाइए आप, पौधों का वास्तु मैंने आपको पहले बताया था कि। और उसके साथ कैमरामैन को ये भी बात कहूँ, इसकी भी छत दिखाइए आप और जो बाहर का इलाका है वो दिखाइए आप मुझे। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है, बारिश के मौसम में हम यहाँ खुली खुली स्थान पर हम बैठ सकते हैं, यहाँ आप कांच का स्लाइडर ग्लास भी लगा सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुरूप उसको कुछ कर सकते हैं। इंटीरियर में आपको बाद में दिखाऊंगा। ये देखिए ऊपर हॉल पर मैंने वेंटिलेशन रखा है और इसके बाद ये सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, इसको भी पूरा ट्रेड राइजर और वास्तु के अनुरूप ही हमने बनाया है। आइए दोस्तों अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको मास्टर बेडरूम के ऊपर, ऊपर का जो कमरा है इसके अंदर हमने कैसे देखिए वास्तु का संयोजन रखा है। मैं आपको थोड़ी देर में अभी बात करूँगा मकान के मालिक के मालिक से, उनको कैसा लगता है ये ऊपर का। उसके साथ ही हमने इसमें अटैच लाइट बाथ रखे हैं, आप देखिए अटैच लाइट बाथ और यहाँ कितने उपयोगी होगा ये किस प्रकार से इसका वास्तु संयोजन लगा मुझे बताइए। बहुत ही शानदार है, वास्तु के कम्प्लीट वास्तु के अनुसार है, जो बहुत ही अच्छा बनाया गया है, उत्कृष्ट है, जो नक्शा है वो बहुत शानदार है।
और पूरा वास्तु के अनुसार है। आप मुझे बताइए कि आप अक्सर आपने भी दो तीन मकान बनवाए हैं, ये मकान आपने देखा है, आपको कैसा लगा इस मकान के बारे में आप अपने कुछ? पहली बात तो ये है कि वास्तु बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, दूसरा इसका जो लोकेशन है जो बनाने का वो भी बहुत फंटास्टिक है, बहुत ही सुंदर है। और दूसरी बात इसमें जो वास्तु का जो समावेश है वो भी बहुत ही बेस्ट तरीके से किया हुआ है। तो कुल मिलाकर बात करें तो ये परफेक्ट मतलब मकान है जिसमें सभी प्रकार के वास्तु मकान को बनाया हुआ है। अभी आप देखिए इसमें लेट बात है, तो आप इसको देखिए। अब मैं आपके आप के जो मालिक है मैं उनसे आपकी एक एक वार्ता करा रहा हूँ, बात करा रहा हूँ। वो कैसा समझते हैं कि ये मकान किस प्रकार संयोजन का है? तो ये हमारे साथ है मिस्टर बसंत पुरोहित, ये चीफ मैनेजर है एसबीआई के अंदर। तो आप बताइए कि आप अपना मकान बना रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, किस प्रकार वास्तु संयोजन लगा है? नहीं, इस मकान में श्रीमान राजेश व्यास जी के द्वारा जो मुझे सलाह मशवरा किया गया था वास्तु गुरु बनाने के लिए, मैंने उन्हीं का अक्षर पालन किया है। और जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि फुल ऑफ एनर्जी, जब से बना रहा हूँ तब से मतलब मुझे उत्साह बहुत आता है इस मकान को बनाने में। और दूसरा फुल आप ये कह सकते हैं इतना ओपन स्पेस इन्होंने छोड़ा है इस मकान में, आगे पीछे से चारों तरफ से देखें तो फुल ऑफ मतलब सनलाइट भी इतना है, वेस्ट होने के बाद भी आप मेरे एंट्रेंस में देख लीजिए कितनी लाइटिंग है। तो ये सब श्रीमान राजेश के द्वारा बताए गए जो मुझे वास्तु सलाह थी उसके आधार पर मैंने किया है। और मैं पूरी तरह से श्री व्यास जी की इन सेवाओं से संतुष्ट हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है मेरे को। आप जब मकान के अंदर घुसेंगे तब ये मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी मैं फील करता हूँ उस मकान बनाने के बाद। धन्यवाद श्री राजेश जी, थैंक यू दोस्तों। आपको मैं मेरे नए वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार हम इंटीरियर डिजाइन के द्वारा हम वास्तु का कुशल वास्तु का संयोजन कैसे करते हैं। मैं राजेश व्यास वास्तुविद आपके साथ लगातार ऐसे ही जुड़ता रहूंगा, आप देखते रहिए मेरा चैनल वास्तुविद राजेश व्यास। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद बीकानेर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये हमारा तीसरा वीडियो है, हम वास्तु के और रोग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे वास्तु, और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर दिशा के बारे में। उत्तर दिशा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है, उत्तर दिशा में काल पुरुष का हृदय होता है और आप समझ सकते हैं कि हृदय के ऊपर ज़्यादा भार ठीक नहीं रहता है। तो हमें काल पुरुष के हृदय को अच्छी तरह अध्ययन जो वास्तुशास्त्री करते हैं तो उसी प्रकार हम रोग का भी अध्ययन करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी चौथा भाव जो होता है वो चौथा भाव सुख का होता है और दिशा के रूप में चौथा भाव उत्तर दिशा का होता है। दोस्तों इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वास्तुशास्त्र में हमें रोगों के बारे में किस प्रकार उत्तर दिशा से लाभ प्राप्त करना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि उत्तर दिशा के अंदर हम बड़ा चबूतरा बना लेते हैं, उत्तर दिशा को दूषित कर देते हैं, तो मैंने अपने अनेक वास्तु विजिट में और व्यक्तिगत भी अनुभव किया है कि उस घर के अंदर, उस वास्तु और भवन के अंदर निश्चित रूप से गुर्दों के रोग, कान के रोग, घुटनों के रोग, रक्त के संबंधित रोग निश्चित रूप से होते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर दिशा को दूषित ना करें, वहाँ बड़े ऊंचे चबूतरे नहीं बनाएं, ढलान हम दक्षिण दिशा की ओर कर देते हैं, उसकी उत्तर दिशा की दीवारों को ऊंचा कर देते हैं, वहाँ गंदगी कूड़ा करकट ये रखते हैं तो ये इस दिशा दूषित हो जाती है। कभी कभी चौकी बना लेते हैं लोग उत्तर दिशा की ओर, जाने अनजाने में वास्तु दोष उत्पन्न कर लेते हैं। और अनेक प्रकार के और भी दोष है उत्तर दिशा के, हमें बचना चाहिए। हमें उत्तर दिशा महत्वपूर्ण दिशा है। आपको मैं देखो एक बहुत छोटे छोटे उपचार बता रहा हूँ, यदि आपके घर की उत्तर दिशा दूषित हो गई है, आपके घर में कोई लंबे समय से किडनी के रोग से पीड़ित है, लंबे समय से घुटनों के रोग से पीड़ित है, रक्त के संबंधित रोग से पीड़ित है, कान के रोग से पीड़ित है, और कभी कभी रक्त परिसंचरण तंत्र जैसे हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर इन रोगों से भी यदि ग्रसित है तो आप उत्तर दिशा समझ लीजिए कि आपके घर की उत्तर दिशा के दोष निश्चित रूप से हैं। आप छोटे छोटे कुछ उपचार मैं आपको बता रहा हूँ और उन उपचार के माध्यम से आप उस दोषों को दूर कर सकते हैं। सिंपल से उपचार है, आप नोट कर लीजिए, ये उपचार आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यदि आपके घर के अंदर
वास्तु दोष उत्तर दिशा का है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ की जो दीवारें हैं उनको नीचा कर दीजिए, वहाँ दीवारों की दरारें उत्तर दिशा की दीवारों को बंद कर दीजिए, पैरोट कलर तोता का जो कलर होता है ऐसा कलर उस दीवार पे कर दीजिए। ये बहुत छोटा सा उपचार है। वहाँ यदि चबूतरा बना है तो उस चबूतरे को तोड़ दीजिए। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ, उत्तर दिशा में चबूतरा ठीक नहीं है। और दूसरा एक बहुत छोटा सा उपचार है, यदि आप अपने मुख्य द्वार के बाहर संगीत में एकदम सुंदर सुंदर संगीत की यदि आप घंटी लगाते हैं तो भी उत्तर दिशा के दोषों में काफ़ी। उसके बाद भी आपको एक उपचार और बता रहा हूँ मैं कि यदि आपके घर में उत्तर दिशा का दोष है तो पूजा घर के अंदर बुद्ध यंत्र, एकदम शुद्ध बुद्ध यंत्र, किसी अच्छे वास्तुविद की सलाह से, किसी ज्योतिष की सलाह से एक शुद्ध बुद्ध यंत्र का एक सही नक्षत्र में आप वहां पर स्थापित कीजिए और उसकी पूजा कीजिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। उत्तर दिशा में एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आप अपनी सारी दवाइयाँ को, घर की सारी दवाइयों को आप उत्तर दिशा में रख दीजिए। देखता हूँ आप खुद ये आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि धीरे धीरे दवाइयाँ आपके घर से बाहर जाने लग जाएगी, मतलब आपके रोग ठीक होने शुरू हो जाएंगे, रोगों का परिणाम आ जाएगा। प्रारब्ध के रोग तो हो सकते हैं, अपने इस जन्म के नहीं है, प्रारब्ध के भी कभी कभी रोग होते हैं, रोग हो तो जाएगा लेकिन हम करेंगे उपचार तो ये ठीक भी हो जाएंगे। आप मेरे छोटे छोटे उपायों को आराम से और बहुत आराम से इजीली घर पे कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, रिश्तेदारों को बता सकते हैं। आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मेरी पुस्तक खुशियों का वास्तु है, उसके साथ एक मंत्र शक्ति की एक किताब और है, वो आपको निःशुल्क मिलेगी और उसमें आप रोगों का उपचार देख सकते हैं, बुध के और आपके उत्तर दिशा के अन्य दोषों को दूर करने के भी आप उपचार देख सकते हैं। दोस्तों ये मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों और उन सबको ये दिखाइए, ये बहुत लाभकारी है। यदि मैं आपके काम आ पाया तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद, वीडियो के द्वारा मैं आपको वास्तु की जानकारी देता हूं। मेरे यूट्यूब के सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन। दोस्तों वास्तु के अंदर जो मेरा आज का सब्जेक्ट है वो है कि घर के अंदर छत पर बीम, आजकल लोहे के बड़े बड़े गार्टर लगाते हैं, पहले लकड़ी के बीम हुआ करते थे और आजकल लोहे के बड़े बीम होते हैं, तो बीम का क्या महत्व है, बीम को कैसे लगाना चाहिए, बीम हमारे घर पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये बहुत जरूरी है। आपके घर में यदि खूब सारी परेशानियां आ रही है और खूब कष्ट आ रहे हैं, बार बार एक कष्ट गया दूसरा आ रहा है, एक परेशानी गई दूसरी परेशानी आ रही है, कभी कोई बीमार हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से देखिए कि आपके घर का कहीं बीम दोष तो नहीं है। कई कई घरों में जब हम बड़े प्लॉट लेते हैं या बड़े कमरे बनाने होते हैं तो बीम आवश्यक हो जाता है, और ये जो बीम जो होता है ये जितना वास्तु के अंदर आजकल आवश्यक हो गया है और उतना ही हमें उसकी ध्यान अधिक रखने की जरूरत हो गई है। दोस्तों ये मैंने बहुत सारे ऐसे मकान देखे हैं जो पूरे वास्तु से बहुत अच्छे बने हुए थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नजर नहीं आ रहा था, ईशान कोण के अंदर उनका मंदिर, बच्चों का रूम, आग्नेय कोण के अंदर किचन बना हुआ था, नैऋत्य में मास्टर बेडरूम बना हुआ था, लेकिन मैंने काफी पता किया कि उसके बाद भी इस मकान मालिक के क्यों परेशानी आ रही है। कहीं आपके घर में भी तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको आज एक सलाह दे रहा हूं कि आप वास्तुशास्त्री की निश्चित रूप से सलाह लीजिए, वह पता पड़ेगा, पता कर लेगा कि क्या आ सकती है। लेकिन एक बात मैं आज आपको बताता हूं, वो आप भी अपने घर में देखिए, आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है दोस्तों, जो ब्रह्म स्थान आप अच्छी तरह नोट कीजिए, ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान क्या होता है, हमारे प्लॉट का सेंटर पॉइंट, मान लो 30x60 का प्लॉट है तो 15 फीट फ्रंट का और जो उसकी डेप्थ गहराई 60 फीट है उसका आधा कर दिया 30 फीट, तो 15 और 30 के जो मध्य में ब्रह्म स्थान आता है वो ब्रह्म स्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने देखा कि उसके ब्रह्म स्थान के ऊपर एक बड़ा सा बीम लगा हुआ था, उसके कारण लगातार उनके घर में परेशानी आ रही थी,
पति और पत्नी में अलगाव होना, बच्चों में विवाद होना, गंभीर रोग हो जाना और दूसरे इस प्रकार के ऐसे ऐसी ऐसी परेशानियां एक निकल के दूसरे खड़ी हो जाती। तो गहन अध्ययन से यह पता पड़ा कि बीम के ब्रह्म स्थान के ऊपर एक बीम यानी गाटर आया हुआ था। अब वो आ गया, 3 मंजिल का मकान बन गया, तो उस दोषों का निवारण कैसे करें? मैं मेरे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि उनके पूरे दोषों का निवारण हम कैसे कर सकते हैं। एक अच्छे वास्तुशास्त्र की सलाह से आप इनका निवारण भी कर सकते हैं। लेकिन नोट कीजिए, एक आपको मैं उपचार बता रहा हूं, वह उपचार आप करिए, निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। वह उपचार है कि आप अपने बीम के नीचे जो फॉल सीलिंग है वो करवा दीजिए। आपके फॉल सीलिंग करवाने मात्र से ही आपके 70% दोष जो ब्रह्म स्थान के थे वो समाप्त हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमारे ब्रह्म स्थान को बहुत हल्का रखें, वहां से आकाश तक तो भी दिखना चाहिए। तो इस प्रकार यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मेरे आने वाले वीडियो को आप ऐसे ही देखते रहिए, आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और आप यदि चाहते हैं कि आपको सबसे पहले ये मेरा वीडियो मिले तो ये जो आइकॉन बटन जो है नीचे घंटी का, ये दबाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं राजेश व्यास आपको नई नई वास्तु की जानकारी ऐसे ही लगातार देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश व्यास आज आपको बता रहा हूँ टी पॉइंट की, जो आपकी सारी भ्रांतियां है ना वो आज मैं इस वीडियो में दूर कर दूंगा कि टी पॉइंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। टी पॉइंट जो दो सड़कें होती है आमने और सामने की, दो सड़क से यदि आपका भूखंड है उसके ठीक सामने भूखंड है वह टी पॉइंट का भूखंड होता है। टी पॉइंट दोस्तों 16 प्रकार की होती है, 16 प्रकार के टी पॉइंट वास्तु के जो 16 जोन होते हैं उस 16 जोन में कहीं पर भी टी पॉइंट आ सकता है। हम मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि 2 प्रकार के भूखंड होते हैं, दिशा भूखंड होते हैं जो शुद्ध दिशा के भूखंड होते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक होते हैं विदिशा भूखंड जो कोणों के अंदर उसका मध्य आता है, जैसे ईशान कोण के अंदर, नैऋत्य कोण के अंदर, आग्नेय कोण और वायव्य कोण, उनमें भी हम कह सकते हैं कि ये टी पॉइंट लगती है। जैसे टी पॉइंट होती है वैसे वाई जंक्शन भी होता है, एल जंक्शन भी होता है, आई जंक्शन भी होता है। ये हमारे प्लॉट में निश्चित रूप से अच्छे नहीं माने जाते। अब अच्छे नहीं माने जाते तो उसका कुछ इलाज भी होगा। तो दोस्तों मैं वो सारे इलाज आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप मैं तो पहले आपको ये बात बता दूं, आप जो जो टी पॉइंट के ऊपर मकान है, आपके कारखाना है, आपका दुकान है, आप ऐसे भूखंड लेने से बचे। देखिए द्वार वेद विधिशूल इसके बारे में वास्तु के अंदर बहुत सारी व्याख्याएं बताई गई है, चाहे विश्वकर्म पूरा अपने जो पुस्तक है या महर्षि कात्यायन के द्वारा लिखी गई अनेक वास्तु की जो पुस्तकें हैं उनमें भी द्वार वेद और विधि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। घर के सामने शमशान हो, घर के सामने मंदिर हो, घर के सामने एक नाला बह रहा है या रुका हुआ पानी है, ऐसी दुकान या ऐसा भवन जो बरसों से बंद पड़े हैं और जिनका नीलामी हो चुकी है या कंगाली की स्थिति पे आ जाती है और ऐसा लिखा हुआ है यदि खूंटा भी घर के आगे है, खंबा भी है, सूखा हुआ पेड़ है घर के आगे, तो वो भी दोस्तों द्वार वेद की पोजिशन पे आते हैं। जब भी आप भूखंड खरीदे हैं तो आप बहुत ध्यान से किसी वास्तुविद की सलाह से भूखंड लें। लेकिन यदि आपने ले लिया है और ऐसी स्थिति बन गई है तो मैं आपको ये बता रहा हूं हम क्या करें। दोस्तों यदि आपका टी पॉइंट यदि पूर्व दिशा में बनता है तो दोस्तों ये संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसी प्रकार नॉर्थ में यदि टी पॉइंट बना है तो आपकी प्रसिद्धि को रोक देगा। यह अमंगलकारी यदि पश्चिम दिशा में है तो यह अमंगलकारी हो सकता है और वहीं दक्षिण दिशा में है तो यह धन की हानि कर सकता है। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी हमें लाभ नहीं मिलेगा। आग्नेय कोण साउथ ईस्ट में कुछ वास्तुशास्त्री ऐसा मानते हैं कि हम उसको ठीक कर कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें झगड़े, विवाद, कानूनी पचड़े, संपत्ति का विवाद, महिलाओं में बीमारी, तनाव,
ये स्थितियां अग्निकोण में निश्चित रूप से मैंने इतने वास्तु विजिट किए हैं, मैंने ये आमतौर पर कॉमन चीजें पाई है, तो ये भी आपको देखना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट उत्तर और पश्चिम दिशा, ये में यदि द्वार वेद लग रहा है, टी लग रहा है, तो दोस्तों यह आपकी कीर्ति को कमजोर करेगा, निश्चित रूप से कीर्ति को कमजोर करेगा। और साउथ वेस्ट जो कि मकान के मालिक का स्थान होता है, यह मकान के मालिक के लिए अनिष्टकारी होगा। कुछ परिस्थितियों में दिशा और दशा दोनों का अपना अपना एक अलग सिद्धांत होता है। हम कंपास लगाते हैं, कई कई मैंने देखा है हम टी मानते हैं उसको, लेकिन वह जब हम जियोग्राफिक स्ट्रेस या दूसरी सब चीजों से जब वास्तुशास्त्र से देखते हैं तो वह प्रॉपर टी नहीं होता। तो ये आपको निश्चित रूप से किसी भी वास्तुशास्त्री से आपको सलाह लेनी चाहिए। एल टर्न जो होता है उसका एक पोर्शन हटा देते तो एल टर्न बन जाता है, एल टर्न तो पूरी तरह नेगेटिव होता है। उसी प्रकार आई होता है, दोनों तरफ मकान जहां रोड आगे की ओर नहीं जाए वहां जाके ब्लॉक हो जाए, वो बहुत अनिष्टकारी प्लॉट माना जाता है, ऐसा भूखंड लेने से बचें। वाई भूखंड जो है दो तरफ से सड़कें आ रही है फिर वाई वहां पे जाके हो रही है, तो ये ऐसा प्लॉट जो होता है कलह अशांति और असंगठित, मान लो कोई कार्यालय है तो वहां पर आपके जो अधीनस्थ लोग है तो वो विद्रोह की पोजिशन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप कभी भी ऐसे जो मकान है वो लेने से बचें दोस्तों। यदि आपने ले लिया है तो मैं आपके लिए बहुत छोटे छोटे कुछ उपाय बता रहा हूं, वो आप उपाय करना दोस्तों, आप देखना आपको बहुत फायदा होगा। तो नोट कीजिए ये मेरे उपाय दोस्तों। सबसे पहले आप ये कीजिए कि आप कनेर का जो सफेद कनेर का पौधा है वो आपके घर के आगे लगा दीजिए। मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये चैलेंज देके ये बात कह रहा हूं कि कनेर का पौधा आप लगाओगे तो 5 से 15 दिन ये जो अवधि है आपको उसी में कुछ न कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो ही जाएंगे। आप एक चबूतरा बना सकते हैं, तीसरा आप बाग व मिरर लगा सकते हैं, आप कांच लगा सकते हैं, कोई स्टील का फ्रेम लगा सकते हैं जो कि उसकी परछाई पड़े, काला ग्रेनाइट जो होता है, वैसे हम काला कलर को वास्तु के अंदर अच्छा नहीं मानते, लेकिन टी पॉइंट पे यदि वाई पॉइंट पे आई जंक्शन पे ऐसे एल जंक्शन पे मकान बने हुए तो आप ब्लैक कलर का साइनिंग करता हुआ आप एक ग्रेनाइट लगा सकते हैं, मकान मालिक का आप नाम उसमें लिखा सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यदि डिवाइडर बन गया है बीच के अंदर तो वो टी पॉइंट आपका बहुत ज्यादा कम असर करेगा। यदि डिवाइडर है तो आप निश्चित रहिए वो ज्यादा असर आपके नहीं करेगा। आप चबूतरा बना दीजिए, उसके ऊपर कुछ पौधे रखिए, अशोक का पौधा लगाइए, मैंने कनेर का पौधा बताया, कनेर का पौधा तांत्रिक प्रक्रियाओं में भी बहुत उपयोग होता है, किसी की शादी या नहीं होता, मैंने एक वीडियो बनाया उसमें आप देखना, ये चीजें जो लाल कनेर होता है और सफेद कनेर दोनों के अलग अलग प्रयोग होते हैं, तो सफेद कनेर का पौधा आपकी घर की टी के दोषों को समाप्त कर देगा। दोस्तों मेरे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं नए नए वास्तु टिप्स नई नई जानकारी आपको देता रहूंगा। मैं राजेश व्यास आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरा जो सब्सक्राइबर है ना, ये जो आपको बेल आइकॉन दिख रहा है, आप इस बेल को आइकॉन को दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं राजेश व्यास आपके साथ लगातार जुड़ता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद, आप सभी लोगों के लिए मैं नई नई वास्तु के टिप्स लेके आता हूँ। आज का जो विषय है कि हम बच्चों के लिए वास्तु के नए नए प्रयोग कैसे करें, हमारे बच्चे पढ़ाई में कैसे होशियार हो, उनकी उन्नति कैसे हो, कैरियर उनका कैसे बने, ये सब चीजें हम मैं आज आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। आप देखिए मेरा ये YouTube चैनल वास्तुविद राजेश व्यास। दोस्तों हम शुरू करते हैं कि हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, किसी भी घर के लिए बच्चों का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को कैरियर बनाने के लिए कौन से कोण में सोना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, उसके कमरे की क्या साज सज्जा और व्यवस्था होनी चाहिए, यह सब हमारे बहुत काम की चीज है। आप भी अपने बच्चों के कमरे को, बच्चों के पढ़ने के स्थान को वास्तु के अनुरूप कीजिए,
मेरी बात आप ये मानिए कि आपके बच्चे में आप स्वयं भी प्रभाव देख पाएंगे कि आपका बच्चा कैसे उन्नति करता है। तो मैं ये आपको एक पहली बात बता रहा हूं कि आप अपने बच्चे को आपके घर में उत्तर और पूर्व अर्थात ईशान कोण के अंदर जो कमरा बना हुआ है, आप उस कमरे के अंदर उसको पढ़ने के लिए स्थान दीजिए। हम हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई का एक स्थान निर्धारित करें जहां वह स्वयं पढ़ सके। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों को पूर्व और उत्तर के कोने का कमरा आप दीजिए। कमरे की साज सज्जा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे की आंखों के ऊपर प्रकाश की व्यवस्था ऐसी हो कि लाइट सीधी आंखों के ऊपर नहीं आए। कमरे का मध्य स्थान खाली रखना चाहिए। जो व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में बहुत उन्नति की है, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे व्यक्तित्व के आप चित्र, महापुरुषों के चित्र उसके कमरे में लगाइए। वह पढ़ता है तो उसको पूर्व दिशा की ओर देखकर पढ़ना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर देखते हुए पढ़ना चाहिए। पानी की व्यवस्था भी उसे ईशान कोण की ओर ही करनी चाहिए। कुछ फेंगशुई के टिप्स है उसको इस्तेमाल करने चाहिए। फेंगशुई में जैसे क्रिस्टल बॉल है, एजुकेशन टावर है, वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमरे का कलर लाइट होना चाहिए, पीला हल्का गुलाबी कलर काफी उपयुक्त रहेगा। दोस्तों ईशान कोण का कमरा बच्चे के करियर में वृद्धि के लिए सहायक होता है। यदि बच्चा लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है तो ईशान कोण में ही आग्नेय कोण जो दक्षिण और पूर्व दिशा का स्थान है, आप वहां पर उसका कंप्यूटर या लैपटॉप लगाइए, उसके टेबल आप वहां पर स्थापित कीजिए। बच्चा यदि वहां सोता है, वहां रेस्ट करना चाहता है तो बेशक कर सकता है। उस कमरे में उसका जो सोने का स्थान है, कमरे के अंदर ही दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है उसमें दक्षिण दिशा की ओर सर रखकर सोने से उसकी बुद्धि कुशाग्र होती है। पर्दे, वातावरण, यह सब कुछ बच्चे के कमरे के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को देखकर आज ही अपने बच्चे के कमरे का वास्तु सुधारिए। बहुत सारी ऐसी और भी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा। मेरे नई वीडियो को सबसे पहले यदि आप देखना चाहते हैं तो अभी जो नीचे ये सब्सक्राइबर का बटन आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं राजेश व्यास पुनः आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। यूट्यूब परिवार के मेरे सभी भाइयों का, बहनों का, मेरे सारे दोस्तों का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और सब लोगों का बहुत बहुत प्रणाम कि आपने मुझे बहुत स्नेह दिया है। मेरे जो वीडियो है आपने बहुत लाइक किए हैं और उसको बहुत पसंद किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं आप लोगों से रूबरू होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब तो मुझे कुछ भी नहीं, अब तो वास्तु के बारे में मुझे आज बात करनी है। आपकी कितने ढेरों प्रश्न मेरे पास आते हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैं कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को आपके सामने रखता हूँ हमेशा। आज का भी जो विषय है ना, ये विषय भी वास्तु का एक अच्छा विषय है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आपने ईशान कोण का जो वीडियो बनाया था तो उसके बारे में हमें कुछ और बताइए कि हम और क्या करें ईशान कोण में। तो देखो, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं ईशान कोण। ईशान कोण देखिए बहुत महत्वपूर्ण कोण होता है। ईशान कोण और आप नैऋत्य कोण, इन दोनों का बैलेंस कीजिए। चलो मैं तो कहता हूं आप आज से शुरू कीजिए। आप आज से शुरू करेंगे तो आप एक दो चार दिन के अंदर उसको सही कर लेंगे। देखिए, बिना तोड़फोड़ के वास्तु के लिए मुझे जानते हैं लोग ज्यादा, तो मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि बिना तोड़फोड़ का ही वास्तु किया जाए। कोशिश ये करें सबसे कम तोड़फोड़ करें। यदि हम तोड़फोड़ करेंगे तो वास्तु भंग दोष भी लग जाएगा,
वो भी मैं नहीं चाहता कि हमारे घरों में हम वास्तु भंग दोष उत्पन्न करें। तो दोस्तों आज का जो विषय जो हमारा है वो है ईशान कोण। ईशान कोण किन चीजों से जुड़ा है आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्लिष्ट जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो बस आपको इतना सा समझना है कि ईशान कोण होता क्या है। ईशान कोण होता है उत्तर और पूर्व का कोना। उत्तर और पूर्व के कोने को कहते हैं ईशान कोण। बस आप ये बात ध्यान रखिए, ईशान कोण को हमेशा ध्यान रखना है। आप पाठ करते हैं ना महादेव बाबा के, नमामि ईशान निर्वाण रूपम। ईशान कोण को हम नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं ईशान कोण को नमस्कार? क्योंकि ईशान कोण में वास्तु पुरुष का जो सिर होता है वह ईशान कोण में होता है, इसलिए ईशान कोण को नमस्कार किया जाता है। दूसरा हमने बात बता रहा था आपको नृत्य कोण की। नृत्य कोण किसे कहते हैं? नृत्य कोण कहते हैं दक्षिण और पश्चिम दिशा के कोण को हम नृत्य कोण कहते हैं। मित्रों नृत्य कोण जो होता है वो उसमें वास्तु पुरुष का क्या होता है, कौन सा अंग नृत्य कोण में होता है? ये दक्षिण और पश्चिम दिशा के अंदर नृत्य कोण में वास्तु पुरुष के पांव होते हैं। अब आप समझे, एक तरफ सर और दूसरे कोने में हो गए वास्तु पुरुष के पांव। ये वास्तु पुरुष की मैंने आज आपको छोटी संरचना बताई है, कभी मैं इसकी विस्तृत संरचना बताऊंगा कि उसके अंगों का वर्णन क्या होता है, उसके पद क्या होते हैं। आज की बात मैं आपको बताता हूं छोटे शब्दों में कि आप ईशान कोण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप चार पी ध्यान रखिए। ईशान कोण के लिए आपको क्या रखने हैं? चार पी ध्यान रखिए, आप नोट कर लीजिए। पवित्रता ईशान कोण में होनी चाहिए, पवित्रता ईशान कोण में होनी चाहिए, पानी ईशान कोण में होना चाहिए, पूजा ईशान कोण में होनी चाहिए और पढ़ाई ईशान कोण में होनी चाहिए। पवित्रता, पानी, पूजा और पढ़ाई, ये चार चीजें कहां रहेगी? ईशान कोण हमारे घर के उत्तर और पूर्व के कोने में रहेगी। चार चीजें, चार पी आप ध्यान रखिए और ईशान कोण को आप पवित्र कर दीजिए, साफ सुथरा रखिए। वहां कचरा, कबाड़ और टूटी फूटी चीजें, गंदगी, वहां पे आपने लैट्रिन बाथरूम शौचालय कुछ बना दिया है, ऐसा कुछ वहां पे भूल कर भी मत करो। पवित्रता का ध्यान रखो। वहां पे आप पूजा घर बनाइए। आपका बच्चा यदि पढ़ाई में कमजोर है तो आप ईशान कोण के अंदर, मैंने मेरे पुराने वीडियो में बताया भी था ईशान कोण का, लेकिन जो आज मेरे जो दर्शक है, जो मेरे परिवार के सदस्य है, उन्होंने जो मुझे क्वेश्चन पूछा ईशान कोण के बारे में, तो ये मैं स्पेशली बता रहा हूं कि ईशान कोण जो होता है ना, इसमें आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, पढ़ाइए वहां पे, तो आप ईशान कोण को सही रखिए। ईशान कोण को आप साफ सुथरा, पवित्र, पूजा, पढ़ाई और वहां पे पानी, पानी का भूमिगत टैंक यदि आपको बनाना है तो आप ईशान कोण में बनाइए। दूसरा कोण मैंने आपको बताया था नृत्य कोण। नृत्य कोण में आपको दो चीज ध्यान रखनी है। यदि आपने नृत्य कोण में दो चीज ध्यान रख ली तो आप अपना लगभग लगभग वास्तु दोष वहां से दूर कर ही लेंगे दोस्तों। तो वो दो चीज कौन सी है? एक तो इस नृत्य कोण हाई, एच, लो एच की ओर ध्यान दीजिए। हाई, हाइट ऊंची होनी चाहिए, नृत्य कोण ऊंचा होना चाहिए। और दूसरा हैवी चीज, नृत्य कोण में आप क्या रखेंगे? हैवी चीज रखेंगे। जब आप नृत्य कोण में हैवी चीज रखेंगे तो नृत्य कोण के दोष बहुत सारे दूर हो जाएंगे। बाद में बाकी सारी चीजें तो और भी इसके साथ जुड़ी रहेगी, तो आपको इधर चार चीजें ध्यान रखनी है, चार पी ध्यान रखना है और नृत्य कोण की ओर आपको दो एच ध्यान रखने हैं, हैवी और हाइट। इन दोनों को आप बैलेंस कर लेंगे यदि, तो आपको मैं बताता हूं आपको क्या मिलेगा, पैसा, पद, प्रतिष्ठा और पावर। वापस क्या गेन होगा आपको? चार पी गेन होगा, पैसा, पद, प्रतिष्ठा और पावर। यदि आपको ये चार चीज, कौन नहीं चाहेगा अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने अपने आप को कौन नहीं चाहेगा ये चार चीज मुझे गेन नहीं हो। तो ये चार चीजें आपको
प्राप्त करने के लिए आपको अपने ईशान कोण के 4P को ध्यान रखना पड़ेगा और नैऋत्य कोण के 2H को ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपने इन दोनों को बैलेंस कर लिया तो आप देखना, आप अपने घर के इन दो कोण को बैलेंस करने से आप अपने 50% वास्तु दोष तो दूर कर ही लेंगे। चार वास्तु में दिशाएं कितनी, वास्तु की चार दिशाएं, चार कोण, और उसके बाद में पृथ्वी तत्व और ब्रह्म स्थान जिसको कहते हैं पृथ्वी और आकाश। तो कभी ब्रह्म स्थान के बारे में मैं आपको बहुत खुल के बताऊंगा कि क्या होता है। तो आज आपको मैंने ये बताया, आप ऐसे मुझे क्वेश्चन खुल के पूछो, मतलब आप, मैं तो ये कहता हूँ आप जितने क्वेश्चन पूछते हो मुझे तो उतना आनंद आता है। तो आप खूब क्वेश्चंस पूछो मेरे से, मेरा ये वीडियो आप लाइक करो, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने पूरे परिवार, व्हाट्सएप के जो आपके ग्रुप्स बने हैं आप उसमें भी इसको शेयर करो, फेसबुक में इसको लगाओ और दूसरे जो सोशल जो माध्यम है आप उस वीडियो को लगाओ, सब्सक्राइबर भी उसके खूब करो आप। और मैं नई नई वीडियो आपको देता रहूंगा। और मेरे जो नीचे नंबर शो हो रहे हैं 9509916909 और मेरी ईमेल आईडी mrrajesh.vyas@gmail.com पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद आज आपके लिए लेके आया हूँ सॉल्ट थेरेपी। वास्तु के द्वारा हम कैसे अपने घर में सकारात्मक एनर्जी ला सकते हैं और नकारात्मक एनर्जी का जो हमारे घर में प्रवाह है कैसे दूर करते हैं। मित्रों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हमारे पास इतना धनराशि नहीं है कि हम हमारे घर का वास्तु दोष, आप जैसे वास्तुशास्त्री बताते हैं कि यहाँ तोड़ फोड़ कर लो, हम नहीं कर सकते। उनके लिए ये विशेष रूप से आप लोगों के लिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये आज एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके लिए बहुत ही शानदार परिणाम देने वाला है। दोस्तों, आपके घर में यदि नकारात्मक एनर्जी है और उसको दूर करनी है, सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि नकारात्मक एनर्जी हमारे घर में आती कैसे है, नकारात्मक एनर्जी का हम पता कैसे करें। बहुत सरल विधि है नकारात्मक एनर्जी का पता करने के लिए। यदि आपके घर में सदस्यों का स्वभाव चिड़चिड़ा है, यदि आपके घर के बच्चे पढ़ने में एकाग्र नहीं है, और तो और यदि आपके घर के महिलाओं के अंदर आपसी तनाव रहता है, आपके बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, बार बार कोई काम में रुकावट आ रही है, तो आप समझिए कि आपके घर के अंदर नकारात्मक एनर्जी है। दोस्तों, ये नकारात्मक एनर्जी कैसे दूर होगी और कैसे हमारे घर में सकारात्मक एनर्जी आएगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको आज बता रहा हूँ एक शानदार उपचार। बहुत ही कम पैसे में आप ये समझिए कि ना कुछ के बराबर ये आपको लगने वाला जो पैसा है, और उसमें आपको बहुत बड़ा एक उपचार बता रहा हूँ। यह है वास्तु की सॉल्ट थेरेपी। इस सॉल्ट थेरेपी में आपको करना क्या है, यदि आपके घर नकारात्मक, आपके घर में भी यदि ऐसा सब कुछ हो रहा है, नकारात्मक एनर्जी आ गई है, तो मित्रों आप अपने घर के जो पोछा लगाते हैं वाली बाल्टी है, आप उसमें 2 चम्मच नमक डालिए। नमक डालने के बाद में आप उसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं, और गुरुवार को छोड़कर अन्य दिनों में आप अपने घर का पोछा लगाइए। आप देखेंगे कि कैसे आपके घर की नकारात्मक एनर्जी दूर हो जाती है। मित्रों, एक बात और बताता हूँ, आपका घर का यदि शौचालय गलत स्थान पर बन गया है, अब वो गलत स्थान पर बन गया, उसको हटाने में काफ़ी रुपए लगेंगे, हजारों रुपए लगेंगे, अब उसको कैसे दूर करें कि वो तोड़ फोड़ आप नहीं कर पाते और वहाँ से नकारात्मक एनर्जी आपके घर में प्रवाहित हो रही है, तो वहाँ एक कांच के कटोरे में, एक बॉल में आप नमक डाल दीजिए और उसको हर सप्ताह या 10 दिनों में आपके घर के बाहर दूर जाके उसको आप फेंक दीजिए। आप देखेंगे इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक आपको बहुत स्पेशल उपचार ये बता रहा हूँ, यदि आपके घर का मुखिया चिड़चिड़ा हो गया है, उसके काम में रुकावट आ गई है, आर्थिक संकट उसको परेशान कर रहे हैं, मानसिक संताप उसको हो गया है, तो मित्रों घर के नैऋत्य कोण में, घर का नैऋत्य कोण दक्षिण और पश्चिम का कोना, आप वहाँ पे कम से कम 5.25 किलो नमक आप वहाँ पे रखिए और उसको लगभग महीने 15 दिन पड़ा रहने दीजिए।
मैं तो कहता हूँ आप उसको थोड़ा दिन और पड़ा रहने दें, उसके बाद वो नमक जो है वो गौशाला में या चौराहे पे डाल दीजिए। गायों को नमक बहुत अच्छा लगता है, तो वो चौराहे पे या गौशाला में आप उसको डाल दीजिए, आप देखेंगे उसके चमत्कारिक परिणाम आपको आएंगे। अब ये जो नकारात्मक एनर्जी हम कहाँ से लेके आते हैं, अपने घर में बहुत सारे लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं तो नकारात्मक एनर्जी लेके आते हैं। हम अपने जूते पहनते हैं, घर के आंगन से लेकर हर कमरे तक में वो जूते हम ले जाते हैं। मित्रों, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए कि हम हमारे जूते बाहर ही खोलें, जूते जूते के स्थान पर ही खोलें। ये सब चीज़ें नकारात्मक एनर्जी को लाती है, तो इसके लिए हम अपने सोने वाले कमरे में, अपने ड्राइंग रूम में छुपाकर नमक का एक एक बॉल रख सकते हैं। आपके घर में यदि महिलाओं को परेशानी अत्यधिक हो रही है तो एक कांच की बोतल में आप थोड़ा नमक, दो लौंग ये डालकर और उस बोतल को पूरा भरकर और अग्नि कोण दक्षिण और पूर्व दिशा का जो कोना है वहाँ पे आप रख दीजिए। आप उसको महीने भर तक पड़ा रहने दें, उसके बाद यदि वो कांच की बोतल ग्रीन है या पीले कलर की है तो वो और ज़्यादा चमत्कारिक प्रभाव देगी। फिर कुछ दिन बाद उस नमक को पानी में मिलाकर और उस नमक को आप घर से बाहर दूर जाकर कहीं बहा दें, आप देखेंगे आपकी घर के महिलाओं में भी बहुत अच्छा महसूस होगा, आपसी तनाव भी कुछ कम होगा। घर में नज़र, टोटके, जादू टोना, तंत्र मंत्र यदि किसी ने प्रयोग कर दिया है तो मित्रों आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो उपाय बता रहा हूँ वह साधारण है कि पहले भी आपको पता है, नमक का आवारा उसमें डाल के और मिर्ची डाल के अपने घर की महिलाएं करती थी, ऐसा भी करने से फ़ायदा मिलता है। कुल मिला के नमक सॉल्ट थेरेपी जो मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, सॉल्ट थेरेपी, इस सॉल्ट थेरेपी से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, आप खुद महसूस करेंगे। मैं आगे की मेरे वीडियोस में आपको इसके और भी ज़्यादा उपचार आपको मैं बताऊंगा। मित्रों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। सॉल्ट थेरेपी के लिए मेरी पुस्तक खुशियों का वास्तु में भी एक चैप्टर दिया गया, आप उसको भी पढ़िए, जो कि हर बुक सेलर के पास आराम से आपको मिल जाएगी, और अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए। और नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश व्यास, वास्तुविद, राजस्थान बीकानेर से आज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस वीडियो चैनल में। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में तोड़फोड़ के लिए तो बहुत चीजें जानी जाती है। वास्तुविद, वास्तुशास्त्री आते हैं, ये जगह आपकी वास्तु दोष से है, वो जगह वास्तु दोष से है, लेकिन दोस्तों उसको ठीक कराने में बहुत खर्चा आता है और अनेक आर्थिक परेशानियों से हमें सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसा टिप्स बता रहा हूँ वास्तु का, इससे दोस्तों आपको बहुत फायदा होगा, बहुत सस्ता सुंदर इलाज, कम पैसे के अंदर आप अपने घर के अधिकांश वास्तु दोषों को ठीक कर सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं। वो एक ऐसा दोष का निवारण करने का उपचार है, वास्तु दोष शामक तुलसी। एक सिंपल तुलसी का पौधा आपके घर के अनेक वास्तु दोषों को दूर कर सकता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे का प्रयोग अनेक स्थानों पर बताया गया है, इसके संबंधित भी अनेक प्रयोग बताए हैं। जिन घरों में अधिकतर निर्माण कार्य विपरीत दिशा में होता है, और जैसे ईशान कोण में शौचालय का निर्माण हो गया, नैऋत्य कोण में द्वार हो गया, ऐसे घरों में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा की ओर अवश्य लगाना चाहिए, आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, आपने तुलसी के बारे में सुना होगा, तुलसी ज्योतिष शास्त्र में भी, तुलसी का आयुर्वेद में भी और तुलसी का वास्तु में भी बहुत ज्यादा महत्व है। पौराणिक महत्व, आपने शंखचूड़ की कथा सुनी होगी कि कैसे शंखचूड़ की पत्नी वृंदा थी और उसके सतीत्व, उसका कितना बड़ा सतीत्व था और कितनी बड़ी पतिव्रता थी कि उस शंखचूड़ दैत्य को मारने के लिए उसकी पतिव्रता को भंग करना आवश्यक था और विष्णु भगवान ने शंखचूड़ का अवतार लिया। शंखचूड़ का अवतार लेने के बाद में उस पतिव्रता स्त्री को ये पता पड़ गया कि ये मेरा पति नहीं है, तो वृंदा ने
भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम काले पत्थर के बन जाओ, और भगवान उसी समय काले पत्थर के बन गए। लेकिन भगवान ने उस वृंदा को, उस तुलसी को भी यह वरदान दिया कि जब तक तुम मेरे पास नहीं रहोगी, तुम मेरे प्रसाद के रूप में मेरे साथ नहीं रहोगी, तब तक मैं तृप्ति नहीं होऊंगा। तो ऐसा पौराणिक महत्व भी तुलसी का है। यदि आपके घर का विपरीत वास्तु दोष हो गया है, कोई शयन कक्ष का दोष हो गया है, तो दोस्तों तुलसी की जो मंजरी होती है वो एक लाल कपड़े में आप बांध लीजिए, तो आप अपने शयन कक्ष में रख दीजिए। मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, इतना फायदा होगा कि आपके शयन कक्ष के दूर दूर हो जाएगी। उस मंजरी को लाल कपड़े में बांध कर आप कहीं भी रख दीजिए आपके शयन कक्ष में, आपको बहुत फायदा होगा। वास्तु दोष के सामक के लिए तुलसी का पौधा लगाना ही पर्याप्त है। तुलसी के पौधों को अपने ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया और उसका ध्यान नहीं दिया, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। तुलसी के पौधे को आप शाम के समय दीपक जलाइए, तुलसी के पौधे को पवित्र जल दीजिए, आप देखिए आपको कितना फायदा मिलता है। दोस्तों नृत्य कोण के दोषों में भी बहुत लाभकारक है। यदि हम अपने भूखंड में या अपने घर के एकदम मध्य में, जिसे बोलते हैं ब्रह्म स्थान, नाभि स्थान काल पुरुष के, वहां पे भी तुलसी का पौधा लगाए, तो उसके चमत्कारिक परिणाम मैंने स्वयं देखे हैं। यदि हम नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं है दोस्तों, आप उसके आसपास भी लगा सकते हैं। यदि खाली भूखंड, खाली जमीन आपके भूखंड में नहीं है, आप किसी फ्लैट में रहते हैं, तो आप गमला लगा सकते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि हम कहां पर तुलसी का पौधा लगाएं? तुलसी का पौधा श्रेष्ठ रहता है ईशान कोण में। ईशान कोण का मतलब उत्तर और पूर्व का वह कोना जहां पे तुलसी का पौधा बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यदि आप ईशान में नहीं लगा सकते तो आप इसे उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं और पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं, चमत्कारिक परिणाम मिलेगा। मुख्य द्वार के आपके दोष है करके, तो आप मुख्य द्वार पे उस पौधे को लगा सकते हैं। आपके पास जगह नहीं है तो आप गमले के अंदर तुलसी का पौधा लगा के तो देखिए, आपको चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। विभीषण के घर में भगवान हनुमान जी, बजरंगबली जी जब विभीषण लंका में विभीषण के घर गए थे, तो वहां पर एकादश वृंदा देखकर वो बहुत खुश हुए, बहुत मुस्कुराए थे। भगवान को बहुत प्रिय है तुलसी का पौधा। मैं ऐसे अनेक आपको तुलसी के पौधे से उपचार बता सकता हूं दोस्तों, कि तुलसी का पौधा कैसे आपके घर के वास्तु दोषों को दूर करने में सहायक होता है। आप तुलसी के पौधे के बारे में और अनेकों वास्तु दोषों को दूर करने के लिए मेरी पुस्तक खुशियों का वास्तु, वो भी आप मंगवा सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। आप मेरे से व्हाट्सएप पर 3 से 4 बजे तक कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तु दोष, छोटे छोटे वास्तु दोष तो मैंने आपको कैसे दूर करते हैं आपको मैंने बताया था। आज का ये वीडियो विशेष रूप से घर की महिलाओं के संबंध में है। पारिवारिक कलह, महिलाओं में आपसी तनाव, सास बहू के झगड़े, इन सब का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? दोस्तों वास्तुशास्त्र के अंदर 4 कोण होते हैं और 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 दिशाएं होती है, और उत्तर पूर्व ईशान कोण, दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण, और उत्तर और पश्चिम वायव्य कोण। एक आकाश तत्व, एक ब्रह्म स्थान, घर का प्रत्येक कोना और घर की प्रत्येक दिशा संतुलित होनी आवश्यक है। यदि शरीर के अंदर भी यदि हमारा कोई चीज असंतुलित हो जाती है तो निश्चित रूप से रोग उत्पन्न हो जाता है। तो मित्रों, हमें वह गलती नहीं करनी है कि हमारे घर का वास्तु दोष उत्पन्न हो जाए। आज की मैं स्पेशल चर्चा कर रहा हूं घर के आग्नेय कोण के बारे में, यानी दक्षिण पूर्व का स्थान।
यह स्थान घर की रसोई का स्थान होता है, लेकिन मित्रों हमें वास्तु का ज्ञान नहीं होने के कारण हम भी वहाँ पे सुविधा शास्त्र लगा देते हैं, वास्तु शास्त्र की जगह वहाँ पे सुविधा शास्त्र लग जाता है। तो दोस्तों सुविधा शास्त्र नहीं लगाकर आप अग्नि कोण को सही रखें। अग्नि कोण को सही रखने के लिए सिंपल सा उपचार है कि आप वहाँ पे तुलसी की मंजरी बांध के अग्नि कोण में रख दें, छोटे मोटे दोष समाप्त हो जाएंगे। यदि अग्नि कोण के अंदर भूमिगत टैंक है तो एक बड़ा वास्तु दोष है, इसके लिए आपको निश्चित रूप से उपचार करना पड़ेगा। घर की महिलाएं यदि तनावग्रस्त रहेगी, घर में सास बहू के झगड़े रहने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण अग्नि कोण दूषित होना है, इसलिए अग्नि कोण को सही करें, एक अच्छे वास्तु शास्त्र से सलाह लें। मैं आपको आने वाले वीडियो में अग्नि कोण के बारे में, उनके दोषों को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो घर में अग्नि कोण को ठीक करें। आपको ये मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मेरी पुस्तक खुशियों का वास्तु में भी अग्नि कोण के दोषों को दूर करने के अनेक उपचार बताएं, आप उसे भी पुस्तक पढ़ाकर लाकर पढ़कर मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हैं। और आप यदि मेरे पे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वीडियो पसंद करें तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना तोड़ फोड़ वास्तु की घड़ी में आपका एक बार फिर से, मेरे सभी मित्रों का, मेरे चाहने वालों का, सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों मेरी ये हमेशा से इच्छा रहती है कि आपका मैं कम से कम खर्चा करूं। हर घर में परेशानियां होती हैं। अभी पूरा विश्व कोरोना काल के संकट से जूझ रहा है, हम नकारात्मक विचार लगातार सुन रहे हैं, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे टीवी हो और चाहे आस पड़ोस हो। दोस्तों इससे स्थिति गंभीर होती जा रही है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कई कई जगह तो हम डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें कि हम सकारात्मकता का माहौल अपने घर के अंदर पैदा करें और सकारात्मकता से हम अपने एक इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। मित्रों वास्तु दोष हर घर में मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग परेशान हैं, तोड़ फोड़ के उनके पास आर्थिक समस्याएं हैं तो वो कर नहीं पाते। तो मेरे आप सारे चैनल्स में मेरे जो भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि मैंने लगभग अपने सारे वीडियो में बिना तोड़ फोड़ वास्तु के ही बनाए हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो वहाँ तोड़ फोड़ भी करना चाहिए। तो हम घर में कैसे बिना तोड़ फोड़ किए, अभी सब घर में लॉकडाउन है, सब लोग घर में बैठे हैं, तो हम कैसे सकारात्मक माहौल पैदा करें, कैसे हम हमारे घर की एनर्जी लेवल बढ़ाएं। मित्रों सबसे पहले हम जब सुबह उठते हैं तो मैं निवेदन करूंगा घर के मुखिया को, घर की गृह लक्ष्मी को, घर के बच्चों को भी कि आप सारे लोग उठ के ईश्वर का जाप, ईश्वर का नाम स्मरण जरूर करें। अपने घर के अंदर संगीत का कोई भी वाद्य यंत्र, आजकल बहुत सारे साधन हैं, ब्लूटूथ है, मोबाइल है, रेडियो है या अदर्स दूसरे और भी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, तो आप वहाँ महामृत्युंजय का मंत्र जाप है या नारायण मंत्र है या कोई ऐसी धुन है जो आपको पसंद है या आपको फिल्मी संगीत पसंद है, तो आप सुबह सुबह एक ऐसा धार्मिक माहौल बनाए रखें, आप देखेंगे घर में सकारात्मक का माहौल उत्पन्न होगा। दोस्तों जब हम घर में बैठे हैं, सारे लोग एक साथ बैठे हैं, तो कोशिश करें कि हम सुबह का खाना और शाम का खाना एक साथ बैठ के खाएं, हम नकारात्मक एनर्जी से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। मित्रों एक मैं बात आपको जरूर हमेशा बताता रहा हूँ कि जब घर में आप बैठे हो और आपका घर का वास्तु दोष आपको दूर भी करना है, आप चाह रहे हो कि वास्तु दोष दूर हो, घर में हमारे रोग कम आए, घर में हमारे कष्ट कम आए, तो आप ये मेरा स्व अनुभूत एक बहुत सफल प्रयोग है। मैंने पूर्व के मेरे वीडियो में बताया था आपको कि आप बैठे बैठे सारे लोग एक अभियान छेड़े कि हम घर की साफ सफाई करेंगे। और आपका जब मान लो आपका कमरा है बिखरा हुआ है, चद्दर बिखरा हुआ है,
पिल्लो कहीं और पड़ा है और या अस्त व्यस्त पोजिशन पड़ा है, तो आपकी मनोस्थिति क्या होती है? तो आप अभियान के रूप में आप अपने कमरों को, आप अपने आंगन को, आप अपने पूरे घर को साफ सुथरा करें, हर चीज़ को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण मित्रों एक बात बता रहा हूँ कि आपके घर में चारों तरफ दवाई रहती है। ये मैंने अक्सर देखा है फ्रिज के ऊपर, रसोई के अंदर और तो और मंदिर के अंदर भी। ज़्यादा मत जो जहाँ सो रहे हैं वहाँ पर भी लोग दवाई लेते हैं और वहीं रख देते हैं। मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि ये आप अपने घर की सारी दवाइयों को, चाहे होम्योपैथी है, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे एलोपैथी है, चाहे किसी प्रकार की दवाई है, आप उनको एक जगह पर स्थिर रखिए और उत्तर दिशा पे उन दवाइयों को आप इकट्ठा कीजिए और वहाँ जाकर ही लेने की आदत डालिए। आप देखना कि घर से दवाइयाँ धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो आप लॉकडाउन के अंदर ये बहुत कुछ काम कर सकते हैं अपने घर के लिए। सकारात्मक माहौल, हंसी मजाक, अदर बहुत एक्टिविटीज़ है। मैं आपको आगे की मेरी वीडियो में आपको वास्तु दोष अपने घर में बैठे बैठे हम कैसे ठीक करें, मैं अगले चरणों में आपको बहुत अच्छी तरह और बताऊंगा। आपको मुझे पूरा विश्वास है, आपने मुझे बहुत प्रेम दिया है कि आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और इसे आप सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने मित्रों को, अपने परिवार को, सभी लोगों को ये मेरा वीडियो आप शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय शंकर। आजकल देखने में आता है कि अच्छे पढ़े लिखे, खूबसूरत, स्मार्ट, उच्च पदों पर कार्यरत, सफल व्यवसायी होने के बाद भी कई परिवारों के जवान लड़के लड़कियों की शादी में रुकावटें आने से देरी होती है। माता पिता बच्चों के रिश्तों के लिए भटक दे रहते हैं लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनती, देरी पर देरी होती रहती है। ऊपरी तौर पर तो इन सब के पीछे कोई कारण तो नज़र नहीं आता, परंतु उनके घरों के वास्तु का विश्लेषण करने से पता चलता है कि इनके अनियमित आकार के घरों में कुछ ऐसे वास्तु दोष है जो भाग्य के साथ साथ शादी में रुकावटें पैदा कर अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बच्चों के विवाह समय अनुसार हो, इसके लिए वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, समय अनुसार हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे की शादी समय पर हो जाए, लेकिन इसके लिए भी मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें कुछ वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का भी पालना करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार वायव्य कोण में वायु की प्रबलता रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वायव्य कोण का आदिपति देव चंद्रमा है और उसके देवता कौन है? वायु। इसी प्रकार वायव्य कोण में दिशा, देव तथा ग्रह तीनों की प्रकृति चलायमान है। इसी कारण विवाह योग्य कन्या के लिए घर के वायव्य कोण में स्थित कमरा ही सर्वोत्तम माना जाता है, और यदि वायव्य कोण में किसी का कमरा न हो तो उसके लिए यह बताया गया है कि आप उत्तर दिशा या ईशान कोण में स्थित कमरे, ईशान कोण में जो कमरा है उसमें जो स्थित वायव्य कोण है उसमें इसकी व्यवस्था की जा सकती है। कमरे का रंग हल्का गुलाबी या आँखों को सुंदर लगने वाला कोई हल्का रंग ही होना चाहिए। कभी भी नीला, काला, स्लेटी जैसे हल्के, गहरे किसी प्रकार के और दूसरे रंगों का उपयोग नहीं करना चाहिए। विवाह योग्य पुत्र के लिए ईशान कोण व पूर्व दिशा का कमरा बहुत सर्वोत्तम होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे रिश्ते आते ही नहीं हैं बच्चों के, और कभी आते हैं और पूरी बात बन जाती है और लास्ट में जाके सारा मामला कैंसिल हो जाता है, तो ऐसी स्थितियां भी आती है। तो इसके लिए ध्यान रहें कि विवाह योग्य कन्याओं का कमरा वायव्य कोण में हो, परंतु इस कमरे में लड़की को दिखाने की रस्म करने से रिश्ता होने में बाधा होती है। इसके लिए बेहतर है कि घर के उत्तर ईशान या पूर्व दिशा स्थित कमरे में लड़की दिखाने की रस्म की जाए। विवाह योग्य बच्चों के पलंग को दीवार से इस प्रकार सटा कर रखना चाहिए कि पलंग बाकी तीनों तरफ से उपयोग में लाया जा सके। पलंग कभी भी कमरे के कोने में दो दीवारों से सटाकर नहीं रखना चाहिए, ऐसा होने पर विवाह के मौके कम हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ,
कि वास्तु के सिद्धांतों की आप पालना जरूर करें। प्रवेश द्वार के सामने पैर करके सोना अशुभ माना जाता है, अतः पलंग शयन कक्ष के प्रवेश द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष में पलंग इस तरीके से लगाना चाहिए कि आदमी लेटे हुए मुख्य द्वार की ओर देख सके। दोस्तों, पलंग के ऊपर किसी प्रकार की बीम, पचत्ती, शयन कक्ष के ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक इत्यादि होने से वहां सोने वाले को मानसिक तनाव हो सकता है। वह डिप्रेशन होकर जीवन साथी के चुनाव के वक्त अपनी अभिव्यक्ति सही ढंग से नहीं कर पाता, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। शयन कक्ष में प्रवेश द्वार के सामने बाईं ओर से कोने में यदि शिव पार्वती, माता पिता, लव बर्ड, बत्तख के जोड़े का चित्र, किसी भी जोड़े का मुस्कुराता हुआ फोटो लगाने से विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, यह तो हुई विवाह योग्य बच्चों के कमरों की साज सज्जा व स्थान की बात, परंतु घर के वास्तु के कारण भी विघ्न पड़ते हैं, अतः इन दोषों को भी दूर करना आवश्यक है। यदि बेडरूम के बिल्कुल सामने पूजा का कमरा हो या बेडरूम का थोड़ा भाग पूजा के लिए उपयोग किया जाता है, तो उस घर की मालकिन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की रहती है। उसकी छोटी बेटी के विवाह में बहुत देरी होती है, अड़चने आती है और शादी के बाद भी सेटल होने में समस्या रहती है। यदि पूजा घर दंपत्ति के बेडरूम में हो तो पत्नी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की तो होती है, समाज में भी प्रसिद्धि होती है, लेकिन बिना किसी कारण के बहुत विवाद करती है तथा बहुत ज़्यादा बचत तो करती है, लेकिन उसकी बेटी की शादी में अड़चने जरूर आती है। यदि कोई कमरा पति पत्नी बेडरूम की तरह उपयोग करते हैं, वह मेहमान आकर बैठते हो, बातचीत करते हो, पत्नी बहुत ही अस्थिर और चंचल स्वभाव की हो जाती है। यदि वहाँ कोई पानी का स्रोत हो तो उस घर की पत्नी या किसी कोई पत्नी है या बेटी है वो किसी अन्य के प्रति आकर्षण भी हो सकती है। जिन घरों में रसोई घर या बाथरूम एक लाइन में बने हैं, उनकी कन्या संतान जो होती है वह अशांत व अप्रसन्न रहती है और उनकी शादी में विलंब होता है। दोस्तों, यदि हॉल के अंदर गंदे पानी की निकासी चैम्बर हो, हॉल बहुत छोटा हो, हॉल एक पूंछ जैसा हो या किसी बाथरूम से सीधा जुड़ा हो, तो ऐसा आदमी जोड़ तोड़ वाला मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है और घर के एक व्यक्ति की शादी में बाधा आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में जो लड़का होता है वो दूसरे बिरादरी में शादी के लिए जिद करने लगता है या शादी के लिए उसके संबंध आते नहीं हैं, तो आप एक उपचार कीजिए कि एक गोल्डन फ्रेम में पूरे परिवार के सदस्यों के साथ उसका एक फोटो नृत्य कोण में लगा दीजिए। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, उसके संबंध आने शुरू होंगे। एक बात और, पितरों के फोटो आप नृत्य कोण में लगाइए, यह पितृ दोष के कारण भी शादी में विघ्न उत्पन्न होता है। नृत्य कोण में आप एक यदि आईना लगा है तो भी शादी में विलंब हो सकता है, इसलिए नृत्य कोण के आईने को आप तत्काल हटाएं। नृत्य कोण में लाल रंग नहीं होना चाहिए, यह भी शादी में बाधा उत्पन्न करता है। आप नृत्य कोण में किसी एक मुस्कुराते हुए कपल का फोटो लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे शादी होने के बाद उस कपल के फोटो को हटा दें। इसी प्रकार आप मेरे आगे आने वाले नए वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में एक बार आज आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों, आपके खूब सारे मुझे मेल मिल रहे हैं, खूब सारे आपके पत्र मिल रहे हैं और मेरे पास आपके बहुत खूब सारे फोन भी आ रहे हैं। आपने मुझे बहुत, मेरे पूरे YouTube परिवार ने मुझे बहुत पसंद किया है। आप सभी लोगों को मैं बहुत तहे दिल से प्रेम करता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा ये जो वीडियो है वो अपने घर का जो वास्तु होता है वह हमें कर्जदार भी बना सकता है। हम ऐसा प्लॉट खरीद लेते हैं तो उससे हम कर्जदार भी बन सकते हैं।
तो हमें सावधानी पूर्वक इस बात का विचार करना चाहिए कि कहीं हमने हमारे घर में कोई ऐसी गलतियां तो नहीं कर ली, या प्लॉट खरीदने में ऐसी गलती तो नहीं कर ली, बनाया मकान है तो हमने कुछ इंटीरियर तो ऐसी गलतियां नहीं कर ली जिससे हम लगातार कर्जदार होते जा रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि छोटी छोटी गलतियां आपको बड़ा कर्जदार बना सकती है। ये मैंने अक्सर मेरी वास्तु विश्लेषण में, वास्तु विजिट में खूब जगह पे मैंने इस चीज को देखा है। ये बात मैं आज मेरे सारे दर्शकों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे छोटे छोटे क्या कारण हैं जो आपको कर्ज की ओर ले जाते हैं, कर्ज ले लेते हैं वो चुकते नहीं है। तो बहुत सारी ये बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, आर्थिक रूप से हम घिर जाते हैं। जब आर्थिक समस्या आती है तो लगभग सारी समस्या एक साथ आनी शुरू हो जाती है। तो आज का जो मेरा यही सब्जेक्ट था कि हम कर्ज के बारे में मैं आज आपको बताऊं कि मेरे दर्शक जो मेरा ये YouTube देख रहे हैं, माँ लक्ष्मी उन पे प्रसन्न हो और उनको कर्ज से मुक्त करे। तो दोस्तों आप अपने घर में यह देखिए कि कहीं आपके ईशान कोण में शौचालय तो नहीं है। आप सबसे पहले ये देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप कुछ तोड़फोड़ करो चाहे नहीं करो, देखिए वास्तु में खूब तोड़फोड़ का विधान है, लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं कम से कम तोड़फोड़ करूं। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि यदि शौचालय आपका ईशान कोण में बन गया है, ईशान कोण के अंदर उत्तर और पूर्व में, तो आप इसे तुड़वा दीजिए, यह ठीक नहीं है। और जब तक आप उसको नहीं तोड़ते हैं तब तक आप वास्तु के कुछ मैं जो उपचार बताया हूं आपको और आगे भी मैं बताता रहूंगा, छोटे छोटे आप उपचार करते रहिए। आप वहां तुलसी का पौधा लगा दीजिए, ये एक उपचार है, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत अच्छा काम करेगा, आप एक बार करके देखिए। उन घरों में कर्जदार बहुत जल्दी मैंने देखे हैं जिनका नृत्य कोण दक्षिण और पश्चिम, वहां पर या तो कुआ है, वहां पर पानी का कुंड बना हुआ है, या वहां वह पोर्शन घर में सबसे नीचे है। मैंने उन जगहों पे अक्सर ये कह सकता हूँ, मेरा तो यह 100% ये विश्लेषण है, ये मैंने आज तक इतनी जगह पे देखा है, तो मेरा तो ये मानिए 100% ये विश्लेषण है कि यदि नैऋत्य कोण के अंदर गहरा गड्ढा, पानी का टैंक यदि है, तो वह घर, वह व्यक्ति, मकान मालिक हमेशा कर्जदार रहेगा। ये बात आप मेरी लिख के ले लो। तो देखिए, मैं विश्वास तो बिना तोड़ फोड़ में करता हूँ, लेकिन आज का जो मेरा विषय है ना, ये बिना तोड़ फोड़ का नहीं है। आज आपको कुछ तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। जब आप अपने घर के अंदर कभी भी निर्माण कराने की सोच रहे हैं तो आप जो चीज मैं बता रहा हूँ वो सबसे पहले करनी है कि नृत्य कोण में यदि कुंडी है, वहां पर टैंक है, कोई भूमिगत खड्डा है, बहुत बड़ा खड्डा है, या वह जगह पूरे मकान से थोड़ा उसका फर्श नीचे है, तो उसको आप बंद कर दीजिए, फर्श को ऊपर कीजिए, आप देखना बहुत लाभ होगा। मैंने ऐसे घर भी देखे हैं, आपका यदि आग्नेय कोण में किचन नहीं है, वायव्य कोण में है, तो कोई बात नहीं है, वह सेकंड ऑप्शन वास्तु में अंदर बताया गया है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन यदि आग्नेय कोण के अंदर गहरा गड्ढा बना दिया, वहां पानी का भूमिगत टैंक है, तो ये भी मेरा विश्लेषण 100% है कि उस घर के अंदर कभी भी आपकी ये बरकत नहीं आएगी। वहां किसी रोग में क्या, या ये मान के चलिए किसी महिलाओं के प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी। तो आप उस जगह पे जब तक आप निर्माण नहीं करवाते हैं तब तक इसके अग्नि कोण को पूरा का पूरा पट्टी, लाल रंग की एक पट्टी लगा के, और उस लाल रंग की पट्टी से उसको, उस कोने को, आग्नेय कोण को, दक्षिण और पूर्व को रंग दीजिए। लेकिन इस बात की सावधानी रखना कि यदि आग्नेय कोण प्लॉट में बढ़ा हुआ है तो आप लाल रंग का बल्ब नहीं लगाना। आमतौर पर जो वास्तुविद होते हैं वहां पर उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए लाल रंग का बल्ब लगवा देते हैं, लेकिन आप सावधानी रखना, जो नौसिखिए वास्तुशास्त्री है, जो थोड़ा थोड़ा पढ़ के करते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक है कि यदि अग्नि कोण बढ़ा हुआ है तो ऑलरेडी एनर्जी सिस्टम अग्नि का बढ़ा हुआ है,
लेकिन वो जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो वो अग्नि तत्व को, वो उस जगह की एनर्जी को, उस जोन को वो पानी नुकसान पहुंचा रहा है। तो लाल पट्टी से रेडियम की पट्टी या लाल खूनी लाल रंग से भी काम हो सकता है। नैऋत्य कोण के लिए मैं आपको बता रहा था, जब तक नैऋत्य कोण के अंदर आप खड्डे को नहीं भरवाते हैं तब तक आप थोड़ा सा पारा आप उस कोने में रख सकते हैं, सीसा रख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा रिलीफ देगा। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा रिलीफ बता रहा हूं, लेकिन जब भी आपको मकान का तोड़ फोड़ करना हो तो सबसे पहले जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आप नोट कर लीजिए। आप ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। दोस्तों मेरे जो वीडियो होते हैं मैं आपको बताना बहुत चाहता हूँ, मेरे पास ऐसा लगता है कि मैं आपको लगातार बताता रहूं, लेकिन समय का अभाव रहता है। मैं चाहता हूँ आप थोड़े 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 मैं यदि आपको बताऊंगा ना तो आप घर पे कर भी लोगे उसका उपचार। तो आप मेरे नए वीडियो से आने वाले जो मैं नए छोटे छोटे जो आपको बिना तोड़ फोड़ के उपचार बता रहा हूँ, कुछ तोड़ फोड़ करने जरूरी है वो भी बता रहा हूँ। तो आने वाले मेरे नए वीडियो को आप देखने के लिए आप मेरा ये वीडियो सबसे पहले यदि प्राप्त करना चाहते हो तो उसको अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये जो सब्सक्राइब जो आपको दिख रहा है ये बार बार ये बेल आपके सामने आ रही है, इसको आप टच कीजिए, आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिलेगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको भी फायदा मिलेगा, दूसरों को भी फायदा मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास, आज एक बहुत ही उपयोगी जानकारी आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों देखिए, ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ ऋतु कौन सी होती है? ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ ऋतु होती है शरद ऋतु, और माह में कार्तिक मास, तिथि में पूर्णमासी। इसीलिए कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। देव दीपावली मतलब देवों की दीपावली। ये क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, इस दिन ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारे सर्मद्धि उत्पन्न हो, इसका क्या पौराणिक महत्व क्या है, ये सभी आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों देव दीपावली का बहुत महत्व है। देव दीपावली के दिन समस्त देवता 33 कोटि देवता पृथ्वी पर आते हैं। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। इसी दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। वह त्रिपुरासुर जो देवताओं को बहुत परेशान करता था, इसीलिए भगवान को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। त्रिपुरासुर का वध करने से देवता बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए इस दिन देव दीपावली के रूप में मनाई जाती है। काशी को भगवान शंकर ने स्वयं बसाया था। काशी के जो महाराजा थे, काशी के जो राजा थे, उनका नाम था दिवोदास। दिवोदास को जब भयंकर अभिमान हो गया तो उसका अहंकार नष्ट भी भगवान शंकर ने इसी दिन किया था। तो काशी के सभी घाटों में और सभी तालाब जलाशयों में इस दिन दीपदान का बहुत महत्व है, क्योंकि सारे देवता इस दिन पृथ्वी पे आते हैं। इसलिए हर सनातनी हिंदू धर्म में हर सनातनी देव दीपावली को मनाता है। अपने घरों में छतों पर जलाशयों पर दीपदान करता है। दोस्तों एक इसमें कथा और आती है कि वो कथा आपको पता होगी कि जब राजा जो बलि था और जो भगवान ने वामन अवतार लिया था, तो भगवान ने राजा बलि को कहा कि आप मेरे से कुछ भी चीज मांग सकते हैं। तो दोस्तों वो ऐसी 3 चीजें जो कौन सी है जिनके दीपदान का फल पृथ्वी पर मनुष्यों को कभी नहीं मिलता। तो राजा बलि ने वो 3 दिन मांग लिए, वो 3 दिन का पुण्य मांग लिया। वो 3 दिन का पुण्य कौन सा था? वो 3 दिन का पुण्य था एक धनतेरस, एक रूप चतुर्दशी जो रूप चौदस भी कहते हैं जिसे हम, और तीसरा था दीपावली। राजा बलि ने भगवान से मांग लिया कि इन 3 दिनों में पृथ्वी लोक पर जो भी लोग पूजा करे उसका समस्त पुण्य राजा बलि को मिले, और भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब जब हम दीपावली पर दीपदान करते हैं, पूजा करते हैं, इन 3 दिनों में जो भी हम कुछ पुण्य करते हैं उस पुण्य का फल राजा बलि को मिल जाता था। मां लक्ष्मी से चिंतित हुई और मां लक्ष्मी ने भी यम द्वितीया के दिन भाई से कुछ मांगते हैं ना, बहन कुछ मांगती है भाई से, तो राजा बलि से मां लक्ष्मी ने मांग लिया कि मुझे आप वो 3 दिन का पुण्य दे दीजिए जो
आपने हरि से मांगा था, तो राजा बलि ने वो 3 दिन का पुण्य ऐसा कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जो भी मनुष्य जलाशय के ये नदी पर 5 दीपक दान करेगा उससे वह पुण्य लाख गुना होके मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, देव दीपावली का कितना बड़ा महत्व है। हम जो पूजा करते हैं दीपावली का बहुत महत्व है, लेकिन जो दीप दान करते हैं, जो पूजा करते हैं, उसका पुण्य फल प्राप्ति का जो सबसे बड़ा दिन है वह है देव दीपावली। इसलिए दोस्तों देव दीपावली को भूलो मत, देव दीपावली को आप निश्चित रूप से भगवान की आराधना करो। कुछ लोग क्या करते हैं, जलाशय में जाते हैं, तालाब में, नदी में, नालों में, वो दीपक को उसमें बहा देते हैं। आप ध्यान रखें दोस्तों, आप ऐसा ना करें, ये ठीक नहीं है, दोषपूर्ण है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप नदी में, तालाब में कहीं जाएं और दीपक उसके ऊपर, नदी के ऊपर ही रख दें। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रदूषण फैलता है ना। तो दोस्तों आप तालाब के घाट पर, आप नदी के घाट पर, जलाशय के घाट पर, कुएं के आसपास आप वहां दीपक को रख दीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, तो आप देखना दोस्तों इससे तो प्रदूषण नहीं फैलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस महान दिन, इस पुण्य दिन के दिन हमें क्या ऐसे महा उपाय करने चाहिए जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखो, इस दिन आप पहली बात सुन लीजिए कि इस दिन आप माता तुलसी को दीपदान दीपक जरूर दिखाएं, माता तुलसी के आगे दीपक रखें। इस दिन भगवान शंकर, भगवान त्रिपुरारी को त्रिपुंड लगाएं, त्रिपुंड की अंगुली में चंदन लगाकर और भगवान के सर के ऊपर त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुरारी है वो, इस दिन उन्होंने त्रिपुरासुर का नाश किया था, उसका वध किया था। भगवान शंकर को खीर और केसर का भोग लगाएं, भगवान शंकर को उस दिन इत्र जरूर लगाएं। आप दीप दान करें जलाशय पर, 5 दीप दान करें। जलाशय आपके पास नहीं है तो कुएं पर जाके, बावड़ी में जाके, नदी के ऊपर और तीर्थ स्थलों पर, गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है, आप वहां जाकर भी दीप दान कर सकते हैं। दोस्तों आप कोई बहुत उपयोगी उपचार बता रहा हूं, इस दिन महालक्ष्मी की स्तुति जरूर करें, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आप महालक्ष्मी अष्टम स्त्रोत का भी जाप कर सकते हैं, नमस्ते स्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, नमस्ते गौरारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ऐसे ये 8 मंत्र है, आपको किसी भी पुस्तक में मिल जाएंगे। आप इन 8 मंत्रों का जाप करें, इस दिन दान का बड़ा महत्व है। इस दिन आप उड़द की दाल का, चावल का, किसी गरीब को, किसी दरिद्र नारायण को आप जरूर दान करें, तो आप सभी लोगों को सुख, सौभाग्य, संपन्नता, शांति और पुण्य की प्राप्ति होगी। मेरे सभी यूट्यूब के परिवार के सभी मेरे परिवारजनों को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप देव दीपावली बड़े धूमधाम से मनाइए। आप सभी लोगों को वास्तुविद राजेश व्यास का नमस्कार। आप को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, इसको आप लाइक कीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों थैंक यू, नमस्कार। दोस्तों मैं राजेश व्यास वास्तुविद आप लोगों के लिए नए नए वास्तु के टिप्स लेके आ रहा हूँ। आपने बहुत पसंद किया, लाइक किया। आज का भी जो मेरा जो विषय है वो है वास्तु के अंदर, हम हमारे घर के अंदर कैसे व्यवस्थित करें वास्तु के अनुसार। आज की मैं बात कर रहा हूँ किचन की। किचन का वास्तु जो होता है वो कैसा होना चाहिए, किचन कहाँ पे होना चाहिए, किचन के अंदर क्या दोष हो सकते हैं, किचन के ऐसे क्या दोष है जो घर के अंदर हमारे बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ये ध्यान देने की बात है दोस्तों, किचन बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी धर्मपत्नी, हमारी घर की महिलाएं, उन सब लोगों का अधिकतर समय किचन में निकलता है। तो आप किचन के अंदर एक तो वेंटिलेशन रखें। मैं किचन की बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, आप नोट कीजिए। किचन को हमेशा आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। किचन साफ सुथरा होना चाहिए। किचन के अंदर कभी भी भूल कर भी आप झाड़ू नहीं रखें, मैंने मेरे पहले वीडियो में आपको बताया था। दूसरा, किचन जो है वहाँ पे आप डस्टबिन जो है वो नहीं रखें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। खुले चाकू, कैंची और ऐसे धारदार जो उपयोग किचन टूल्स होते हैं उनको आप एक दराज में या उसके एक स्टैंड बना के रखें,
खुले नहीं रखें, इससे नकारात्मक जो एनर्जी है वो उत्पन्न होती है। और किचन का विशेष ध्यान रखें, यदि आप किचन नया बनाने जा रहे हैं तो आप किचन का जो नृत्य कोण है दक्षिण और पश्चिम का ऐसा, वहाँ पे आप जैसे ओवन है, मिक्सी है, हैंड ब्लेडर है और जो भी आपकी मशीनरी जो काम आती है किचन के अंदर आप वो रख सकते हैं। दोस्तों एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि किचन हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किचन में आपने मसालों को यदि कूट पीस लिया है या कुछ भी कर लिया तो बिखर जाते हैं, फिर ऐसा गोल घेरा सा जहाँ पे रखते हैं छानते हैं चलनी तो गोल घेरा सा बन जाता है, कभी कभी नीचे बैठ के करते हैं तो आप उस गोल घेरे के अंदर किसी बच्चे का या आप अपना पैर या कुछ अंग न रखें, वो भी नुकसानदायक होता है, उसको कपड़े से या झाड़ू से उसको साफ कर लें। तो किचन के मैंने आपको बहुत सारे ऐसे उपचार बताए, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बहुत सारे बताऊंगा। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वास्तुविद राजेश व्यास। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास आज आपके लिए फिर लाया हूँ वास्तु के नए टिप्स, वास्तु की एक नई बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों सीढ़ियां हमें फर्श से अर्श पर ले जाती और वही सीढ़ियां यदि गलत बन गई तो अर्श से फर्श पर आ सकते हैं। सीढ़ियों का दोष बहुत नुकसानदायक हो सकता है। सीढ़ियां घर की एनर्जी का फ्लो का काम भी करती है। हम नया घर बना रहे हैं तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं हमारी सीढ़ियां गलत जगह पे नहीं बन गई। यदि आपने सीढ़ियों को गलत स्थान पर बना लिया तो उसके गंभीर परिणाम आप देख सकते हैं। घर में बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप अपनी घर की सीढ़ियों की तरफ भी देखिए। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो सारी बातें बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीढ़ियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ये यूट्यूब चैनल वास्तुविद राजेश व्यास, आप मेरे साथ लगातार जुड़ते रहिए। मैं राजेश व्यास आपको ऐसे ही नित नई जानकारियां देता रहूंगा। दोस्तों ये सीढ़ियों का वास्तु जो आज मैं सब्जेक्ट आपके सामने लेके आया हूँ, ये एक ऐसा वास्तु के बारे में एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मुझे लगता है कि हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जो सीढ़ियां होती है वो दो प्रकार से हो सकती है, एक होती है आंतरिक सीढ़ी, एक होती है घर के अंदर की सीढ़ी। जो हम घर के अंदर की सीढ़ी बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीढ़ी जो है वो कैसी बननी चाहिए, सीढ़ी का घुमाव कैसा होना चाहिए, उसके पद कैसे होने चाहिए, उसकी एंट्रीज और ऊर्जा का फ्लो कहाँ से होना चाहिए, वो उसके प्रवाह जो है इधर से उनको जाना चाहिए, और सीढ़ी के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ पर सीढ़ी बनाएं, कहाँ पे सीढ़ी नहीं बनाएं, ये ऐसे अनेक प्रश्न हमारे सामने खड़े रहते हैं। उन सभी प्रश्नों का आज आपको मैं इस वीडियो में सारे जवाब दूंगा। पहले आप मेरे से ये आपको जो मैं बता रहा हूँ 15-16 आज आपको मैं ऐसे टिप्स बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों सीढ़ियों के बारे में ये आप पहली बात नोट कीजिए कि सीढ़ियां हमेशा दक्षिण और पश्चिम की ओर बनानी चाहिए। दक्षिण और पश्चिम की ओर सीढ़ियां आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। सीढ़ियां हमेशा या तो उत्तर से दक्षिण की ओर जानी चाहिए या पूर्व से पश्चिम की ओर जानी चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आपका प्लॉट आप नई सीढ़ी बनाने जा रहे हैं और आपके पास बहुत कम विकल्प है और आप बाहर की ओर सीढ़ी बनाना चाह रहे हैं, स्पेशली पश्चिम दिशा का जो हमारा भूखंड होता है तो उसमें आमतौर पर दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा आगे की ओर होता है, तो आप वहाँ सीढ़ी बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ आपके लिए सीढ़ी अच्छा कार्य करेगी। आप वहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर, उसमें पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर भी आप सीढ़ी बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि सीढ़ी कभी भी घर के केंद्र स्थान पे नहीं आनी चाहिए। यदि आप अंदर सीढ़ी बना रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कभी कभी हम गलती कर देते हैं कि घर के केंद्र स्थान से हम सीढ़ी को उठा लेते हैं। घर के केंद्र स्थान से कभी भी सीढ़ी को नहीं बनाना चाहिए दोस्तों।
इस बात का विशेष ध्यान रखें, सीढ़ी घर के अंदर और घर के बाहर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ईशान कोण में आप भूल कर भी सीढ़ी ना बनाएं। देखिए दोस्तों, इसका भी एक कारण है, ईशान कोण को हल्का रखना चाहते हैं, और जो सीढ़ी होती है वो सबसे भारी वास्तु में मानी जाती है, और जब सबसे भारी वास्तु मानी जाती है तो मैंने मेरे अपने पुराने वीडियो में बताया था कि भारी जो चीज है, भारी निर्माण करना चाहिए, वह दक्षिण पश्चिम में करना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, यदि ईशान कोण में सीढ़ी बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भारी हो जाएगा, तो यह नुकसानदायक हो सकता है। एक बात आप इस बात का भी ध्यान रखें कि सीढ़ी हमेशा क्लॉकवाइज बनानी चाहिए। क्लॉकवाइज जब आप सीढ़ी बनाओगे तो आपका जो राइट हैंड है वो जो सीढ़ी के ऊपर हम जब चढ़ाई करते हैं तो राइट हैंड जो है आपका राइट हैंड हाथ जो है वो उसके ऊपर, हत्थे के ऊपर रहेगा और आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि सीढ़ी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखें, जो मंकी लैडर होते हैं, मंकी लैडर आप समझते हैं, मंकी लैडर जो मैकेनिक है, छत की टंकी है, या कोई ऐसी जगह जहाँ छत से जाना होता है, या बाहर से कोई ऐसी सीढ़ी बना लेते हैं, लोहे की जो सीढ़ी बना लेते हैं, तो ये आमतौर पर देख के सब लोगों का वीडियो ऐसे सुन के पढ़ के ऐसे कर लेते हैं कि सब सीढ़ी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए। आप भूल कर भी मंकी लैडर को कभी भी क्लॉकवाइज नहीं बनाएं, वह सीढ़ी हमेशा सीधी बनेगी। इस बात का आप ध्यान रखें, सीढ़ी ज्यादा खड़ी नहीं होनी चाहिए। आप खड़ी सीढ़ियां बनाओगे तो क्या स्थिति हो जाएगी, आपको चढ़ने में दिक्कत आएगी, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। सीढ़ियों की जो ऊंचाई होती है आमतौर पर 4 इंची से लेकर 7.5 इंची तक की ऊंचाई सफिशियंट होती है। हाँ, इसके बीच में आप 6 इंची की, 7 इंची की ऐसी सीढ़ी बना सकते हैं। हाँ, एक बात आप सभी लोगों को हमेशा ये रहती है कि सीढ़ियों के पदों की संख्या कितनी बनाई जाए। ये आप सब लोगों का, मेरे पास खूब सारे क्वेश्चन आते हैं और खूब सारे लोग भ्रमित कर देते हैं और भ्रमित हो भी जाते हैं कि हम सीढ़ियों के पदों की संख्या कितनी रखें। तो एक बात तो आप नोट कर लो कि सीढ़ियों में आप कभी भी सम संख्या, जहाँ 2 आता है, जैसे 18 है, 16 है, 14 है, 12 है, ऐसी संख्या आप सीढ़ियों में न रखें। सीढ़ियों में आप 3 से भाग देने पर यदि 2 बचे तो आप वो सीढ़ी बना सकते हैं। लेकिन वह संख्या क्या आती है, वह संख्या आती है जैसे 3 का आपने भाग दिया और 11 में भाग दिया आपने 3 का, तो लास्ट में कितना बच गया, 2 बच गया, तो आप 11 सीढ़ी बना सकते हैं। लेकिन 11 सीढ़ी बनाएंगे तो छत कितनी छोटी हो जाएगी, तो आप उसके आगे की संख्या बढ़ सकते हैं। तो विषम संख्या में आप सीढ़ी बना सकते हैं, 17, 15, 19, आप ऐसे विषम संख्या के अंदर सीढ़ी को बना सकते हैं। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है कि सब हमें पता कैसे पड़े कि हम किसको गिने। देखिए, सीढ़ी के अंदर 2 चीज होती है, एक होता है ट्रेड, एक होता है राइजर। अब ये ट्रेड और राइजर क्या होता है, ट्रेड वो स्थान होता है जहां हम पैर रखते हैं, जहां पर हमारा पैर आएगा वो क्या आएगा, ट्रेड। और राइजर कौन सा होगा, जहां हमारा जूता टकरता है, जहां से हमारा जूता टकरता है वो हो जाएगा राइजर। तो ट्रेड और राइजर, अब आपको मैं एकदम सरल बात बता रहा हूं, ये सबसे अधिक आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देगा कि आखिर हम सीढ़ी के पदों को कैसे गिने। आमतौर पर मैंने कई जगह पे देखा है कि वो गलती से ऐसे गिन लेते हैं कि सीढ़ी 18 बन जाती है या 20 बन जाती है, या सीढ़ी उससे कम बन जाती है तो विषम संख्या में आ जाती है। तो आपको कोई ये एक बात एकदम क्लियर कर लो, जो राइजर होता है, जो खड़ी पट्टी होती है, आप उस राइजर को काउंट करो। आप उस राइजर को काउंट करोगे, यदि राइजर आपका 17 आ रहा है, राइजर आपका 15 आ रहा है, राइजर आपका 19 आ रहा है, तो सीढ़ी ठीक है। तो ऐसे आप अपने पदों को काउंट करो। कभी एक चीज और भ्रमित होती है, और खूब सारे ऐसे मेरे पास प्रश्न आते हैं कि बीच के अंदर जो स्टेयर होता है, जो स्टेयर होता है, तो हम उस स्टेयर को गिने या नहीं गिने। तो बहुत क्लियर कर लीजिए, मैं अभी आपको जो बता रहा हूं कि आप केवल राइजर को गिनिए, वो राइजर का ही एक अंग है। यदि आप राइजर को गिनेंगे तो आप अपनी सीढ़ी को सही तरीके से बना सकते हैं। तो इस प्रकार
आप वो ये इस राइजर और ट्रेड का ध्यान रखेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए हमारा जो घर होता है ना, ये आमतौर पर आजकल 9.5 से लेकर 11.5 11.5 फिट की ऊंचाई तक बनाते हैं, तो इसमें लगभग ये आईएस जो होती है ना 19 या 21 तक की संख्या बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है। तो इसीलिए 17 की संख्या को आदर्श संख्या कहा गया है। इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आप सीडी की काउंटिंग करें तो लास्ट में 0 नहीं आना चाहिए, 10 आ गया, 20 आ गया, ऐसे कभी नहीं आना चाहिए। 0 की संख्या सीडी में कभी भी नहीं आनी चाहिए। आप ये इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। एक बात मैं आपको महत्वपूर्ण बताता हूँ कि लोग सीडी के अंदर कलर का हम चेंज करते हैं, पत्थर लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे काले पत्थर से बचें। देखो वो एनर्जी का सबसे बढ़िया मतलब ये है कि हमारी एनर्जी ऊपर जाती है, बाहर आती है, तो वहां काला पत्थर जो है आपको नकारात्मक एनर्जी पैदा करेगा, तो आप कभी भी वहां पर काले रंग को करने से बचें। मैं एक और बात बताता हूँ, मैंने अनेक अपने वास्तु विजिट में ही देखा है कि कई लोग अपनी फैमिली की फोटो सीडी के ऊपर लगा लेते हैं। ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, फैमिली की फोटो कभी भी अपनी सीडी के अंदर नहीं ले जाए, क्योंकि सीडी को एक सीडी कुआ कहते हैं। यह वास्तु के अंदर इसके लिए सीडी कुआ शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो सीडी कुआ होता है उसमें अपने फैमिली का फोटो आप नहीं लगावें। यदि आप लगाना चाहते हैं तो आप फोटो फ्रेम लगा सकते हैं, कुछ प्रकृति के फोटो लगा सकते हैं, कुछ सुंदर सीनरी या कुछ आर्ट और दूसरे होते हैं आप वो लगा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सीडियो के अंदर अपने बड़े बड़े फ्रेम लगा लेते हैं, फैमिली की फोटो लगा लेते हैं, ऐसा आप नहीं करें। हाँ, एक बात और मैं अनेक जगह पे मैंने देखी है, ये हो सकता है कि ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, तो सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बना लेते हैं। दोस्तों सीढ़ी के नीचे टॉयलेट कभी नहीं बनाना चाहिए, यह बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। अब देखो मेरा हमेशा सब्जेक्ट क्या रहता है कि बिना तोड़ फोड़ वास्तु के बारे में आपको बताता हूं। यदि आपके पास जगह नहीं है और आपने गलती से बना लिया या बन गया, अब क्या करें, तो एक वास्तुशास्त्र का तो खाली ये बोलना होता है कि यहां से कोई चीज यहां शिफ्ट कर दो, और किसी भी व्यक्ति के 1,50,000-2,00,000 रुपए लगने की मामूली बात हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, उसके बाद भी यदि आपके नीचे टॉयलेट बन गया है तो आप वहां फॉल सीलिंग करवा दीजिए, तो एक छत और बन गई। इस प्रकार एक छत और बनाने से आपके कुछ दोषों का, कुछ प्रतिशत दोषों का समन होगा, लेकिन जहां तक हो सकता है आप नई सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाने से बचे। कभी कभी मैंने अनेक वास्तु में यह भी देखा कि सीढ़ियों के नीचे वो बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं, बच्चों का पढ़ाई का स्थान बना लेते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। आप यदि भगवान के ऊपर से आप पांव रख के जा रहे हैं, एक सिंपल बात है, ये ठीक नहीं है, लेकिन उसका भी मैं आपको ये तोड़ बता रहा हूं कि उसमें भी आप फॉल सीलिंग लगा सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सकता है आप इस काम से बचें। इस काम से आप उसको शिफ्ट करें, मंदिर को आप अपने जो जहां मैंने अपने पूर्व वीडियो में बताया था कि आप मंदिर को आप ईशान कोण में बनाएं तो यह ठीक रहता है। और एक जैसे मैंने मंकी लैंडर के बारे में बता दिया, एक बात और होती है कि लोग गिन लेते हैं कि साहब हमारा जो पहली मंजिल की सीढ़ी और दूसरे मंजिल की तीसरे साहब एक साथ गिन लेते हैं। जैसे आपने बना ली 17 सीढ़ी बना ली पहली मंजिल में, दूसरे की बना ली 34 हो गई, तो क्या साहब हमारे तो 34 सीढ़ी हो गई है, तो ऐसा नहीं गिना जाएगा, हर मंजिल की अपनी अपनी सीढ़ी होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। कभी कभी आप देखो एंट्रेंस के ठीक सामने सीढ़ी दिख जाती है, तो ये बड़ा वास्तु दोष है। तो आपको इसके बारे में बताता हूँ, यदि आपके एंट्रेंस के ठीक सामने यदि सीढ़ी बन गई है तो आप वहां पर या तो गेट लगा दें या पर्दा लगा दें या कोई विभेद कर दें, तो इससे भी आपको फायदा होगा। मैंने बहुत सारी, मैं चूंकि राजस्थान का हूं और हवेलियों के शहर में रहता हूं, बीकानेर में हवेलियों का शहर कहा जाता है, हवेलियों के शहर में रहता हूं, तो मैंने अनेक हवेलियां देखी है और आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि गेट से निकलते हैं दो सीढ़ी बन जाती है, बीच के अंदर एक बड़ा सा स्टे हो जाता है। तो ऐसी सीढ़ी यदि बन गई है, ये वास्तु के अंदर परफेक्ट सीढ़ी नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी यदि ऐसी सीढ़ी बन गई है तो आप जहां तक हो सके लेफ्ट राइट की सीढ़ी का इस्तेमाल, वैसे भी 99% लोग
लेफ्ट सिटी का ही इस्तेमाल करते हैं। इस दुनिया ने दुनिया में भी 99% लोग लेफ्ट सिटी को, तो इसीलिए कहते हैं एंटी क्लॉक बनाओ, तो आप उसका इस्तेमाल करें। और उन सीढ़ियों के बीच में आप ऐसा कुछ फर्नीचर रख दें ताकि सीधा सीढ़ी का आपको संपर्क नहीं रहे। तो इस प्रकार से हम अनेक चीजें जो ऐसी होती है जो सीढ़ियों के बारे में आपको मैंने बताई है, और मैंने आपको ये इसके उपचार भी बताए हैं। कभी कभी लोग घर की मुख्य सीढ़ियों से आगे घर के ऊपर जाने की सीढ़ियां बना लेते हैं, कुछ ऐसे वास्तु दोष भी होते हैं। ऐसे वास्तु दोष कभी नहीं करने चाहिए, इनका भी आपको उपयुक्त सुधार करना चाहिए। आगे के मैं वीडियो में आपको बहुत सारी और भी सीढ़ियों के बारे में मेरे पास जानकारी है, मैं आपको और भी दूंगा। मैं चाहता हूँ ये छोटे छोटी आपको जानकारी दो, वीडियो मेरे वैसे भी वास्तु के बहुत लंबे हो जाते हैं दोस्तों, मैं क्षमा चाहूंगा। मेरे अनेक दर्शक मेरे को कहते हैं साहब आपकी वीडियो लंबे होते हैं, पर मेरी मजबूरी है कि मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो पूरी बताना चाहता हूँ। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं राजेश व्यास आपको लगातार वास्तु के नए टिप्स देता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद, आज आपके लिए लेके आया हूँ दुकान का वास्तु। दोस्तों हमारे व्यापार के लिए हमारे दुकान में लाभ होना बहुत ही आवश्यक है। दुकान की आय में कैसे वृद्धि हो, दुकान को हम कैसे वास्तु के द्वारा मैनेजमेंट करें, बिना तोड़फोड़ वास्तु के लिए मैं आपको कुछ बातें सजेस्ट करूंगा, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। दोस्तों आप ध्यान रखिए, दुकान जो होती है वो हमेशा सिंहमुखी द्वार की होनी चाहिए, मतलब आगे से चौड़ी हो सकती है, पीछे से सकड़ी हो सकती है, ऐसी दुकान बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दूसरा, दुकान का जो द्वार होता है उसमें ध्यान रखें कि किसी प्रकार का ढलान नहीं हो। जैसे दुकान आपने ऊपर से पीछे से जो है वो दुकान ऊपर हो गई, नीचे मुख्य द्वार की ओर या जो शटर लगाते हैं वहां पे ढलान रख लिया, तो इससे आप बचें। आप ध्यान रखें फर्श एक जैसा बने, तो ये आपके लिए, ये बहुत छोटी बात आपको लगती होगी लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दुकान को आप अपने अच्छा सकारात्मक, दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए, देखिए पर्यावरण बहुत जरूरी है, तो दुकान के सामने किनारे पर आप बाहर की ओर छोटे छोटे जो गमले हैं वो लगाएं, इससे सकारात्मकता आती है, ग्राहकों का पांव पड़ता है, बार बार उनका आने का मन करता है। एक और बात, ये चौथी बात है कि ईशान कोण के अंदर, ईशान कोण होता है उत्तर और पूर्व, आप अपने दुकान में ईश्वर का फोटो, जो आपका इष्ट देव है उसका फोटो आप ईशान कोण में लगाइए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसमें एक पानी का पात्र, एक लोटा आप भरकर भी रख सकते हैं ईश्वर की आराधना के लिए। जब भी दुकान को आप खोलें तो आप सबसे पहले झाड़ू बुहारना करने के बाद में आप भगवान को धूप बत्ती जरूर करें। बेशक कभी कभी ग्राहकों की संख्या बड़ी होती है, लेकिन ध्यान रखें उसको विनम्रता से कहें, और उसके बाद आप उसमें धूप अगरबत्ती करने के बाद आप ग्राहकों को सामान दे सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि यदि आपने माँ लक्ष्मी की आराधना या दुकान में आप पूजा करते हुए यदि ग्राहक आया हुआ है और आपने पहले उसको सामान दे दिया, बाद में आपने पूजा कर ली, तो वो पहला ग्राहक तो ठीक है, लेकिन अगला ग्राहक आने के अंदर आपको कुछ समस्या हो सकती है। तो कुछ जो नियम होते हैं, जो कायदे होते हैं, उसको आप ध्यान रखें। हाँ, एक बात और बताऊं, दुकान के मालिक को हमेशा दुकान की पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा के अंदर दुकान के मालिक को बैठना चाहिए। दुकान के सामने नगर का द्वार हो, दुकान के सामने खंबा हो, दुकान के सामने पेड़ हो, तो ये एक बड़े वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। दुकान के सामने सीढ़ी होना भी सही नहीं माना जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी दुकान ले, यदि आपकी दुकान पहले से ऐसी है कि ये सारी चीजें उपलब्ध है, सीढ़ी है, पेड़ है, नगर का द्वार है, खंबा है, या ऐसी जो वास्तु की जो चीजें यदि आपके है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वास्तु के एक विशेषज्ञ से अपने दुकान के इन दोषों को आप दूर करवाने का आप प्रयास करें। एक बात और बताऊं, दुकान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है तिजोरी। आप तिजोरी को एक सही जगह पे रखें, दुकान में जहां बैठते हैं उसके पास तिजोरी रखी जाती है, लेकिन ध्यान रखें तिजोरी के ऊपर भीम नहीं आने चाहिए। तिजोरी टेंशन में आ जाएगी, यदि आपने तिजोरी ऊपर भीम रख दिया
तो वो ठीक नहीं है, बैठने के स्थान के ऊपर बीम आ जाएगी। मेरा बीम के ऊपर, हालांकि एक ग्रह के बीम के लिए मेरा एक वीडियो है जो आप मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। यदि आप दुकान में टीवी लगाते हैं, दुकान के अंदर चाय पानी की कुछ व्यवस्था करते हैं, तो दुकान का आग्नेय कोण यानी दक्षिण और पूर्व के अंदर आप स्टोव लगा सकते हैं या वहां पर आप टीवी लगा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से करना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि दुकान के अंदर कभी चौखट नहीं होना चाहिए। चौखट घर पे होती है, शटर लगा होता है और आप नीचे आपने चौखट लगा लिए तो ये दुकान के लिए ठीक नहीं होता है। तो दुकान के अंदर चौखट नहीं लगाएं। आने वाले में अपने जो नई जो वास्तु के जो वीडियो आएंगे उसमें आपको नई नई मैं वीडियो बताऊंगा कि कैसे किस प्रकार किराना की दुकान में हमें कहाँ क्या चीज रखनी चाहिए, प्लाईवुड की दुकान में क्या रखना चाहिए, ब्यूटी पार्लर आप खोल रहे हैं तो ब्यूटी पार्लर में क्या, टेंट हाउस खोल रहे हैं तो टेंट हाउस के सामान हम कैसे व्यवस्थित रख सकते हैं, और इस प्रकार खूब सारे ऐसी जो हार्डवेयर और खूब प्रकार से जनरल आइटम, दूध, ऐसे में खूब सारी चीजें आपको बताऊंगा अलग अलग। आप मेरे जो वीडियो है ना इसके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए आप कौन सा वीडियो और कौन सा वास्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं राजेश व्यास आप सभी लोगों का पुनः दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ये मेरा वीडियो यदि आप पसंद आए तो आप उसको शेयर कीजिए। जो देखो नीचे जो आइकॉन बेल बटन दिख रहा है ना, आप इसको तुरंत दबाइए और आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मैं राजेश व्यास आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तु दोष, छोटे छोटे वास्तु दोष तो मैंने आपको कैसे दूर करते हैं आपको मैंने बताया था। आज का ये वीडियो विशेष रूप से घर की महिलाओं के संबंध में है। पारिवारिक कलह, महिलाओं में आपसी तनाव, सास बहू के झगड़े, इन सब का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अंदर चार कोण होते हैं और चार दिशाएं होती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चार दिशाएं होती है। और उत्तर पूर्व ईशान कोण, दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण और उत्तर और पश्चिम वायव्य कोण। एक आकाश तत्व, एक ब्रह्म स्थान, घर का प्रत्येक कोना और घर की प्रत्येक दिशा संतुलित होनी आवश्यक है। यदि शरीर के अंदर भी यदि हमारा कोई चीज असंतुलित हो जाती है तो निश्चित रूप से रोग उत्पन्न हो जाता है। तो मित्रों, हमें वह गलती नहीं करनी है कि हमारे घर का वास्तु दोष उत्पन्न हो जाए। आज की मैं स्पेशल चर्चा कर रहा हूं घर के आग्नेय कोण के बारे में, यानी दक्षिण पूर्व का स्थान। यह स्थान घर की रसोई का स्थान होता है, लेकिन मित्रों हमें वास्तु का ज्ञान नहीं होने के कारण हम भी वहां पे सुविधा शास्त्र लगा देते हैं। वास्तु शास्त्र की जगह वहां पे सुविधा शास्त्र लग जाता है। तो दोस्तों, सुविधा शास्त्र नहीं लगाकर आप अग्नि कोण को सही रखें। अग्नि कोण को सही रखने के लिए सिंपल सा उपचार है कि आप वहां पे तुलसी की मंजरी बांध के अग्नि कोण में रख दें, छोटे मोटे दोष समाप्त हो जाएंगे। यदि अग्नि कोण के अंदर भूमिगत टैंक है तो एक बड़ा वास्तु दोष है, इसके लिए आपको निश्चित रूप से उपचार करना पड़ेगा। घर की महिलाएं यदि तनावग्रस्त रहेगी, घर में सास बहू के झगड़े रहने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण अग्नि कोण दूषित होना है। इसलिए अग्नि कोण को सही करें, एक अच्छे वास्तुशास्त्र से सलाह लें। मैं आपको आने वाले वीडियो में अग्नि कोण के बारे में, उनके दोषों को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो घर में अग्नि कोण को ठीक करें। आपको ये मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मेरी पुस्तक खुशियों का वास्तु में भी अग्नि कोण के दोषों को दूर करने के अनेक उपचार बताएं। आप उसे भी पुस्तक लाकर पढ़कर मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हैं। और आप यदि मेरे पे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वीडियो पसंद करें तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं राजेश व्यास एक बार फिर आपके साथ वास्तु के नए टिप्स लेके आ रहा हूं। दोस्तों,
मैंने आपको बताया था कि वास्तु के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जो मर्म स्थान और अति मर्म स्थान होते हैं, और मर्म स्थान और अति मर्म स्थान के ऊपर वो ऐसी क्या चीजें होती है जो नहीं होनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं बीम की। बीम, कॉलम, गार्टर बोल सकते हैं, सहतीर बोल सकते हैं, ये सब चीज एक ही होती है। बीम के क्या नुकसान हो सकते हैं? वास्तु के अंदर जो कुछ बड़े गंभीर दोष होते हैं उनमें एक दोष होता है बीम दोष। वह बीम दोष कैसे अपना प्रभाव करता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसकी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरी दूंगा कि कैसे बीम दोष हमारे घर का पूरा वास्तु बिगाड़ देता है। मैंने अक्सर अपने विजिट्स में कई जगह पे ये देखा है कि बहुत सही तरीके से घर बने होते हैं, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण, सब कुछ सही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस घर के दोष बड़े खड़े रहते हैं। वो क्या कारण हो सकते हैं, आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बीम दोष के प्रभाव आप नोट कीजिए कि बीम दोष के प्रभाव क्या हो सकते हैं। बीम दोष का जैसे प्रभाव हो सकता है, यदि आपके ईशान कोण में बच्चों के पढ़ने के स्थान के ऊपर छत के ऊपर बीम लगा हुआ है या कॉलम लगा हुआ है तो बच्चा पढ़ाई में निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। किसी कारण से यदि वह मान लो कि उसकी निंद्रा और कुछ भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी कि बच्चे का जो मन है वो विचलित हो जाएगा, तो ऐसा बीम दोष कभी भी ईशान कोण में बच्चों की पढ़ाई के स्थान पर बहुत नुकसान दे सकता है। पूजाघर के अंदर हम बीम लगाते हैं, पूजाघर के अंदर यदि बीम हो गया आपका गलती से तो आपका पूजा में मन नहीं लगेगा, ध्यान में मन नहीं लगेगा, पूजा का, पाठ का, ध्यान का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो ये बीम दोष बहुत नुकसानदायक होते हैं दोस्तों। यदि बीम किचन में हो गया, हमारे किचन की स्लैब है जहां हम खाना बनाते हैं, उस किचन स्लैब पे ऊपर बीम हो गया तो जो गृहिणी है, खाना पकाने वाली है, उसको कोई ना कोई मानसिक चिंता, उसका उच्चाटन, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स वहां पे स्थित हो जाएगी। तिजोरी के ऊपर बीम नहीं होना चाहिए दोस्तों, तिजोरी का बीम बहुत खतरनाक होता है। अक्सर देखते हैं कि घर बनता है, आजकल आरसीसी के भी खूब सारे घर बनने शुरू हो गए तो कॉलम डाल देते हैं, तो कॉलम उस पर आ जाता, तिजोरी के ऊपर आ जाता, तिजोरी टेंशन में आ जाती है। चाहे वो मकान की है, चाहे दुकान की है, चाहे वो व्यापार की है आपके, किसी भी संस्थान की है, यदि वहां पर बीम आ गया दोस्तों तो वो ठीक नहीं रहेगा सबके लिए। तो ये बीम दोष ठीक करना दोस्तों बहुत अनिवार्य है। मेरी इस बात को आप नोट कीजिए, यदि आपका मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के ऊपर बीम आ गया तो आने वाले आगंतुक आपको टेंशन देके चला जाएगा, उसमें कुछ नकारात्मक चीजें वहां पे आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि वह कॉलम, वह बीम वहां नहीं आ जाए। एक बहुत गंभीर बात बताता हूं, ये मैंने मेरे कई अनेकों वास्तु विजिट में देखा है। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे घर बहुत तरीके से बने होते हैं, वास्तुशास्त्र की सलाह लेके भी बना लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक कर जाते हैं। वास्तु पुरुष, हर घर के अंदर एक वास्तु पुरुष का निवास होता है, और वास्तु पुरुष अधोमुख होता है। पूरा विस्तृत कभी इसके बारे में आपको बहुत तरीके से बताऊंगा दोस्तों। मेरा जो विश्वास ये रहता है कि मैं आपके साथ आपकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी निवारण करूं। मेरी समझ, मैं जो आपको चीज बता रहा हूं उस बात में बहुत इजी तरीके से आप अपने घर का वास्तु दोष निवारण कर सकते हैं। तो मैं बात इस चीज पे आ रहा था कि वो महत्वपूर्ण दोष क्या है। तो मैं ये बता रहा था कि ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर होता है, जैसे सिर होता है हाथ पांव ही होंगे,
नृत्य कोण में जैसे पांव होते हैं वास्तु पुरुष के, तो वास्तु पुरुष के एक नाभि देश भी होगा, जिसको बोलते हैं किसी भी भूखंड का, मकान का ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान बोलते हैं नाभि। आपने पूरा घर सही बना लिया, आपको खूब अच्छी तरह खिला दें पिला दें और आपकी नाभि के ऊपर एक पट्टी का टुकड़ा रख दें या कोई बाहर रख दें, आप कितना बेचैन महसूस करोगे दोस्तों। इतने ही बेचैनी अनुभूति हमारे वास्तु पुरुष को भी होती है। दोस्तों मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं कि ब्रह्म स्थान के ऊपर जो बीम लगा है वह बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके क्या उपचार होंगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मेरा वीडियो अंत तक देखिए। तो ब्रह्म स्थान का बीम हम कैसे उसका निवारण करेंगे मैं आपको निश्चित रूप से बताने जा रहा हूं। शयन कक्ष के अंदर पति पत्नी के अंदर तनाव रहता है, हम बेडरूम के अंदर जाते हैं और पति पत्नी के बीच में अनावश्यक छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव हो जाता है, अनिंद्रा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है। तो ढूंढिए कहीं आपके शयन कक्ष में आपके बेड के ऊपर कोई बीम तो नहीं है। वह बीम बड़ा खतरनाक है, वह अनिंद्रा की पोजिशन पैदा कर देता है। इस प्रकार कुछ अनेक ऐसे चीजें हैं जो बीम के बारे में हैं। बीम दोष वास्तु का एक बड़ा दोष बना जाता है। मैं आप सभी लोगों को सलाह दूंगा कि आप भी अपने घर के जो गटर लगे हैं, जो बीम लगे हुए हैं, जो कॉलम लगे हैं, उनको आप ध्यान पूर्वक देखिए, कहीं वो जो जगह मैं बता रहा हूं उन जगह पे तो वो बीम आ नहीं रही है, क्योंकि ये एक बड़ा दोष है। वास्तु के कुछ बड़े दोषों में इस दोष को शामिल किया जाता है। ब्रह्म स्थान के दोष के लिए तो मैं मेरे सभी YouTube के दर्शकों जो मुझे इस वीडियो के द्वारा देख रहे, मैं मेरे सभी दर्शकों को ये निवेदन करूंगा कि आप अपने घर का ब्रह्म स्थान जरूर देखिए, क्योंकि ब्रह्म स्थान जितना खाली होगा, जितना हल्का होगा, जितना वहां से आकाश तत्व दिखता रहेगा, उतना ही आपके अनुकूल होगा, वह उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्रह्म स्थान के दोषों का कैसे निवारण करें, हम हमारे बीम के दोषों का कैसा निवारण करें। देखो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं मेरे जो अगला इसका जो वीडियो है, अगला जो मैं इसका एक आपके लिए और बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रत्येक बीम का छोटे छोटे कैसे उपचार कर सकते हैं, आप खर्चा लगा के कैसे उपचार करेंगे, आप बिना खर्चा लगाए कैसे उपचार करेंगे, आप अपने घर के खुद स्वयं वास्तुशास्त्री कैसे बन सकते हैं, कैसे उसकी जानकारी कर सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहिए, लगातार मेरे वीडियो आप देखते रहिए, उसको पसंद करते हैं। आपके सारे परिवार और मित्रों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए, आप सुखी, जगत सुखी, मित्र सुखी, तो वो भी सुखी, सब लोग सुखी है। तो ये मेरा वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखो जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है ना दोस्तों, इस पे आप तुरंत अभी बेल आइकन पर मेरे नए वीडियो देखने के लिए लाइक करें। मैं राजेश व्यास एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद पेश करता हूं। नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तु के मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मेरा जो बीम दोष के लिए मैंने मेरा पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि बीम दोष क्या होते हैं, ये अपने ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं, कैसे एक बीम के द्वारा अनिंद्रा, तनाव, घर में पारिवारिक झगड़े, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होना, बेडरूम के अंदर पति पत्नी का तनाव होना, और अग्निकोण के अंदर हो तो कैसे अपना खाना डिस्टर्ब हो जाना, कैसे पूजा घर में हो तो ध्यान डिस्टर्ब हो जाना, कैसे ब्रह्म स्थान में है तो सर्व प्रकार के दोष उत्पन्न कर देना। तो मैंने आपको वादा किया था कि मैं मेरे इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि इन बीम दोष को कैसे दूर किया जाए। दोस्तों बहुत सरल उपचार है, आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए। मैं इसीलिए आपको ये मेरे वीडियो देख बार बार बता रहा हूं, बार बार आपको कहता हूं कि मैं बिना तोड़फोड़ का वास्तु मेरी सबसे बड़ी प्रधानता रहती है। जहां आवश्यक होता है तोड़फोड़ वहां तो अपने को करना ही पड़ेगा,
एकदम क्लीन बात है कि आपको मैं एकदम सरल प्रकार से ये बीम दोष के बारे में बताऊं और उसके उपाय बताऊं। बीम दोष यदि आपके बेडरूम के अंदर बीम है तो आप क्या करेंगे, आप बेडरूम के अंदर फॉल सीलिंग कर दीजिए। और मैं तो आपको ये तक कहता हूं कि आप तो कोशिश ये कीजिए कि यदि आप नया घर बना रहे हैं तो आप पहले से ये प्लान करके रखें कि मुझे वहां पे फॉल सीलिंग बनाना है। देखो वास्तु का मतलब होता है ऊर्जाओं का एक सही तरीके से समायोजन, हमारे जो पांचों तत्व है सही तरीके से समायोजन हो। यदि छत के ऊपर एक फॉल सीलिंग लग जाएगी तो ऊर्जा का फ्लो है तो कभी सही तरीके से हो जाएगा। ऊर्जा के लिए मैं एक अपना नया पंच तत्वों के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो आप फॉल सीलिंग लगा के अपना बीम दोष दूर कर सकते हैं, चाहे वो ब्रह्म स्थान पे है या कोई भी स्थान पर है। यदि आप अभी फॉल सीलिंग का खर्चा नहीं करना चाहते तो आप प्रत्येक बीम के ऊपर एक स्वास्तिक उसी आकार का, यदि 6 इंच का बीम है तो आप कम से कम 6 नहीं तो 9 इंच का एक साधारण स्वास्तिक आप सिंदूर से बना सकते हैं, आप एक स्टिकर चिपका सकते हैं, कुमकुम से बना सकते हैं। तो आप इस प्रकार एक स्वास्तिक बनाकर एक छोटा सा उपचार करके आप अपने बीम दोषों को समाप्त कर सकते हैं। बाजार में आजकल कई प्रकार के पायरा स्वास्तिक भी आ गए हैं, तो आप पिरामिड्स लगाकर पायरा स्वास्तिक लगाकर भी आप अपने बीम दोष का निवारण कर सकते हैं। कितना इजी उपचार है। ब्रह्म दोष यदि आपका है तो आप स्पेशली ध्यान रखें जहां सेंटर है, जहां नाभि है, तो एक अच्छे कुशल वास्तु शास्त्र की सलाह से नाभि जो दोष है, नाभि के जो दोष के कारण हमारी समस्याएं इकट्ठी हो रही है, तो आप उस पर भी ये चीज करें। आपका बच्चा यदि बीम के नीचे पड़ रहा है तो आप इसकी टेबल को थोड़ा आगे पीछे खिसका दें ताकि वह बीम से बच जाए। आप बीम के ऊपर 2 बांसुरी, मोर का पंख और एक रेड कलर का रेशमी धागा जो होता है वो बांध कर वह भी आप लगभग 45 डिग्री का जो एंगल होता है उसमें आप लटका सकते हैं। 45 डिग्री 120 डिग्री आपको ये कुछ समझ में नहीं आता, आप ऐसे ही लटका दीजिए, मैं कहता हूं आप देखना उसी से फर्क पड़ जाएगा। किसी भी बीम में आप किसी प्रकार से, आजकल तो बहुत सारे जैसे मोरपंख भी लगा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें डेकोरेटिव चीजें आती है जिससे बीम को हम कवर कर सकते हैं, तो आप बीम को कवर कर दीजिए, उससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। इसके अलावा और बहुत सारे उपचार है लेकिन वो सारे कुशल वास्तु शास्त्र के निर्देशन में ही ठीक रहते हैं। मैंने आपको जो उपचार बताए सारे घरेलू उपचार बताए, आप स्वयं कर सकते हैं। ऐसे उपचार को आप कीजिए, किसी भ्रम में मत रहिए, आप अपना घर का वास्तु दोष स्वयं ठीक कीजिए। यदि आपके शयन कक्ष के अंदर बीम है तो आप कोशिश कीजिए कि किसी प्रकार से आपका बिस्तर उस बीम के नीचे नहीं आए। यदि किचन के अंदर स्लैब के ऊपर बीम आ रहा है तो आप आगे पीछे खिसका लीजिए थोड़ा, उस आपकी जो गैस स्टोव है आप उसको आगे पीछे खिसका सकते हैं, उससे फर्क पड़ेगा। कोई आपके ये मशीनरी है, किचन टूल्स है या दूसरी मशीनरी घर के अंदर है, जैसे फ्रिज है, जैसे वॉशिंग मशीन है, कुछ छोटी छोटी आटा पीसने की चक्की होती है, ऐसे कुछ चीज जो बीम के नीचे आ रही है तो वो तनावग्रस्त हो जाएगी, बार बार खराब होगी, आप उसको उस जगह से हटा दीजिए या आप आज कीजिए और इसका परिवर्तन आप मेरे कहने से खुद स्वयं महसूस करेंगे कि कितना अच्छा परिवर्तन आ रहा है। दोस्तों आप जब राजेश व्यास के साथ जुड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त कर सकते हैं, घर में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। मेरी जो एक पुस्तक है खुशियों का वास्तु, आप उसको पढ़िए। ज्यादा क्लिष्ट वास्तु मैं कभी नहीं बताता जो बहुत खर्चे का होता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे नए नए वीडियो आप देखने के लिए। अभी ये जो आइकॉन बटन जो आपको दिख रही है, घंटी दिख रही है ना दोस्तों, आप इसको दबाइए, आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिलेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो अपने दोस्तों को, परिवार को, अपने सारे ग्रुप्स में आप सभी लोगों को ये वीडियो मेरा भेजिए। देखिए दोस्तों आपको बहुत फायदा होगा। आपका बहुत बहुत आभार। मैं राजेश व्यास, नए वीडियो में आपसे पुनः मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों,
आज आपको मैं बता रहा हूं तहखाने की वो 20 बातें जो आप आज जानना चाहते हैं। वो महत्वपूर्ण 20 बातें कौन सी है जो आपको हमेशा आपके नए मकान या बने हुए अंडरग्राउंड में हमेशा उत्सुकता रहती है कि क्या करना चाहिए, गलत बन गया है तो क्या होना चाहिए। मैं राजेश व्यास वास्तुविद आपका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप लगातार मेरी वीडियो देखते रहिए। मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरा चैनल वास्तुविद राजेश व्यास आज ही आप सब्सक्राइब कीजिए। ये जो बेल दिख रही है आप इसको दबाइए। दोस्तों मैं बता रहा था तहखाने का वास्तु, अंडरग्राउंड का वास्तु। हम नया मकान बनाते हैं तो आजकल ये नेचुरल ग्राउंड, नेचुरल जो अंडरग्राउंड जो हम बनाने का सोचते हैं कि भूमि के नीचे हम अंडरग्राउंड बनाए जो तहखाना कहते हैं, वो कितना कारगर होगा, कितना सही होगा, क्या बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, और यदि बन गया है तो उनके वास्तु को हम कैसे दूर करें, ये हमेशा हमारे सामने यक्ष प्रश्न बना रहता है। तो अंडरग्राउंड के लिए मैं आज आपको वो 20 बात बता रहा हूं जो आपके लिए और वास्तु के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये बात ध्यान रखें, यदि आप अंडरग्राउंड बना रहे हैं तो आप वेंटिलेशन का, सबसे पहली बात आप वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखें। वहां पर क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए। यदि आपके वहां पर यदि सूर्य की किरणें नहीं आ रही है तो आप वहां एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं, लगातार वहां एयर एलिमेंट्स चलता हुआ रहना चाहिए। एक बात, कभी कभी ये बात आती है कि क्या अंडरग्राउंड जो बनाते हैं हम वह पूरे घर पे बनाए या कुछ हिस्से में बनाए, क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न भी खड़ा होता है। तो दोस्तों यदि आप अंडरग्राउंड बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने पूरे घर में अंडरग्राउंड बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के दक्षिण और पश्चिम की जो दीवार है आप उसको थोड़ा मोटा रखिए, या दक्षिण या पश्चिम के हिस्से को कुछ भारी रखने से आपको बहुत फायदा होगा। यह आमतौर पर देखने को मिलता है कि लोग समान रूप से अंडरग्राउंड बना तो लेते हैं लेकिन दक्षिण पश्चिम की दीवार को वह हल्का रख देते हैं या वहां पर तिकोना खाली बना देते हैं। यदि आपको बनाना है तो पूरे में अंडरग्राउंड बनाइए, आप अंडरग्राउंड को कभी भी टेढ़ा मेढ़ा एल आकार में ऐसा कभी भी नहीं करें, ये आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए आप अंडरग्राउंड बनाएं तो पूरा एक सिंगल हॉल ही नीचे की ओर बनाए। जमीन की कमी होती है महानगरों के अंदर तो आजकल बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड बनाते हैं, लेकिन एक वास्तुशास्त्री आपको हमेशा इस बात के लिए यही कहेगा कि आप अंडरग्राउंड का विचार कम से कम कीजिए। हाँ एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि अंडरग्राउंड के लिए 4 नंबर की महत्वपूर्ण बात है कि आप कभी भी अंडरग्राउंड में अपना बेडरूम नहीं रखेंगे। अंडरग्राउंड में बेडरूम रखने से बीमारियां घर कर जाती है, वहां पर एयर एलिमेंट्स और वाटर एलिमेंट्स नहीं होता है तो बीमारी आनी लाजमी हो जाती है। मैंने बहुत जगह पे ये देखा है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप अपने अंडरग्राउंड में बेडरूम भूल कर भी नहीं करें। और यदि आप अंडरग्राउंड के अंदर कुछ काम करना चाहते हैं तो आप ऑफिस अंडरग्राउंड में नहीं खोलें। हाँ कोई भारी मशीनरी का काम है तो आप दक्षिण पश्चिम में मशीनरी रख सकते हैं और थोड़ा मशीनरी का काम कर सकते हैं, वहां पर स्टोरेज कर सकते हैं दक्षिण पश्चिम के अंदर, लेकिन उत्तर पश्चिम में तो आप वो भी नहीं कर सकते। एक बात और बताऊं, आप बार आपके ये वीडियो हॉल बच्चों के लिए जो वीडियो गेम्स खेलते हैं यदि वो ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा होता है। तो आप मेरी 5 नंबर की बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके घर में अंडरग्राउंड है तो आपके बच्चों के लिए प्ले गेम, प्ले स्टोर, ये क्या बोलते हैं इसको आजकल म्यूजिक सिस्टम, वीडियोस और थिएटर, ये सब कुछ आप बना सकते हैं। वहां हलचल और चहल पहल कंटिन्यू रहनी चाहिए, इससे बहुत आपको फायदा मिलेगा। छठी और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप अंडरग्राउंड में कम से कम बैठे। अंडरग्राउंड में बैठना ज्यादा हितकारक नहीं माना जाता, वास्तु इसकी सलाह आपको यह देता है कि अंडरग्राउंड में आप कम से कम बैठें, बच्चों की चहल पहल
या स्टोरेज के लिए अंडरग्राउंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडरग्राउंड कभी भी बनाए तो सड़क के लेवल से ऊपर होना चाहिए ताकि वेंटिलेशन आए। ये जो सातवीं बात मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंडरग्राउंड यदि सड़क के लेवल से 3 या 4 फीट ऊपर होगा तो उसपे एयर एलिमेंट्स आएगा, हवा आएगी, और हवा आने से वहां पे एक ऊर्जा का संचरण होगा, और दूसरा जो पानी है, नाली है या कुछ और भी कोई जो चीज होती है उससे भी इसको थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखें कि थोड़ा सा ये सड़क से 3-3.5-4 फीट के आसपास ऊंचाई पर होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण आठवीं बात बता रहा हूं, अंडरग्राउंड में भ्रम स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी भूखंड में भ्रम स्थान का अपना एक स्वयं बहुत अच्छा रोल होता है। भ्रम स्थान पे कभी भी पिलर, कभी भी खंबा, बीम, ऐसा कुछ भी भ्रम स्थान पर नहीं आना चाहिए। दोस्तों यदि भ्रम स्थान पे ये सब कुछ आएगा तो आप, मैं कहता हूं आप पूरा वास्तु लगा लीजिए, लेकिन वह आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। कभी भी वो आपको फल नहीं प्रदान करेगा, क्योंकि वैसे भी जब हम अंडरग्राउंड बनाते हैं तो उसमें जो बीम होते हैं मोटे मोटे बीम लगते हैं, ऊपर की ओर थोड़े कम लगते हैं, नीचे तो बहुत अच्छे सरिये। यदि आप आरसीसी का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो बीम और सरिये लोहे का इस्तेमाल होता है वो नीचे अंडरग्राउंड की जो छत होती है उसी पे उसका निर्माण होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ब्रह्म स्थान को आप नहीं छेड़ें। ब्रह्म स्थान पे, और आप यदि केवल आपके भूखंड में ब्रह्म स्थान पे यदि आप अंडरग्राउंड बना रहे हैं तो मैं तो आपको ये कहता हूं कि आप आपत्तियों को निमंत्रण दे रहे हैं। आप किसी भी स्थिति में ब्रह्म स्थान, केवल ब्रह्म स्थान में आप भूल कर भी अंडरग्राउंड नहीं बनाइए, ये खतरनाक हो सकता है। एक बात और बताता हूं कि आप यदि अंडरग्राउंड का निर्माण कर रहे हैं तो कभी भी दक्षिण और पश्चिम दिशा के अंदर अंडरग्राउंड का निर्माण भूल कर भी ना करें। कई बार तो मैंने देखा है कि कई घरों में दक्षिण और पश्चिम के अंदर अंडरग्राउंड, केवल दक्षिण पश्चिम अंडरग्राउंड बने हुए थे तो वहां के मकान मालिक में आत्महत्या की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और आर्थिक रूप से तो वो कंगाल ही हो जाते हैं, बीमारियां उनके घर घेर लेती है। तो आप ध्यान रखें दक्षिण पश्चिम में यदि आपके घर में अंडरग्राउंड भूल से भी बन गए हैं तो आप उसको बंद करने का विचार कीजिए। यदि आप उसके बंद नहीं करा सकते तो मैं आपको कुछ नए वीडियो में मेरे आपको उपचार बताऊंगा। आप कुछ ऐसे उपचार होते हैं वो आप उपचार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दक्षिण पश्चिम में आप भूल कर भी अंडरग्राउंड नहीं बनाए। हाँ, अंडरग्राउंड बनाए तो पूरे भूखंड में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दक्षिण पश्चिम की दीवार को थोड़ा अन्य दीवारों से बड़ा रखिए, मोटा रखिए, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन मैं आपको एक दसवीं बात यही बता रहा हूं, जहां तक हो सकता है आप बेसमेंट बनाने से बचिए। यदि फिर भी जगह की कमी है तो बेसमेंट बना सकते हैं। वैसे यदि व्यवसायिक संस्थानों में बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए भी किया जाता है, हम पार्किंग के लिए भी बेसमेंट का उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो ये बात ग्यारहवीं बात बता रहा हूं, सबसे अच्छी बात यह है कि बेसमेंट यदि आप बनाना चाह रहे हैं और भवन के कोने में बनाना चाह रहे हैं तो आप ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व में आप अंडरग्राउंड बेसमेंट बना सकते हैं। और उत्तर और पूर्व में, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर पूर्व में जब आप बेसमेंट बना रहे हैं तो वह साफ सुथरा हो। लोग उसको कबाड़ घर बना देते हैं, ऊपर का घर सब कुछ सही होता है फिर नीचे उसको कबाड़ घर की तरह इस्तेमाल करते हैं और सब कुछ उसमें डाल देते हैं। तो ये ध्यान रखिए यदि आप उत्तर पूर्व में ये बना रहे हैं तो उत्तर पूर्व में आप बना सकते हैं लेकिन कबाड़ घर ना बनावे। बारहवीं बात आपको ये बता रहा हूं, यदि उत्तर पश्चिम में केवल आप बना रहे हैं अंडरग्राउंड, ध्यान सुनिए, उत्तर पश्चिम में यदि आप अंडरग्राउंड बना रहे हैं तो अस्थिरता और उन्माद की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए केवल उत्तर और पश्चिम में अंडरग्राउंड बनाने से बचें, इस विशेष ध्यान रखें। यदि आप, मैं ये बारहवीं बात बता रहा हूं, यदि आप दक्षिण और पूर्व में आग्नेय कोण में अंडरग्राउंड केवल बना रहे हैं तो घर की महिलाओं के बीमार होने की आशंका सर्वाधिक रहती है। आप इस बात का ध्यान रखें घर के आग्नेय कोण में भूल कर भी अंडरग्राउंड नहीं बनाएं। ये 13वीं बात है कि अंडरग्राउंड के अंदर किचन नहीं होना चाहिए।
मैंने जैसे पहले बताया बेडरूम नहीं हो, वैसे मैं भी बता रहा हूं कि अंडरग्राउंड में फायर एलिमेंट्स किचन भी नहीं होना चाहिए। किचन अंडरग्राउंड में यदि आप बनाएंगे तो यह नुकसानदायक होता है। देखिए अंडरग्राउंड के अंदर लाइट की फिटिंग, पानी का स्थान, दूसरा एक चौथी बात यह कि अंडरग्राउंड के अंदर शौचालय भी नहीं होना चाहिए। यदि आप शौचालय बनाएंगे तो उसके ड्रेनेज की सिस्टम आपको कितना नीचे देना पड़ेगा, या तो उसको ड्रेनेज को आप ऊपर कर नहीं सकते, नीचे जाएंगे तो सीलन की और उसकी समस्या आप ध्यान रखें। ये 15वीं बात है कि अंडरग्राउंड के अंदर सीलन की समस्याएं अधिक होती है, इसलिए इसके जो आजकल तो आधुनिक तकनीक बहुत आ गई है तो आप इसके अच्छे से उपचार कर सकते हैं। 15वीं बात, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा अंडरग्राउंड ना बनाएं। किसी एक कोने को काट दिया, कभी किसी कोने को काट दिया। कुछ लोग एल आकार में अंडरग्राउंड बनाते हैं, एल आकार का अंडरग्राउंड आपको आर्थिक हानि दे सकता है, इसलिए एल आकार के भी अंडरग्राउंड आप नहीं बनावे। 16वीं बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। अंडरग्राउंड में भूल कर भी काला कलर, नीला कलर, ब्राउन कलर आप नहीं करेंगे। अंडरग्राउंड यदि आपने बना लिया है तो आप उस पर लाइट कलर, सफेद कलर है, येलो कलर है, तो आप ऐसे कलर का इस्तेमाल कीजिए जो आंखों को अच्छा लगता है, जो कि एकदम लाइट कलर हो, आप ऐसे कलर का इस्तेमाल कीजिए। और एक और बात कि अंडरग्राउंड जब आप बनाते हैं तो अंडरग्राउंड में शॉर्ट सर्किट, कीड़े मकोड़े, गंदा पानी, पानी इकट्ठा होना, बारिश के समय सीलन की अधिक समस्या आनी, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप अंडरग्राउंड बनाएं तो जो भी मकान के जो ट्रीटमेंट है वो करें। यदि आपने अंडरग्राउंड बना लिया है और खूब सारी समस्याएं आ भी गई है तो आपको मैं ये कहता हूँ अंडरग्राउंड को आप साफ सुथरा रहिए, उसको एनर्जेटिक बना के रखिए। और एक बात और, ये 16वीं 17वीं बात है ये कि आप अंडरग्राउंड के अंदर यदि सीढ़ियां रखते हैं तो सीढ़ियां काफी चौड़ी रखिए, उसके स्टेप छोटे छोटे रखिए। ऐसा नहीं है कि जाने वाले को ये लगे कि मैं तो गर्त में जा रहा हूं या कोई खड्डे में जा रहा हूं, ऐसी भावना उसमें उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि जितना ज्यादा संकड़ी सीढ़ियां होगी या ये ऊंचाई उसकी ज्यादा होगी तो वह उसको ऐसा लगेगा कि वह खड्डे के अंदर जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें। ये 17वीं बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यदि आप अंडरग्राउंड का निर्माण कराने जा रहे हैं तो अंडरग्राउंड में बैठक रूम आप ना रखें। आप अपने मेहमानों को अंडरग्राउंड में लेकर नहीं जाएं। तहखाना और अंडरग्राउंड जिसको हम कहते हैं वो उसमें ऊर्जा का सबसे कम फ्लो होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्री जो होते हैं वो अंडरग्राउंड को कम से कम बनाने की सलाह देते हैं। आप अंडरग्राउंड के अंदर अपनी पार्किंग कर सकते हैं, अंडरग्राउंड को आप ऊंचा बनाइए। ये सब बातें मैंने आपको देखिए बताई है सारी की सारी। आप इन बातों को यदि फॉलो करते हुए आप अपना अंडरग्राउंड बना रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। यदि आपका अंडरग्राउंड बन गया है और उसमें अंदर दोष उत्पन्न हो गए है तो आप 18वीं बात नोट कर लीजिए कि अंडरग्राउंड के दक्षिण और पश्चिम के हिस्से में आप भारी सामान, भारी वस्तुएं आपके स्टोर के रूप में भी आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरग्राउंड व्यवसायिक स्तर के लिए फिर भी काम का होता है। यदि आप व्यवसायिक स्तर के लिए अंडरग्राउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो व्यवसाय कर सकते हैं। वैसे घर में बार हो नहीं सकती, घर के अंदर दूसरी ऐसी डांस बार ये और जो ये सब चीजें हो नहीं सकती, इसलिए हम लोग अंडरग्राउंड के लिए ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। कुल मिला के मैं आपको सारी बात ये बता रहा हूँ, यदि आप अंडरग्राउंड बना लिया है या बनाने जा रहे हैं तो आप विशेष सावधानी रखें। मैं राजेश व्यास वास्तुविद आपका तहे दिल से पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये आइकॉन बटन जो आपको दिखता है उसको आप दबाइए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, नमस्कार। मित्रों नमस्कार, मेरे यूट्यूब के साथियों, मेरे परिवार के सदस्यों, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत सत सत प्रणाम। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को वास्तु के नए नए टिप्स देता हूं। वास्तु के टिप्स को आप लोग बहुत पसंद करते हैं। देखिए वास्तु जो है यह बहुत ही अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी श्रीमती के लिए बहुत ही कारगर होता है।
पंच महाभूतों के साथ वास्तु का जो संबंध है वह संबंध वास्तव में बहुत ही मजेदार है। मित्रों, हम ईश्वर की आराधना करते हैं, हम वास्तु की भी आराधना करते हैं। वास्तु देवताए भ्यो नमः, इष्ट देवता भ्यो नमः, कुल देवता भ्यो नमः, स्थान देवता भ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो। जब इन मंत्रों का इस प्रकार का उच्चारण होता है तो उसमें एक शब्द आता है वास्तु देवता भ्यो नमः। ये क्या है वास्तु देवता, इसके बारे में तो मैं कभी आपको मेरे जो आने वाले जो नए वीडियोज है उसमें मैं खुल के बताऊंगा कि ये वास्तु देवता आखिर क्या है। ये भगवान शब्द से एक जुड़ा हुआ, मैं आपको एक बात बताता हूं कि भगवान शब्द जो है वह वास्तु से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, एक बहुत रोचक जानकारी है, भगवान। मैंने आपको पहले कहा था कि पंच महाभूतों के साथ वास्तु का इतना संबंध है कि उसके बिना वास्तु बेमानी है। ये पंच महाभूत भगवान से, ईश्वर से जुड़ा हुआ सीधा शब्द है। आज मैं आपको बता रहा हूं एक शब्द में, एक केवल एक शब्द में भगवान और वास्तु और पंच महाभूत ये तीनों क्या है और कैसे हम इसकी व्याख्या करते हैं। एक नई बात है, ये नई बात ऐसे है कि हम भगवान, हे भगवान, हे ईश्वर, जब हम संकट में आते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। अपनी अपनी थ्योरी हो सकती है, अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन वास्तु एक वैदिक संस्कृति से, एक हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ विषय भगवान। भ से भूमि, पंच महाभूत का एक अपना पंच महाभूत भूमि जिस पर हम खड़े हैं, जिसे हम मां कहते हैं, धरती मां भूमि। भ से भूमि, ग से गगन, गगन आकाश तत्व। इस आकाश तत्व से ही ये जीवन हमारा पल्लवित होता है। व से वायु, और आग की जो मात्रा आती है उससे अग्नि। न से नीर, तो हमारे पंच महाभूत क्या हुए, भगवान। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, और न से नीर, नीर यानी जल। ये पंच महाभूतों को बैलेंस रखेंगे तो हमारा वास्तु भी बैलेंस रहेगा। इन पंच महाभूतों में यदि एक चीज भी गड़बड़ हो गई, तो यदि ये हमारे शरीर में होता है तो शरीर में गड़बड़ हो जाती है, और यह हमारे जब घर में हो जाता है, हमारी भूमि में हो जाता है, वास्तु निवास कार्यालय स्थल पर हो जाता है, हमारी फैक्ट्री में हो जाता है, हमारे व्यवसायिक स्थल पर हो जाता है, स्कूलों में, कॉलेजों में, सिनेमा हॉल, कहीं पे भी ये पंच महाभूत यदि डिस्टर्ब हुए, वो सही तरीके से एक भी काम नहीं किया, तो वह भी रोगग्रस्त हो जाएंगे। कैसे उन रोगों को, कैसे महापंच भूतों को बैलेंस करेंगे, मैं मेरे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि पंच महाभूत कैसे काम करते हैं, ये हमारे साथ इनका कैसे सीधा जुड़ाव है, आप मेरे आने वाले वीडियो में देखिए। मैं राजेश व्यास वास्तुविद आपको लगातार नए नए वीडियो देता हूं, और आपको लगातार मैं एक वास्तु के बारे में नई विद्याएं बताने की कोशिश करता हूं। आप मेरे साथ यदि ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अपने घर में, अपने कार्यालय, अपने फैक्ट्री में वास्तु लाभ मिलेगा, और आप सुख समृद्धि और संपत्ति, इसके साथ आपको मानसिक जो संतुष्टि मिलती है वह उससे मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद आज आपके लिए फिर लेके आया हूँ वास्तु के ऐसे नवीन टिप्स जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम खुलकर सांस ले सकते हैं। घर में कलह और तनाव और अशांति कब हमारे घर में मेहमान बनकर आ जाते हैं हम पता ही नहीं पड़ता।
ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिससे हमारे घर की शांति चली जाती है, अशांति आ जाती है? तो उसका कारण क्या होता है? हम जाने अनजाने में ऐसे खूब सारे वास्तु दोष उत्पन्न कर देते हैं। ये वास्तु दोष क्या होते हैं जिनके द्वारा हमारे घर की सुख शांति चली जाती है? इसके लिए मैं आज आपको बता रहा हूं मेरे वो पांच वास्तु टिप्स जो आपके लिए बिना तोड़ फोड़ के, वो ऐसे पांच वास्तु टिप्स जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों नोट कीजिए कि वो ऐसे पांच वास्तु टिप्स कौन से हैं। पहला वास्तु टिप्स दोस्तों, अपने घर के दरवाजों में जो आवाज आती है, जो बार 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 कड़े हो जाने के कारण, मौसम ऐसे गड़बड़ हो जाने के कारण बंद करते खोलते समय आवाज आती है, तो यह अत्यंत अशुभ और अनिष्टकारी माना जाता है। वास्तु में उनके कब्जों में आप तेल डालिए, उनके नियमित सर्विस कराइए, उसको सही तरीके से रखिए। दूसरा, घर के जो विद्युत उपकरण हैं उनमें कर्कश आवाज आती है, जैसे पंखे है, कूलर है और पानी की मोटर है, उनमें बहुत आवाज आने लग जाती है, उनको समय समय पर आप दोस्तों मरम्मत कराइए। ये वास्तु दोष उत्पन्न करती है दोस्तों घर के अंदर। तीसरी और बात, कम से कम अपने घर में वर्ष में दो बार जरूर आप हवन यज्ञ ये कराइए। हवन और यज्ञ से जो ऊर्जा निकलती है, जो सकारात्मक एनर्जी, उसमें जो औषधियों की आहुति दी जाती है, मंत्र बोले जाते हैं, उससे घर का वातावरण उतना अच्छा हो जाता है कि आपको शांति और सुकून अवश्य मिलेगा। चौथी बात, आप अपने घर के अंदर यानी पानी की यदि व्यवस्था सही नहीं है, पानी की सप्लाई सही ढंग से नहीं है, तो उसको सही कराइए। पानी के नल टपक रहे हैं तो ये समझिए आपके घर से धीरे धीरे धन की बर्बादी हो जाएगी, तो उन टपकते नलों को बंद कीजिए। उत्तर पूर्व के अंदर आप भूमिगत टैंक भी कभी आपने प्लान करें तो उत्तर पूर्व में आप भूमिगत टैंक का इस्तेमाल कीजिए। पांचवा महत्वपूर्ण स्टेप, आप जब सुबह उठते हैं तो आप अपने घर की ईशान कोण की खिड़कियां, उत्तर और पूर्व की खिड़कियों को आप खोल दें, वहां से साफ हवा आने दें, वहां से स्वच्छ हवा आने दें, उस जगह को आप बहुत साफ सुथरा रखें, क्योंकि ये घर की सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है, सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला स्थान होता है। तो दोस्तों ऐसे आप यदि मेरे इन वास्तु टिप्स को आप अपनाएंगे तो घर के अंदर सुख शांति समृद्धि प्रॉस्पेरिटी इतना फायदा मिलेगा। ये बिना तोड़ फोड़ के आप ये पांच वास्तु टिप्स आप कीजिए। मैं आने वाले वीडियो में आपको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको वास्तु की और जानकारियां दूंगा जो आप अपने घर में स्वयं कर सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। वास्तु के मेरे चैनल राजेश व्यास विद वास्तु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मेरा सदैव प्रयास रहता है कि मैं आप सब लोगों को बिना तोड़फोड़ के वास्तु के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दूं। तोड़फोड़ कराना आज के इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल काम है। तो सीधा सा सूत्र ये है कि हम बिना तोड़फोड़ के अपने घर का कैसे वास्तु सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, आप वास्तु का सुधार करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। यदि आप मुझे ये नहीं बता पाएंगे कि आपका घर किस दिशा का है तो मैं आपकी क्या हेल्प कर पाऊंगा। आप किसी भी वास्तुशास्त्री को जब अपना घर के बारे में बताएंगे तो उसका पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका मकान किस दिशा का है। तो मित्रों, सबसे पहले आप पता कीजिए कि आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री, आपका कोई व्यापारिक संस्थान, आप जहां काम करते हैं, जहां का वास्तु सुधार करवाना चाहते हैं, तो वह किस दिशा का है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तु जीवन में कितना अंतर लेके आता है ये तो आप करेंगे तो महसूस करेंगे। आप मेरे यूट्यूब के परिवार हो, आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया है। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आप सब लोगों के प्रश्नों का मैं जवाब दे पाऊं और आप सब लोगों की समस्याओं को हल कर सकूं।
वास्तु केवल इतना ही नहीं, अब आपका और मेरा तो एक ऐसा संबंध हो गया है कि मुझे आपके प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी व्यवस्था के कारण, बहुत ज्यादा कार्य होने के कारण मैं कभी कभी दे नहीं पाता, लेकिन आप विश्वास रखिए एक दिन आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। पर मेरी बात, मैं पुनः मेरी बात पे आ रहा हूँ कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि वास्तु आपको यदि मुझसे जानकारी प्राप्त करनी है तो दिशा बहुत महत्व रखती है। आप दिशा कैसे देखेंगे? आजकल सभी लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है, आप उसमें वास्तु का कंपास डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड हो जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे देख सकते हैं। नहीं तो बाजार में आप जाएंगे, 50 रुपए का कंपास मिल जाएगा आपको। कंपास को वास्तु दिग्दर्शक यंत्र भी कहते हैं। ध्यान रखिए, कंपास केवल उत्तर दिशा का निर्धारण करता है, वह केवल उत्तर दिशा के बारे में ही बताएगा। आपको भी कुछ नहीं करना, आप अपने घर का उत्तर दिशा कौन सी आप मुझे बताइए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यदि हम चार दिशाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो हम वास्तु के बारे में ढेरों जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको मेरे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि दिशाएं क्या होती है, ये कैसे काम करती है, कुल कितनी दिशाएं होती है, इन दिशाओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और दिशाओं का कैसे जुड़ाव हमारी प्रकृति के साथ होता है और कैसे संतुलन हमारे जीवन के साथ कर सकते हैं। मेरे आने वाले वीडियो को आप देखने के लिए आप मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों को भी बताइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरा जो दुकान है वो गुरु गोपाल भुजिया भंडार नाम से आप लोगों को बीकानेर में मिलेगी। उसमें मैंने अपने दुकान में वास्तु से संबंधित सभी परेशानियों को राजेश व्यास जी के द्वारा उसको ख़त्म करवाया था। इससे मेरे को काफ़ी लाभ हुआ है, मेरे बिजनेस में काफ़ी सुधार हुआ है, साथ में मैंने अपनी जो क्वालिटी थी उसमें भी काफ़ी सुधार किया है और उनकी सलाह से ही मैंने अच्छे तेल से निर्मित, अच्छे दालों से निर्मित मैं भुजिया बनाता हूँ और उनके वास्तु के हिसाब से ही मैं लगातार 18 से 19 साल हो गए मुझे वह कार्य करते और मैं लगातार सफल हो रहा हूँ। तो अब आप लोगों से भी मैं यही निवेदन करता हूँ कि अगर आपको अपना वास्तु दिखाना है तो हमारे जाने माने प्रसिद्ध भारत के विशेष वास्तुविद है, उससे आप संपर्क करें, जो कि 1997 से लगातार वो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और अपने कार्य के प्रति बड़े ही ईमानदार हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी, जैसे मैंने लाभ उठाया है, तो आप भी अपने प्रतिष्ठान में, अपने व्यापार में, अपने ऑफिस में उनसे संपर्क करें और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश व्यास, आप लोगों के लिए मैं नित नए वास्तु के नए नए टिप्स लेके आता हूं। मित्रों, YouTube परिवार और आप सबका मेरा ऐसा कह सकते हैं दिल से रिश्ता जुड़ गया है। वास्तु के जो मैं नए नए टिप्स आपको देता हूं वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप भी आप करते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि मैं आप सभी के प्रश्नों का समुचित जवाब दे पाऊं। मित्रों, आज का जो मैं विषय लेके आ रहा हूं वास्तुशास्त्र में कि हमारा शयन कक्ष, हमारा बेडरूम कैसा होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए, इस बारे में आज हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप परिवार, मेरे यूट्यूब परिवार, मेरे सोशल मीडिया के परिवार, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सर हमारा वास्तु के अनुसार शयन कक्ष कैसा हो, हमारा पति पत्नी में आपसे विवाद रहता है, हमारा बच्चा जिद्दी हो गया है, पढ़ाई नहीं करता है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्ची की शादी नहीं हो रही, उसका कैरियर ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा,
चिड़चिड़ापन रहता है, परिवार में आपसी तनाव रहता है। यदि आपके घर भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने शयन कक्ष, अपने बेडरूम के बारे में कहां पर है, उसका इंटीरियर वास्तु कैसा है, आप उस पर जरूर चर्चा कीजिए। उसको लेकर आप जरूर एक बार सोचिए और वास्तुविद से सलाह लीजिए। दोस्तों, एक बहुत सिंपल बात है, बहुत सरल बात है। मेरा हमेशा मानना होता है कि हम बिना तोड़फोड़ का वास्तु प्रयोग में लेके आए। किसी भी वास्तुशास्त्र के लिए यह बात बोलना कि आपकी ये चीज गलत है, इस चीज को यहां से हटाकर इस चीज को आप वहां बना दीजिए, इसका मतलब होता है 2-5 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये बहुत बड़ी रकम होती है, तो ऐसा हम कर नहीं पाते। आप शयन कक्ष के बारे में सोचिए, शयन कक्ष के बारे में विचार कीजिए, आपके सोने की दिशा क्या है, कहीं आपके शयन कक्ष के अंदर ऐसी चीज तो नहीं है जो आपकी निद्रा को डिस्टर्ब कर रही है, आप देर तक सोते हैं, या देर तक सोते हैं तो नहीं ये कह सकते हैं, आप देर से सोते हैं या देर तक सोते हैं, ये सब चीजें जो होती है ये शयन कक्ष के ही प्रभाव से। शयन कक्ष की ज्यामिति कैसी है, शयन कक्ष कैसे काम करता है, यह वास्तुशास्त्र का एक वास्तु का एक बड़ा सब्जेक्ट है। इस पे यदि मैं बहुत लंबी चर्चा करूंगा तो हो सकता है 2-3 वीडियो भी कम हो जाए, लेकिन आज मैं आपको कुछ सारांश सारांश बातें बता रहा हूं शयन कक्ष के लिए। मित्रों, यदि आप नया घर बना रहे हैं और आपको शयन कक्ष का चुनाव करना है, तो आप शयन कक्ष के लिए घर का जो दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा है वह मास्टर बेडरूम के लिए आप चयन कीजिए। दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा यदि आप चयन करेंगे तो आपको मानसिक शांति रहेगी, वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा। कहीं आप दक्षिण पश्चिम में सो गए हैं और आपने वहां सोने की दिशाएं गलत कर ली है, आपने अपना सर उत्तर की ओर कर लिया है, पश्चिम की ओर कर लिया है, तो दोस्तों आप अपने वास्तु को स्वयं बिगाड़ रहे हैं। अब आपका घर बना हुआ है, नया बना नहीं है, आपने गलती से दक्षिण पश्चिम में शयन कक्ष नहीं बनाया है, तब क्या करें? तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, ऐसे कौन सी जगह है जहां शयन कक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं? आपके जो बच्चे हैं बहुत जिद्दी हैं, तो आप उनको कहां सुला रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बच्चा बहुत आलसी है, कमजोर है, एक्टिविटी उसकी बहुत पुअर है, तो आप मेरे कहने पे एक बार ये प्रैक्टिकल करके देखिए कि आप उसको घर के अग्नि कोण के जो रूम है दक्षिण और पूर्व के कमरे में उसको सुला के देखिए, वो एक्टिव हो जाएगा। शयन कक्ष दक्षिण और पश्चिम में आपने मास्टर बेडरूम बना लिया और सही रिजल्ट नहीं दे रहा, एक छोटा सा उपचार मैं आपको बताता हूं। आप वहां उस कमरे की दीवार पीले कलर की, लाइट येलो कलर की आप करके देखिए, दोस्तों आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आप अपना सोने का तरीका चेंज कीजिए, आप दक्षिण की ओर सिर करके सोइए, आपको खुद को बहुत अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, मैं आपको आगे के मेरे वीडियो में शयन कक्ष के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारी और खूब सारी जानकारी दूंगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका शयन कक्ष अच्छा हो, और आपका शयन कक्ष को मैं और कैसे बेहतरीन कर पाऊं, मैं अपने YouTube के परिवार को मैं और कैसे बेहतरीन तरीके से और खुल के कैसे बता पाऊं, आप मेरे जो WhatsApp नंबर मेरे दिए हैं 9509916909, आप मुझसे दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में आप मुझसे WhatsApp कर सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरी पुस्तक खुशियों का वास्तु भी।
विषय लेके आ रहा हूं वास्तुशास्त्र में कि हमारा शयन कक्ष, हमारा बेडरूम कैसा होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए, इस बारे में आज हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। आप शयन कक्ष के बारे में सोचिए, शयन कक्ष के बारे में विचार कीजिए, आपके सोने की दिशा क्या है, कहीं आपके शयन कक्ष के अंदर ऐसी चीज तो नहीं है जो आपकी निद्रा को डिस्टर्ब कर रही है कि सर हमारा वास्तु के अनुसार शयन कक्ष कैसा हो, देर से सोते हैं या देर तक सोते हैं, ये सब चीजें जो होती है ये शयन कक्ष के ही प्रभाव से, शयन कक्ष की ज्यामिति कैसी है, शयन कक्ष कैसे काम करता है, यह वास्तुशास्त्र का एक वास्तु का एक बड़ा सब्जेक्ट है। मित्रों, यदि आप नया घर बना रहे हैं और आपको शयन कक्ष का चुनाव करना है तो आप शयन कक्ष के लिए घर का जो दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा है वह मास्टर बेडरूम के लिए आप चयन कीजिए। दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा यदि आप चयन करेंगे तो आपको मानसिक शांति रहेगी, वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा। कहीं आप दक्षिण पश्चिम में सो गए हैं और आपने वहां सोने की दिशाएं गलत कर ली है, आपने अपना सर उत्तर की ओर कर लिया है, पश्चिम की ओर कर लिया है, तो दोस्तों आप अपने वास्तु को स्वयं बिगाड़ रहे हैं। अब आपका घर बना हुआ है, नया बना नहीं है, आपने गलती से दक्षिण पश्चिम में शयन कक्ष नहीं बनाया है, तब क्या करें? तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, ऐसे कौन सी जगह हैं जहां शयन कक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं? आपके जो बच्चे हैं बहुत जिद्दी हैं, तो आप उनको कहां सुला रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बच्चा बहुत आलसी है, कमजोर है, एक्टिविटी उसकी बहुत पुअर है, तो आप मेरे कहने पे एक बार ये प्रैक्टिकल करके देखिए कि आप उसको घर के अग्नि कोण के जो रूम है दक्षिण और पूर्व के कमरे में उसको सुला के देखिए, वो एक्टिव हो जाएगा। शयन कक्ष दक्षिण और पश्चिम में आपने मास्टर बेडरूम बना लिया और सही रिजल्ट नहीं दे रहा, एक छोटा सा उपचार मैं आपको बताता हूं। आप वहां उस कमरे की दीवार पीले कलर की, लाइट येलो कलर की आप करके देखिए दोस्तों, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आप अपना सोने का तरीका चेंज कीजिए, आप दक्षिण की ओर सिर करके सोइए, आपको खुद को बहुत अच्छा महसूस होगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका शयन कक्ष अच्छा हो, और आपका शयन कक्ष को मैं और कैसे बेहतरीन कर पाऊं, मैं अपने YouTube के परिवार को मैं और कैसे बेहतरीन तरीके से और खुल के कैसे बता पाऊं। दोस्तों, मैं आपको आगे के मेरे वीडियो में शयन कक्ष के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारी और खूब सारी जानकारी दूंगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आज का हमारा जो विषय है वह है शौचालय। दोस्तों, हम जब नया घर बनाते हैं या जो घर बनाया है तो शौचालय के लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं कि शौचालय कहीं गलत न बन जाए, शौचालय कैसे बना है, ये सारी बातें हमारे सामने आती है। इन सारी बातों के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, घर बहुत महत्वपूर्ण होता है और शौचालय यदि हमारा गलत जगह पे बन गया है तो वह बहुत पीड़ादायक हो सकता है। तो सीधी सी बात मैं आपको ये बताता हूं कि हमारी जो चार दिशाएं हैं, जो मैं आपको हर वीडियो में अक्सर बताता रहता हूं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हमारी चार दिशाएं हैं और चार ही उसके कोण बनते हैं। उत्तर और पूर्वी कोण ईशान, आग्नेय, दक्षिण और पूर्व का कोना दक्षिण, पश्चिम का कोना नैऋत्य, उत्तर और पश्चिम का कोना वायव्य। ये चार कोने, चार दिशाएं, एक ब्रह्म स्थान, एक आकाश, इन सभी चीजों से बनकर घर बनता है। तो दोस्तों, यदि हमने किसी भी कोने को डिस्टर्ब कर दिया, किसी भी आपने दिशा को डिस्टर्ब कर दिया, वहां पे अपने शौचालय बना लिया, तो ये गलत होगा। आमतौर पर आपने देखा होगा पहले लोग शौचालय जो थे शौच करने के लिए, फ्रेश होने के लिए अपने घर से बाहर जंगल की ओर जाते थे। अब वो विधान खत्म हो गया, फ्लैट आ गया, मकान आ गया, तो ये कैसे संभव है?
या कुछ लोग घर के बाहर बनाते थे, तो ये सब चीजें अब संभव नहीं है। अब फैसिलिटी चाहिए, अब घर के अंदर रूम के अंदर भी शौचालय चाहिए, बाहर भी अपना एक कॉमन शौचालय चाहिए। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब वास्तु के अंदर अब मॉडर्न वास्तु में ही शामिल हो गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी जगह है जहां पे हम शौचालय बना सकते हैं। दोस्तों उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच के कोने को कहते हैं ईशान कोण। आप उस ईशान कोण पर भूल कर भी शौचालय न बनाए, उसका परिणाम घातक हो सकता है। यदि आपका शौचालय बन भी गया है, मैं आमतौर पर बिना तोड़फोड़ वास्तु को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, लेकिन यदि आपका बन गया है या आपने बना लिया है तो प्लीज आप उसको तोड़ दीजिए, या आपके घर के बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया है कि उत्तर और पूर्व में हमको शौचालय नहीं बनाना। अब बात आती है दक्षिण और पूर्व की बात। दोस्तों दक्षिण और पूर्व का कोना आग्नेय कोण होता है। आप आग्नेय कोण में स्नान घर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखें उस स्नान घर के अंदर आप भरी हुई बाल्टी जो है, भरी हुई बाल्टी रख देते हैं, भरी हुई बाल्टी आप ना रखें, लेकिन शौचालय वहां अलाउ नहीं है। आपको उसके बाद भी जगह चाहिए और कुछ बनाना है तो इसके लिए आप पूर्व की ओर जब जाएंगे, मतलब आप ईशान कोण की ओर जब बढ़ेंगे आगे, तो वहां पर आप स्नान घर बना सकते हैं। तो ये आपके दो कोण क्लियर हो गए। तीसरी अब अपने बढ़ रहे हैं आगे नैऋत्य कोण की ओर, जिसे बोलते हैं दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा। दोस्तों दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है वहां पर शौचालय न बनाए। अनेक वास्तुशास्त्री भूल कर अज्ञानतावश वहां पर शौचालय बनवा देते हैं, तो वहां पर पानी का फ्लो नहीं हो सकता, किसी स्वरूप में पानी का फ्लो नहीं हो सकता। तो आपके लिए बनवाने की जरूरत पड़ जाए तो आप दक्षिण की ओर, दक्षिण पश्चिम में नहीं, दक्षिण का जो हिस्सा है नैऋत्य कोण का जो दक्षिण हिस्सा है, आप वहां पर आप शौचालय बना सकते हैं। और पश्चिम का जो हिस्सा है दक्षिण पश्चिम की ओर में, जो पश्चिम का हिस्सा है थोड़ा आगे जाके पश्चिम आ जाता है, वहां पर आप वहां पर भी शौचालय बना सकते हैं। उसके बाद आपको शौचालय बनाने की जरूरत पड़ गई है तो आप वायव्य कोण को थोड़ा सा छोड़ दें, लगभग 3 से 4 फीट आप छोड़ दें, तो वायव्य कोण में भी आप शौचालय बना सकते हैं। लेकिन उत्तर दिशा, वायव्य कोण उत्तर पश्चिम होता है, पश्चिम दिशा की ओर शौचालय बना सकते हैं, उत्तर पश्चिम का जो कोना है वहां शौचालय बना सकते हैं, उसको वायव्य कोण बोलते हैं। लेकिन आप उत्तर दिशा की ओर शौचालय भूल कर भी ना बनाए। दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको कि आप अपने घर के भ्रमण स्थान पर जो बीच का सेंटर पॉइंट है वहां पर किसी भी स्थिति में शौचालय नहीं बनाए। वह शौचालय बहुत घातक होता है। ऐसा शौचालय ये समझ लो कि आपके घर को डुबा सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो आप मैंने कितनी बातें आपको बताई, उत्तर पूर्व में नहीं बनाना, दक्षिण पूर्व में आप आग्नेय कोण की ओर आ रहे हैं तो आप आग्नेय कोण में आप स्नान घर बना सकते हैं और नैऋत्य की ओर भी बना सकते हैं, आप जाओ वायव्य कोण में भी बना सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको जो जो चीजें बताई है मर्म स्थानों को छोड़ के आप वहां पर शौचालय बनाइए, आपको ज्यादा लाभ होगा। दोस्तों आप मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, जो बटन दिख रहा है ना आपको सब्सक्राइब का, प्लीज आप इस बेल को टच कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा जो विषय है कि हम वास्तु दोषों को किस प्रकार दूर करें, ऐसे कौन से वास्तु दोष है जो हमेशा हिडन रहते हैं, वो सामने नहीं आते, ऐसे कौन से वास्तु दोष है जो हमारे घर की परेशानियों को लगातार निरंतर बढ़ाते रहते हैं, ऐसे वास्तु दोषों का क्या समाधान हो सकता है, हमारे घर में एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी, कभी बीमारी, कभी कर्जा, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाना, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण से हम हमेशा तनाव में रहते हैं। आज आप भी अपने घर के अंदर ये जरूर देखिए कि कहीं आपके भ्रमण स्थान पर गटर तो नहीं लगा हुआ।
अब वही बात हो गई कि यदि आपको खूब अच्छी तरह खाना पीना सब करा दिया जाए और आपके नाभि देश के ऊपर एक पट्टी का टुकड़ा रख दिया जाए या कोई भार रख दिया जाए, तो आप बताइए कि आप क्या इजी रह पाएंगे? कदापि नहीं दोस्तों, आप इजी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो आपको बहुत परेशानी में डाल देगा। तो इस प्रकार का ये जो एक दोष होता है, ये वास्तु की बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं साथियों। नोट कर लो आप कि आप आज ही आप अपने घर के अंदर ये देखिए कि आपके आंगन के अंदर जो आपका जो नाभि स्थान है घर का मकान का, कहीं उसके ऊपर छत तो नहीं है। वह खुला रहना चाहिए, आकाश तत्व रहना चाहिए। जब हम हमारे पुराने घर और पुराने ढांचे देखते हैं तो आप देखते हैं एक आंगन होता है, आंगन ऊपर से खुला होता है और धूप उससे बारिश सब कुछ वहां पे उससे आता है। लेकिन आजकल फ्लैट का वास्तु हो गया है, फ्लैट वास्तु में आमतौर पर यह संभव हो ही नहीं पाता कि ब्रह्म स्थान को खुला रखते हैं या नहीं रखते है, ये तो आजकल संभव हो ही नहीं पाता। तो उसके लिए तो एक फ्लैट वास्तु है, मैं कभी आपको उसके लिए विशेष चर्चा करूंगा, लेकिन उस पे भी बीम आ सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप कहीं वो फ्लैट तो नहीं खरीद रहे जो आपके घर का जो फ्लैट का एरिया है उसका जो नाभि स्थान है कहीं उसके ऊपर तो बीम नहीं आ गया है, तो आप उसका ध्यान रखिए।